वेलकम राकेश सर, नमस्कार वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच राकेश सर। आपने जो आज का समय दिया और ये इतना इतना खूबसूरत लम्हा है हमारे सभी फोटोग्राफर्स के लिए कि आज हम आप हमारे साथ हैं और यहाँ पर बाकी हमारे जो फोटो आर्टिस्ट है वो भी जुड़ रहे हैं यहाँ पर। आज का जो सेशन है बेसिकली राकेश सर एक जाने माने फोटोग्राफर है, एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर है, लेकिन उसी के साथ ही राकेश सर और भी बाकी शूट्स करते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी देर में जानकारी दूंगा जैसे ही और हमारे फोटोग्राफर ज्वाइन होते हैं। तब तक हम लोग थोड़ा कौन कौन ज्वाइन हुआ है वो देख लेंगे एक बार। वैभव फुनगे जी वेलकम, सुनील वायल जी वेलकम, स्वराज क्रिएशन, पंकज डोंगरे, इमेज वीडियोग्राफी, श्रीनाथ मुडोले सर, सूर्याक्षी वेलकम, संतोष गावड़े सर वेलकम, ज्ञानेश्वर सोनोने वेलकम। चलो बहुत बढ़िया, आप सभी ज्वाइन कर रहे हैं और आज का लाइव सेशन एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर है जो कि हम लोग सालों साल फोटोग्राफी करते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी जो हम लोग करते हैं वो फेसेस की होती है, चेहरों की होती है, और उसी चेहरे के बारे में, उसी फेसेस को जो राकेश सर उनके नज़रिया से देखते हैं, उनकी क्या सोच होती है उनके पीछे, वो किस तरीके से पोर्ट्रेट्स को देखते हैं, सो वो ये बार का यह राकेश सर हमारे साथ शेयर करेंगे। और सर के एक एक राकेश सर क्या शेयर करेंगे, उससे पहले जब राकेश सर फोटोज शेयर करेंगे तो वो फोटोज ही इतनी बातें करते हमारे साथ कि शायद राकेश सर को वो वर्ड्स में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग जानेंगे उसकी डिटेलिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि राकेश सर बीटीएस जो बिहाइंड द सीन्स है, जो राकेश सर ने पिक्चर को कैसे, पोर्ट्रेट को कैसे शूट किया, ये राकेश सर वीडियो के द्वारा हमें दिखाने वाले हैं। सो बस आप तैयार रहिए और बाकी हमारे साथी जुड़े यहाँ पर, बालाजी मीडिया, श्रीराम जादव सर वेलकम, संतोष सर, भांजी भाई वेलकम, अनिल माली सर वेलकम। अनिल सर का पहले ही मैसेज मिला था दोपहर में कि आई एम वेटिंग। कैलाश सर वेलकम, नीतीश सर वेलकम, अजीत सर वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक विद इन 5 मिनट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमें स्टार्ट करना है आगे, उसी के साथ ये मेरा फर्ज है कि राकेश सर का मैं प्रॉपर इंट्रो कर दूं। वंस अगेन राकेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल से, थैंक यू सर, और थैंक यू। थैंक यू सो मच। इस दिन का मतलब बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे और मुझे भी कई मैसेजेस आ रहे थे जब ये पोस्टर लॉन्च किया, तो इतने मैसेजेस आए कि सर आप समय की पाबंदी मत रखिए और हमें बहुत काम देखना है, बहुत पोर्ट्रेट्स देखने हैं, तो आज वही होगा डेफिनेटली। राकेश सर पूरे दिल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जुड़े हमारे साथ अमित पवार सर, SDK फिल्म्स, ऋषिकेश अड़ाव सर, श्रीनाथ मुडोले सर, स्वराज क्रिएशन, रंजीत सागर सर, सनी सर, SDK, ऋषिकेश, जय सेठ फोटोग्राफी फ्रॉम मुंबई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनंत कामड़ी सर वेलकम, बहुत बढ़िया। चलिए आज का सेशन शुरू करते ही मेरी पहले एक जिम्मेदारी है कि मैं राकेश सर का एक इंट्रो कर दूं। तो राकेश रावल सर ओनर ऑफ रावल फोटो स्टूडियो ठाणे, जो कि मुंबई से है, और राकेश सर का रावल फोटो स्टूडियो मुंबई में ठाणे में है, और राकेश सर स्पेशलाइज्ड है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, चाइल्ड फोटोग्राफी, फैशन, वेडिंग एंड प्री वेडिंग एक्सेट्रा। सर की एक सबसे खूबसूरत बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप सभी से, और मुझे ये बताते समय बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये मौका, ये सौभाग्य मुझे मिला कि सर ने आज तक 280 280 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स सर को मिले हैं, 280 प्लस इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स। सो ये बहुत बड़ी बात होती है और यही इंस्पिरेशन है सर हमारे लिए कि अवार्ड मिलना मतलब अप्रिशिएट करना, उस काम को सराहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक आर्टिस्ट उसके लिए इंतजार करता है। और राकेश सर को 2018 जनवरी 2018 में फर्स्ट प्राइज मिला है बेटर फोटोग्राफी मैगजीन से, और उसका कैटेगरी था द ग्रेट इंडियन मार्केट। उसी के साथ मुंबई फोटोग्राफर्स एसोसिएशन MPA में राकेश सर को फर्स्ट प्राइज मिला है इन पोर्ट्रेट कैटेगरी एंड अनदर फर्स्ट प्राइज इन फेस्टिवल कैटेगरी, ये 2020 में हुआ था। उसी के साथ पुणे में
पुणे में राकेश सर को फर्स्ट प्राइज मिला है स्ट्रीट कैटेगरी एंड कंसोलेशन प्राइज मिला है वेडिंग कैटेगरी इन फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ पुणे PSP, ये भी 2020 में हुआ है। और उसी के साथ राकेश सर को थर्ड प्राइज मिला है फोटोथॉन 2020 का। सो ये प्रोफाइल तो बहुत बड़ा है। 280 से भी ज़्यादा प्राइजेस अवार्ड्स राकेश सर को मिले हैं इंटरनेशनली और नेशनली। सो मैं ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, राकेश सर और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में मैं खुद नहीं आऊँगा। सो मैं राकेश सर का फिर एक बार स्वागत करता हूँ और राकेश सर से ही जानना चाहेंगे हम लोग उनका जर्नी, कि उनका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, राकेश सर ने कैसे एक एक स्टेप आगे आए हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। राकेश सर प्लीज। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू टू फोटो आरटीओ टू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक विथ यू एंड शेयर माय वर्क्स आल्सो। देखिए, जर्नी तो ऐसा कुछ खास नहीं है। एक्चुअल में ये मेरा फोटोग्राफी जो बिजनेस है ये मेरा फैमिली से है, और मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे डैड, मेरे अंकल सब यही फील्ड में। क्या बात है। हाँ, मैं ऐसा बंदा था कि मेरे को फोटोग्राफी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था सर। अच्छा हाँ, कुछ अलग ही टाइप का था। तो जब भी मेरे छोटे भाई बड़े भाई वेडिंग के लिए जाते तो मेरे को एज ए असिस्टेंट लेके करके असिस्टेंट लेने के लिए जाते थे, असिस्टेंट लेके। तो मेरे को उस टाइम बहुत कंट्रोल था, अरे यार क्या जाने का, उसमें तो बैग संभालो, ये करो। और जब से शूट के लिए जाऊँ ना, तब से मेरा ध्यान घड़ी पे रहता है, अरे कभी खत्म होएगा, कभी खत्म होएगा, कभी खत्म अच्छा होएगा, क्या कभी। बात है। हाँ, इतना ही नहीं, सैटरडे संडे अगर कुछ काम रहेगा या शूट रहेगा तो मेरे भाई के साथ में जाने के लिए मेरे सबसे बड़ी जान पे आते थे। उसका रीज़न एक है कि मेरे को फोटोग्राफी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को बेसिकली क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और सैटरडे संडेज बोले तो क्रिकेट के मैचेस होते थे, और वो मैचेस छोड़ के इनके साथ में ऑर्डर में जाने के लिए बहुत जान पे आता था। मैं इस मीन्स मैं फिजिकली मैं वहाँ पे रहता था और मेंटली मैं ग्राउंड पे रहता था। अच्छा आप क्रिकेट में ध्यान देते थे, क्या बात हाँ, है। ध्यान देता था। तो अभी वो घर का ही बिजनेस है तो कभी कभार मैं स्टूडियो में बैठता था। तो एक ऐसा बूस्टर मेरे को मिल गया, मैंने ऐसे ही बैठे बैठे मेरा सिस्टर का पिक्चर निकाला था मैंने, ओके और वो मैंने 2000 में फोटो सर्कल, जो हमारे थाने में बहुत बड़ी फोटोग्राफी सोसाइटी है, तो वहाँ पे जी। मैंने कंपटीशन में पोर्ट्रेट में पार्टिसिपेट कर दी पिक्चर। तो जब भी मैंने पार्टिसिपेट करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद उनका जजेस उनका मेरे को फोन आया कि आपने पोर्ट्रेट में फर्स्ट प्राइज मार दिया। आई एम ओके शॉक। हाँ, कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है। तो उस दिन से कि मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरुआत किया, पोर्ट्रेट पे पोर्ट्रेट क्लिक करते गए, थोड़ा सा खुद को डेवलप करना। एक्चुअल में वो मेरा दूसरा पॉइंट था कि मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना। हेलो। यस यस प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ सी हाँ हाँ तो ऐसा सब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा फोटोग्राफी में, तो भी इतना ठीक से नहीं आ रहा। फिर मैंने LS रहेजा, जो अपना बांद्रा में फोटोग्राफी ये है इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले ली। मैंने मिस मेरे डैड ने मेरे को वहाँ पे दे दिया, एडमिशन ले लिया। और मैं कैसा वैसा करके वो इतना इंटरेस्ट करने के बाद वहाँ पे वो LS रहेजा में मैं थर्ड रैंक में आ गया। वाह ठीक है, मैं अभी ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करता, मैं थोड़ा सा अपना स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ मैं। सर, आपने जो LS रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट में जो एडमिशन लिया था वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए था या फोटोग्राफी के लिए था नहीं, स्पेशली? फोटोग्राफी का 1 ईयर का कोर्स था। वन ईयर कोर्स था फोटोग्राफी। ओके ओके ताकि जो ऑडियंस है हमारे उन्हें भी पता चले कि LS रहेजा स्कूल में ये फोटोग्राफी का कोर्स होता है ऑलरेडी। हाँ ओके क्योंकि हमारे साथ पूरे ऑल इंडिया से ही पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जैसे यहाँ पर अभी राजस्थान से भी पार्टिसिपेंट जुड़े, ऑल इंडिया से ही जुड़े एक्चुअली। सभी का स्वागत है आप सभी का। और सर आप कंटिन्यू कीजिए। यस प्लीज। तो मैं मेरा स्लाइड स्टार्ट करूँ सर? यस सर, यस सर, जस्ट अ मिनट। यस सर देखिए सर, सबको जी। देखिए सर, मैं
जो भी कुछ अभी यहाँ पे जो इमेजेस जो शेयर करना चाहता हूँ वो ऐसा नहीं कि ऐसा ही करना चाहिए, ये मैंने जो सोचा और मैंने कर दिया, इसको फॉलो करना ऐसा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जो अभी आंसर आंसर आइटम का जो सेंटेंस है इसको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ मैं। ओके हाँ, देर आर नो रूल्स फॉर गुड फोटोग्राफ्स, देर आर ओनली गुड फोटोज। कुछ भी करो कैसा भी करो, फोटो आपको वाह होनी चाहिए। क्या बात भले है। हाँ, भले आप ये लाइटिंग करो, वो लाइट करो, या एक लाइट नहीं दो लाइट जितना चाहिए वो लाइट्स यूज करो, या विदाउट लाइट शूट करो, बट पिक्चर आपका वाह होना जरूरी है। राइट, पिक्चर में वाव फैक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही राकेश सर का फर्स्ट की है हमारे सभी के लिए कि एंसल एडम्स का जो सेंटेंस है यही सेंटेंस बहुत कुछ बता रहा है। और शायद इस सेंटेंस से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद पूरा सेशन समझने में बहुत इजी हो जाएगा कि वाव फैक्टर हमारे पोर्ट्रेट में, हमारे पिक्चर में होना चाहिए। यस सर, प्लीज। तो भले वो पिक्चर पोर्ट्रेट हो जाए, दो प्री वेडिंग हो जाए, जो भी कुछ सामने जो भी कुछ आपको क्लिक करना है वो वाव होना चाहिए। देखिए मेरे जो सर है जिनके पास में एक्चुअल में रियल जो फोटो स्टार्ट किया सीखना, वो मेरे सर है सत्विंदर जी, पापा जी बोलते हैं हम लोग, सत्विंदर सिंह भामरा। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके वजह से मैं बहुत कुछ फोटो में सीखा। उन्होंने मेरे को एक सीख दिखाई कि ट्राई टू मेक अ फोटो इंस्टेड ऑफ क्लिक द फोटो। कभी आप फोटो क्लिक नहीं करो, उसको पिक्चर बनाना सीखो। वो अगर आपको एक बार जम गई तो आपका पिक्चर वाव होना ही है सर। राइट, ये बहुत बड़ा, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली उनका सोच है। और ज्यादातर यही होता है कि हम लोग क्लिक 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 करते रहते हैं और बनाने में बनाने के लिए प्रयास नहीं करते। शायद उसके लिए ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसकी एक प्रोसेस रहेगी। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। क्लिक करने से पहले सोचना चाहिए सर। राइट राइट राइट। ये भी सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर पर ये जो सेंटेंस है मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ सर। वाओ, राइट। हर एक पिक्चर जब भी मैं क्लिक करता हूँ, आने के बाद मैं खुद मशीन पे देखता हूँ मैं, तो उसमें मेरे को देखने का मालूम मालूम पड़ता है कि वो इसमें ये मिस्टेक्स है। मैं पिक्चर में वाव फैक्टर नहीं ढूंढता, मैं उसमें हमेशा मिस्टेक्स ढूंढते रहता हूँ, ताकि आपकी मिस्टेक्स जो है अभी जो हुई है वो नेक्स्ट टाइम आपको अवॉइड करनी है सर जी। और मेरे कहना है, मैं कोई भी पोर्ट्रेट या कौन सा भी पिक्चर सामने जब भी मैं क्लिक करता हूँ ना, एक अभी एग्जांपल देता हूँ, मैं सामने किसी का पोर्ट्रेट खींचता हूँ ना, तो मैं उस टाइम समझता हूँ कि मेरे सामने अमिताभ बच्चन सर है सर। ओके ओके। हाँ, क्योंकि वो अभी मिले हैं, कुछ 5 मिनट के लिए रहेंगे, इसके बाद मेरे को मिले या नहीं मिला भगवान जाने। राइट राइट राइट। तो उसी टाइम पे आपको परफेक्ट पिक्चर क्लिक करना चाहिए, ये सोच के मैं हमेशा सारे पिक्चर्स क्लिक करता हूँ सर। जी, बहुत बहुत सही, बहुत सही कहा आपने। अभी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में क्या चीज ध्यान में रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कोई बता सकते हैं मेरे को? आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कमेंट्स में ताकि हम लोग जुड़े रहे, और राकेश सर सभी के साथ कुछ बात करना चाहते हैं कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में क्या देखना जरूरी है। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ सर। यस यस यस, क्योंकि अभी कई बार टाइप करना, कई लोग मोबाइल से। ये चार चीज आप हमेशा सोचो, पहला सब्जेक्ट क्या है, दूसरी सब्जेक्ट के ऊपर लाइटिंग क्या है, तीसरा बैकग्राउंड क्या है, और फोर्थ वन कंपोजिशन। ये चार ही चीज अगर आपके पिक्चर में आ गई तो आपकी पिक्चर वाह होनी ही होनी। अभी थोड़ा सा मैं अपना फिलोसॉफी यहाँ पे नहीं दे रही, या कोई मैं आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, जो मेरे को जो मालूम है बोला। अभी सब्जेक्ट में अगर सामने आपके कोई मॉडल है, या कोई लड़की या कोई लड़का है, या कोई बुजुर्ग आदमी है, तो उसमें को आपको फाइंड आउट करने के उसमें
फेस में क्या खूबी है जी, वो हमेशा आपको ढूंढते रहना चाहिए। अगर कुछ खूबियां भी नहीं है तो कौन से एंगल से क्या दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देंगे, वो भी आपको ऑलवेज सोचना है। उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट में ज़्यादा ब्रीफली नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद है सेकंड लाइटिंग। देखिए लाइटिंग ये तो फंडा बहुत बड़ा है, लेकिन लाइटिंग के लिए मैं बोलता हूँ जितनी भी लाइट्स है, जो टाइप्स ऑफ लाइट्स है, वो नो डाउट कि आपको आना ही चाहिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट लाइट, ब्रॉड लाइट, बटरफ्लाई, स्प्लिट लाइट, ये एज अ नॉलेज करके आपको इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बट सामने सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर आप कैसा लाइटिंग करेंगे? आप उस टाइम वो सोचेंगे कि मैं ब्रॉड लाइट करूँ या शॉर्ट लाइट करूँ या बटरफ्लाई करूँ। सिंपल सा जैसा मैं जो करता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको कि एक लाइट यूज करके उसके उसके ऊपर जो आपको जो रिलेवेंट लगे या जो चाहिए वो मॉडिफायर यूज करके वो सब्जेक्ट के कान से डायरेक्ट उसके नोज तक, मीन्स फ्रॉम मेरे बैक से, मीन्स राइट टू मेरे बैक तक वो लाइट खिला के देखना है आपको। और आपको जिधर लाइट्स प्लेस करने से आपको उसका पिक्चर अट्रैक्टिव लगेगा वहाँ पे आपको लाइट सेट करना है। राइट, क्या हाँ, ये मेरा थोड़ा सा फंडा अलग है। और उसके बाद थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड ये सब्जेक्ट मैं तो कहता हूँ फोटोग्राफी में नहीं, आदमी को रियल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, सिंपल, हाँ सिंपल सी गोष्ट अगर कहूँ, अगर राकेश रावल है या सचिन सर है, उनका यूट्यूब पे चैनल, यूट्यूब चैनल क्यों देखे, वो देखने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। राइट, राकेश रावल को पिक्चर या राकेश रावल का जो फोटो आर्टियो में जो यूट्यूब पे जो स्लाइड शो होने वाला है तो वो देखने के लिए उसका बैकग्राउंड क्या है भाई। जी तो बहुत देखा आपने। हाँ, तो ये सारी चीज, इसके लिए मैं बैकग्राउंड को इतना इम्पोर्टेंट देता हूँ। तो सेम फोटोग्राफी में वही है, आपका सब्जेक्ट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसका बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ वन जो चीज़ है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन तो बहुत सारा, मीन्स रूल ऑफ थर्ड या जो भी कुछ उसका ग्राफ है उसको फॉलोअप कर सकते हैं, या अगर आपको कंपोजिशन मालूम है, अगर आपका पिक्चर स्ट्रांग है तो आपका कंपोजिशन भी थोड़ा इधर उधर हो जाएगा ना, तो भी पिक्चर आपका वाव हो जाएगा। एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर आपको कंपोजिशन, मैं जो मेरा कंपोजिशन इम्प्रूव करने का मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मैं पिक्चर थोड़ा सा लूज खींचता हूँ, दोनों सभी लोग खींचते रहेंगे, लेकिन मैं उसके बाद जो कंपोजिशन का जो टेक्निक है वो थोड़ा, अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जी, आपको दिखाई दे रहे सर, ये माउंट आता है फोटोज के लिए। जी, हाँ, तो ये पूरा एक माउंट ऐसा आ जाता है, तो उसको कट करने है, मैंने ऐसा कट किया हुआ है। उसके बाद आपको इसको ऐसा हिला के जैसा चाहिए ऐसा कंपोजिशन आपको मॉनिटर पे देख सकते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है एक्चुअली। हाँ, तो इससे थोड़ा पिक्चर आपका वाह हो जाएगा सर। राइट, ये माउंट बोर्ड से हम लोग बना सकते हैं। यस, जो आपका पिक्चर का जो रेशो होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे जाऊं मैं? यस सर। अभी मैंने डायरेक्ट शुरुआत ही की सर, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए, वेस्ट ना करते हुए। ये पिक्चर मेरा इंटरनेशनल बेस्ट पोर्ट्रेट करके अवार्ड विनिंग पिक्चर है, मैं हाइकी में। तो इसके लिए भी बहुत, मैं स्टार्टिंग में मैं क्या करता, अभी ये जो है हमारे यहाँ पे ही रहती नेबर है, तो अभी इधर उधर से उसका हस्बैंड का शर्ट मैंने उसको पहना हुआ है। और हाँ, और वो जो व्हाइट कलर का साड़ी उसको लिपटा, थोड़ा सा फ्लावर वहाँ पे लगा दिया, और थोड़ा हाइकी का थोड़ा सा मैंने स्टडी करके हाइकी में एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो रहता है हाइकी में हैप्पी होना चाहिए, कंट्रास्ट थोड़ा कम होना चाहिए, ये सारे सोच के मैंने क्लिक किया हुआ है। तो ये सब स्टडी करने से या क्लिक करने से ही मालूम पड़ता है सर आपको। जी,
मुझे सिर्फ इसमें यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात, अभी आपने कहा कि वो एक हैप्पी मोमेंट है या फिर वो स्माइल कर रही है, राइट। और हाइकी में, मतलब ये हाइकी और लोकी की अगर बात करें हम लोग, तो ये क्या इमोशंस के अकॉर्डिंग ये क्या बताते हैं हमें? मतलब हाइकी अगर एक हैप्पी मूड दिखाता है और लोकी हाँ, अगर एक, तो लोकी में किस तरीके से हम लोग लोकी को किस तरीके से देख सकते हैं? लोकी बहुत ड्रामेटिक मूड। ड्रामेटिक मूड, राइट। ओके हाँ, तो हाइकी में जो है एक्सप्रेशन हैप्पी होना चाहिए सर, ऐसा है राइट होना है, चाहिए। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मैं क्या बोलूँ, ऐसा कोई रूल नहीं सर। ओके राइट हाँ, राइट आप कुछ भी करो, मेरा खाली है कि सब्जेक्ट पिक्चर हुआ आना चाहिए बस। राइट। तो जैसे सर आपने ये जो पिक्चर लिया है, मुझे एक थोड़ा इसकी इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि हाँ आपका ठाणे मुंबई में फोटो स्टूडियो है, तो बराबर, जैसे आप ये पोर्ट्रेट अगर ले रहे हो या पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो उसके लिए आपका स्टूडियो या फिर जो आप शूट करते हैं, तो एक अप्रोक्सीमेट आप गाइड कर सकते हैं हमें कि कितना जगह होना चाहिए और कितने लाइट्स होने चाहिए ताकि हम लोग बेटर फोटोग्राफी कर सके या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सके? आपको क्या लगता रहेगा सर, कितना बड़ा स्टूडियो रहेगा इसका? क्योंकि जनरली आइडियली हम लोग कहते हैं कि एक 15x20 या फिर जितना थोड़ा साइज स्टूडियो का ज़्यादा रहेगा, थोड़ी स्पेस मिलेगी, तो हमें लाइटिंग करते समय स्कोप मिलता है वहाँ पर, या फिर अगर हम लोग पोर्ट्रेट लेंस पर काम करें तो वो भी डिस्टेंस वहाँ पर लगता है। तो हमें वही जानना है कि आपके क्या टेक्निक्स है और आप कैसे जगह का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं स्पेस का? सर जी, ये मेरा स्टूडियो है 9x8 फीट इंक्लूडिंग काउंटर। ओ ओके 9x8 फीट। हाँ, मीन 72 स्क्वायर फीट हुआ सर। ओके ओके और वहां पर जैसे ये पोर्ट्रेट जो आपने लिया है, तो ये पोर्ट्रेट भी वहीं पर लिया है या किसी नहीं, और? वही वही पे ही लिया हुआ है सर मैं। अच्छा, मतलब 9x8 फीट के स्टूडियो में लिया हुआ है। यस 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 तो आपको कभी लगा नहीं ऐसा कि अगर स्टूडियो थोड़ा बड़ा रहता था तो और मैं इसमें ज्यादा, क्योंकि यही हमारे लिए इतना ज्यादा है कि यही वन ऑफ द हाँ बेस्ट पोर्ट्रेट है। कई बार क्या होता है कि फोटोग्राफर्स हम सोचते हैं कि भाई जगह रहता था मेरे पास, लाइट्स रहती थी बहुत ज्यादा, तो फिर मैं इतना अच्छा पोर्ट्रेट बना सकता था। तो आपने जो पोर्ट्रेट ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया है और वो अगर 9x8 फीट में है, सो मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि उसके लिए मैं क्या बोलूँ, लेकिन एक आर्टिस्ट क्या कर सकता है उसके लिए? कोई एक बीच में मतलब लिमिटेशन नहीं आती है, वो हर चीज को पॉसिबल बनाते चलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, इसके बीच में थोड़ा ब्रीफली कहना चाहता हूँ। इसमें ना खाली आपको ना नो डाउट कि जगह छोटा है, तो थोड़ा सा आपको अपने लाइट के बारे में सोचना चाहिए। ओके ओके हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा है, बट मैंने यहाँ पे खाली एक सामने से सॉफ्ट बॉक्स यूज किया है और पीछे खाली रिम लाइट दिया हुआ है। अभी वो बैकग्राउंड को जैसे मैंने डार्क या ब्राइट करने के लिए खाली मैं सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड उसका डिस्टेंस खाली आगे पीछे किया हुआ है। ओके ओके परफेक्ट। सो और सर यहाँ पर जैसे आपने ये जो पोर्ट्रेट है, तो इसके लिए लाइट मॉडिफायर, आपका जो मेन की लाइट है उसका एक मॉडिफायर क्या यूज किया है आपने? मैंने इसको सॉफ्टबॉक्स यूज किया है सर, शॉर्ट बस जो जनरली किट में आता है वही 2x2? 2x2 नहीं, इसको मैं शायद 1 मीटर बाय 1 मीटर का यूज किया है सर। इसको देखो, ओके वन ओके मीटर बाय 1 मीटर यूज करने से क्या, उसको उसका जो पीछे है ना, मैंने ज्यादा वो बैकग्राउंड लाइट बैकग्राउंड पे नहीं चला गया लाइट वो। ओके ओके हाँ, राइट तो राइट थोड़ा राइट सब्जेक्ट को थोड़ा उसको पीछे करके मैंने बैकग्राउंड को लाइट को थोड़ा आगे लेके और पीछे एक रिम लाइट दे के मैंने पिक्चर बनाया हुआ है ये सर। राइट इसी को सर मैं थोड़ा सा बीच में, हमारे जो भी अभी पार्टिसिपेंट जुड़े, 128 पार्टिसिपेंट्स लाइव जुड़े हैं यहाँ पर, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अगर इस क्वेश्चन, इस पोर्ट्रेट के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन है, तो आप तुरंत यहाँ पर आप हमें चैट कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पर, ताकि सर बहुत पोर्ट्रेट्स दिखाने वाले हैं, शो करने वाले हैं हमें और उसकी बार कहिया भी बताने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इस पोर्ट्रेट के बारे में, हर कोई पोर्ट्रेट के बारे में कुछ अगर आपके मन में क्वेश्चन है, तो हम थोड़े से पर्टिकुलर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आगे चलते रहेंगे, ताकि एंड में ये पिक्चर फिर से नहीं देखने मिलेंगे, तो हम उसी वक्त क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं और राकेश सर उसके लिए रेडी है। जी सर हाँ, मैं अकेले ही बात करने से अच्छा है कि आप हमारे साथ बात करेंगे तो और बेटर हो जाएगा सर। राइट 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 तो यहाँ वो पे नहीं, वो फोटोग्राफी क्या, जो मेरा फोटो मैं खुद ही सब बताऊं कि इसका ये है उसका ये, सामने तो दिखाई देता है फोटो। फोटो राइट 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 फोटो के बारे में बताऊं तो फोटो का वैल्यू कुछ नहीं सर।
यस सर जरूर। तो किसी के मन में अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर बना है इस पोर्ट्रेट को देखते हुए तो आप लेख पूछ सकते हैं। यहाँ पर वैभव चौधरी सर कह रहे हैं कि आई लव द कलर स्कीम। सो डेफिनेटली राकेश सर कलर स्कीम के बारे में भी आगे बताएंगे। तो सर हम आगे चलते हैं, शायद कुछ क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। कोई बात नहीं सर, और तो बहुत बहुत खजाना है आपके पास, तो हम उसमें भी क्यूरियस है कि और आगे आगे कितने मजा आता रहे। और जहां पर भी वीडियो दिखाना है हमें, वहां पर वीडियो भी हम लोग प्ले करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ ये भी मेरा अवार्ड विनिंग पिक्चर है सर, ये भी मेरे सेम वही स्टूडियो में मैंने खींचा। और इसको तो मैंने जब भी मेरे स्टूडियो में एसी भी नहीं था तभी मैंने उसको स्वेटर वेटर डाल के 2-3 बार को जाके टैप करने का आने का फिर से यहाँ पे आके क्लिक करना है, ये सारे बहुत मैंने बहुत कुछ किया हुआ है सर इसके बारे में। ओके। सब जैसे ही आपने ये पोर्ट्रेट भी दिखाया, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर शिवम फोटो से कि नमस्ते सर, ये पोर्ट्रेट का बैकग्राउंड विदाउट शैडो हाँ कैसे आया है? सही, हाँ शैडो आपने नहीं लिया है उसका, क्या किस तरीके से आपने यूज किया है उसे? सर जी देखिए, इसको मैंने 1 मीटर बाय 1 मीटर सॉफ्ट लॉक्स यूज किया हुआ है और जो लाइट जो जितना बड़ा रहता है उसका फॉलो कम रहता है, लाइट जो शेडो रहता है वो कम रहता है, और वो अगर ओके। दिख रहा है आपको सामने से तो वो हिसाब से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आपको जैसा चाहिए पहला मॉडिफायर सेट करके ले लो, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे पूछा कि शेडो नहीं है वो सब चीज उसमें देखना चाहिए आपको, ऐसा ही नहीं कि खाली आपको सब्जेक्ट को ही देखना है लाइट सेट करके। हाँ राइट राइट राइट। उसी के साथ ये फुलचंद मेश्राम सर है जो कह रहे हैं कि हाँ राइट, उन्होंने जो कहा वही सही है भी है कि नीचे फोटोशॉप से बैकग्राउंड फेदर हाँ किया हुआ है सर, राइट किया हुआ है, हाँ राइट राइट विग्नेट किया हुआ है। विग्नेट किया हुआ है। बहुत अच्छा बहुत क्वेश्चन परफेक्ट पूछा सर उसने। हाँ राइट। और ओके, जो क्वेश्चन मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट लग रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये करूंगा। ये भी मेरा ओके बैंगलोर में गोल्ड मेडल मेरा अवार्ड है इसको, सॉरी ये भी पिक्चर जो है ना मेरा बैंगलोर में अवार्ड विनिंग पिक्चर है, गोल्ड मेडल मिला हुआ सर इसको। वाओ ग्रेट 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 ओके। और ये जैसे यहाँ पर राज सूर्या सर ने भी पूछा है कि हाइकी के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए? अभी ये पिक्चर में आपको क्या लग रहा है? सिंपल सर, हाइकी मीन्स आपको अभी उसका मैंने उसका जो स्वेटर था वाइट कलर का था, तो अभी मैं उसका बिना कुछ जो सर पे लगा के अगर पिक्चर खींचू तो ब्लैक कलर का हेयर रहता था, राइट तो ज्यादा मीन्स वो हाइकी पिक्चर होता ही नहीं था, जी यानी जी तो जी फिर वो ब्लैक कलर का अगर हेयर रहता तो मेरे को व्हाइट कलर का विग्नेटिंग डालने से वो मेरा हाइकी में कन्वर्ट होता था। तो मैंने सिंपल सा उसको हेड को वाइंड अप किया है और वो जो लाइंस दिख रहे हैं थोड़ा सा मैं उसका फ्लावर वो लगा के मैंने पिक्चर तैयार किया हुआ है। राइट सर, ये जो स्टाइलिंग जो है जैसे फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग, वो उसका भी एक महत्व है बराबर कि एक माइंड में आना, इसको किस तरीके से हम लोग उसको स्टाइलिंग करें, तो इसमें आप कैसे सोचते हैं? क्योंकि जनरली सोच के बारे में बात होती नहीं ज्यादातर, सब लोगों हाँ को हाँ इंटरेस्ट रहता है कि लेंस यूज कौन से, कि कैमरा सेटिंग्स क्या है, लेकिन एक सोच बहुत इंपॉर्टेंट है हर पिक्चर में। तो ये आपकी कैसी सोच बनती है वहां पर कि मैं इस टाइप में स्टाइलिंग करूं? स्टाइलिंग देखिए पहली बात तो मैं स्टाइलिंग अगर करता हूँ ना तो मैं खुद ही करता हूँ एक्चुअल में, तो हर टाइम मैं ये सोचता हूँ कि अगर अभी जैसे कि मैंने इसको जो डर्बन टाइप लगा हुआ है तो मैं इसको कितना वाइंड अप करना है, ये तो मैंने साड़ी लगाया हुआ है जितना ज़्यादा लगा उतना उसका हेड बड़ा दिखाई देगा। हाँ राइट तो राइट हाँ तो कितना लपेटना है वो लपेट कर बाकी जो साड़ी था उसके मैंने पीछे डाला हुआ है, और पिक्चर में मैं पहला क्लिक करता रहता कि इसमें मैंने अगर पिक्चर क्लिक किया तो इसमें क्या कमियां है भाई, इसमें ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसमें ये होता तो अच्छा होता था, तो वो कहाँ से अरेंज करवा के वो लगा के मैं पिक्चर खींचता हूँ। वाह मतलब ग्रेट ग्रेट फिजिकली कुछ ऐसा स्टाइलिंग नहीं, जो आप मैं वही तो पहला कहा कि पिक्चर बनाया करो और आपको जब तक मन का वापिल नहीं होता है ना तब तक पिक्चर क्लिक मत करो। राइट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, मैं बीच बीच में लेते रहूंगा कि जैसे जैसे एडिटिंग के बारे में आनंद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि एडिटिंग किया है ना सर, हाँ जी सो सर, एडिटिंग का कितना क्या महत्व है सर? और यहाँ पर उसी से अकॉर्डिंग कौन से फोटोशॉप से किया है? सो मुझे लगता है कौन सा फोटोग्राफर उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन एडिटिंग के बारे में हम लोग जान सकते हैं। ये फोटोशॉप में किया हुआ है और एडिटिंग में देखिए अभी क्या है सब लोग मेरे अभी जितने भी वर्कशॉप या जितने भी जो वेबिनार होते हैं उसमें सारा एक ही क्वेश्चन देता है सर,
इसमें फोटोग्राफी कितना है और फोटोशॉप कितना है। तो ये फोटोशॉप यूज एज अ टूल, वो इतना ही यूज करना है ताकि जब तक आपका पिक्चर अच्छा लगे, ज्यादा यूज करते करते कभी कभी आपका पिक्चर खराब होना चालू हो जाता है। तो आपको राइट डिसाइड करना है किधर आपको स्टॉप करना है वर्क एडिटिंग राइट करते समय। बहुत बार ऐसा होता है इसमें ये डालू ये करूँ, उसको ब्राइटनेस बढ़ाऊ, फिर उसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसा आ जाती है। तो उसी टाइम आपको सोचना चाहिए, नहीं तो फिर से अंडू अंडू करके आप कितना स्टेज पीछे आ सकते हैं सर। ऐसा है राइट 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 तो कहाँ पे रुकना है वो भी जरूरी है। बराबर। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि अभी सब लोग कहेंगे सर इसमें 40% फोटोशॉप है और 60% फोटोग्राफी है, या कोई बोलेंगे सर 80% फोटोशॉप है या 20% फोटोग्राफी है। मैं तो कहता हूँ सर 20% फोटोशॉप है, 20% क्लिक है, 60% आपका विजुअलाइजेशन। क्या बात है, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट लगी मुझे कि विजुअलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि फोटो बनता ही क्लिक करने से पहले है, हाँ वो बटन क्लिक करने से पहले फोटो बनता है, और वो बनने का जो विजुअल करते हैं वो आर्टिस्ट करता है, वो वो ज्यादा फोटोग्राफर। इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपके एक बार सोच में आए ना तो आप पिक्चर वहां से कोई नहीं रोक सकते सर आपको। क्या बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपको गोल्ड मेडल मिला है इस पिक्चर के लिए थैंक यू सर। बेंगलुरु में। और क्वेश्चन कई सारे हैं लेकिन मैं आगे लेते रहूंगा, हम पिक्चर भी उतना देखते हैं क्योंकि आप तो खजाना लेके बैठे हैं अभी हमारे लिए, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो जहाँ पर भी कई वीडियो दिखाना है तो आप मुझे बताइए, हम लोग वीडियो में हाँ जी दिखाएंगे। हाँ जी हाँ जी। देखो इसमें भी मैंने से मेरा थोड़ा सा, जब देखो कोई चीज़ ऐसा रहता है ना आपको आती नहीं तब तक आप करते रहते हैं, और करते करते आप मास्टर बन जाते हैं। तो आपको है ना एवरी टाइम इतना याद रखना है कि ऑलवेज क्लिक करते रहना है सर। ओके, राइट, सेम फंडा है वैसे ही यूज किया है मैंने जो, और वही सेम स्टूडियो में थोड़ा सा जो बैकग्राउंड मैंने ऊपर जो लपटा हुआ है वही उसको थोड़ा सा बॉडी में देखे, उसको ग्लोव भी पहना के मैंने अलग टाइप से कुछ करने का ट्राई किया है मैंने। यहाँ पर एक कुछ दो क्वेश्चंस है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। वो है कि एक तो प्रसाद जी पूछ रहे हैं कि पोर्ट्रेट में कलर थ्योरी का क्या यूज होता है सर जी, और उसी से अकॉर्डिंग कलर स्कीम का स्टडी कैसे करें, ये सनी सर कह रहे हैं, सनी जी कह रहे हैं। तो सर क्या बताएंगे आप, इसमें क्या गाइड करेंगे कि जैसे पोर्ट्रेट में कलर थ्योरी का क्या यूज होता है। हाँ सर देखिए अभी जितना मेरे को पता है कलर थ्योरी देखा जाए तो बहुत वास्ट है, लेकिन सोचना उतना ही जितना अपने को जरूरत है। मैं तो वही करता हूँ सर। अभी देखो ये पिक्चर में अगर मैं ना उसको जो पिक्चर में पूरा आपको उसका लिप्स को जो मैंने ना रेड कर दिया देखो जी मीन्स हाँ, तो उसको भी लाइट करता था वो मज़ा चला जाता, तो आपको जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ना वो चला जाता। और एक आप ध्यान से देखिए से उसका एक फॉर्म तैयार हुआ है, वाह, राइट राइट जो आपका अगर नजर हाथों से चालू हो जाएगी ना तो घूम के ऐसा सर से ऊपर जाके उसके फेस के ऊपर आ जाए। और इतना भी नहीं हुआ किसी को फॉर्म भी नहीं पता चला तो आपको ज्यादा व्हाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें एक रेड दिखाई दे रहा है ताकि आपका जी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान जाता। और रेड कलर ऐसा है कि जहाँ पे भी आपका कुछ सब्जेक्ट रहेगा तो आपको वहां पे कोई दिखाने का जरूरत ही नहीं। हाँ, वो अट्रैक्ट कर लेता है, यस यस उसका उतना पावर है एक्चुअली रेड कलर का कि वो हाँ, अपने आप जो में। ये प्राइमरी कलर्स उतने स्ट्रांग ही होते हैं सर ऐसे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ते। एक एक मुझे ये भी लगा, भी आपने तीन तीन पोर्ट्रेट्स दिखाए, आपका लाइट पर बहुत कंट्रोल दिख रहा है सर यहाँ पर, मतलब लाइट कंट्रोल जिस तरीके से की जाती है, सो वो कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोगों ने हाँ फोटोशॉप में भी वही कहा, तो लाइट में भी वही है कि जहाँ पर आपका जो रिम लाइट है हाँ, वो भी एक ऐसा नेचुरल फील दे रहा है कि वहां पर वो डायरेक्ट आंखों में नहीं जा रहा है वो पिक्चर, मतलब वो पोर्ट्रेट देखने के बाद वो लाइट दिखता है और वो एक थ्री डायमेंशनल इफेक्ट ला रहा है वो। सर कैसा है लाइट का कैसा है आपको जैसा चाहिए ना सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक बात बताना भूल गया कि फोटोग्राफी में ना सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात है तो वो है आपकी टेस्ट। ओके आपकी ओके टेस्ट अच्छी रहेगी कि ना तो सर आप बहुत अच्छे पिक्चर बना सकते हैं। अगर वहाँ पे अगर मैं वो जैसा मैंने रिम लाइट दिया हुआ है वो हल्का सा आपको पिक्चर सेपरेट कर रही है वहाँ से, यही नहीं कि पैच वहाँ पे आ रहा है। अगर मेरे को चाहिए तो मैं पैच करवा सकता हूँ, नहीं चाहिए तो नहीं कर सकता हूँ। राइट 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 ये टेस्ट बहुत जरूरी है, ये पहली बार मैंने सुना है कि एक्चुअली आपकी क्या टेस्ट है, और वही है हर हर इसलिए कलाकार का कलाकृति अलग होता है क्योंकि उसकी टेस्ट क्या है, उसका विजुअलाइजेशन क्या है, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते किसी को। आप क्या दिखाना चाहते हो,
यही सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे मिनट, और एक बात, और एक बात कहना चाहता हूँ। जी। आप कौन सी जी सर, खाली ट्राई करना कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से जो आपका सब्जेक्ट है वो डिफरेंशिएट होना बहुत जरूरी है सर। राइट राइट, एक एक टेक्निकल क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये। हमारे कलावंत फोटोग्राफी पूछ रहे हैं कि मोनोक्रोम में शूट किया था क्या, मतलब शूट करते समय आपने पिक्चर स्टाइल जो था आपका वो मोनोक्रोमेटिक था? ना ना सर, कलर अपना स्टैंडर्ड था मेरा, पिक्चर स्टाइल मैं ज़्यादा हिलाते नहीं, क्योंकि मेरा जनरली रॉ पे ही शूट रहते हैं सर, मैं वो पिक्चर स्टाइल बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। ओके ओके, आप स्टैंडर्ड ही करते हैं और रॉ पर ही आप हर कोई पोर्ट्रेट खींचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सूर्याक्षी है यहाँ पर, मेरी स्टूडेंट है ये, अभी बेसिक उन्होंने किया है और टेंथ पास, टेंथ का उनका ये हुआ है। सो उनका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिनका ये बहुत बिगिनर है और शुरुआती कर रही है, कोई बात तो नहीं। सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का डिस्टेंस कौन से बेसिस पे डिसाइड होना करना होता है सर? देखिए अगर ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल आंसर देता हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास एक ही लाइट है ओके और एक लाइट पे मेरे को पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड से मेरे को डिफरेंशिएट भी करना है, पिक्चर वाव भी होना चाहिए। तो सिंपल सा, अगर मैं सब्जेक्ट को बैकग्राउंड के नज़दीक लेके जाऊँ तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट नहीं हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा पिक्चर। अगर थोड़ा सा अगर उसको अपन आगे लेके आएंगे सर तो वो थोड़ा सा डल होते जाएगा और आपका सब्जेक्ट के ऊपर इम्पोर्टेंस आ जाएगा। राइट राइट, तो वो जो डिस्टेंस जो भी कुछ है ना, वो आपका वहाँ का सिचुएशन देख को आपको चेंज करना है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हम लोग, और एक क्वेश्चन आगे जो है ये व्यू फाइंडर फोटोग्राफी जो पूछ रहे हैं एक्चुअली वो आगे ही ले लेंगे हम लोग, क्योंकि टू लाइट्स के साथ हाई की पॉसिबल है क्या? सो आई थिंक उसके लिए सर बताएंगे आगे। है पॉसिबल है सर, कोई ऐसा कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं सर, सब 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 पॉसिबल है जी जी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के पोर्ट्रेट्स देखते हैं और उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो भी देखेंगे, और वो पॉसिबिलिटीज के साथ रिजल्ट्स भी देखेंगे। ओके ग्रेट, ये पिक्चर भी देखो, अभी ये पिक्चर लगता है कि स्टूडियो में खींचा हुआ है। अभी मैंने इसके बारे में, मेरा पिक्चर मेरा फेसबुक पे है और इंस्टा पे भी है, इसका मेरे पास मैकिंग भी है, मीन्स BTS भी है सर। जरा प्ले करेंगे सर? BTS प्ले करूं? ओके ओके, यस यस सर, यस। ओके इंटरेस्टिंग, ये लास्ट लॉकडाउन में मैंने खींचा वो पिक्चर है सर। ये क्या बात है, यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है कि पोर्ट्रेट बैकग्राउंड क्या है, कितना स्पेस लगा है, आपका लाइट कौन सा है, वो कहाँ से बाउंस किया है, क्या बात है, और ये पूरा फैमिली आपके साथ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। और इसमें शायद आपके जो स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा है शायद उसका आंसर भी इधर ही मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। राइट राइट, मैं वही कहने वाला था कि क्या हम लोग दो लाइट्स के साथ हाइकिंग कर सकते हैं क्या, तो सर ने यहाँ पर बता दिखा दिया है कि एक के साथ कर सकते हैं, मतलब एक भी लाइट के साथ भी कर सकते हैं, मतलब दो लाइट के साथ तो आराम से और बेहतर कर सकते हैं। राइट, और दूसरा जो दूसरी जो मैडम थी उन्होंने पूछा था कि बैकग्राउंड जो कितना रखना चाहिए, उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा सर। जी जी जी, परफेक्ट। सो और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं तो वो सभी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कर रहे हैं यहाँ पर, थैंक यू सर, जो आपके अवार्ड्स है, थैंक यू सो मच सभी को। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी लेंस यूज की आपने, कौन सी लेंस वापर लिया है? हाँ सर, अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं ज़्यादा गेयर एडिक्ट नहीं हूँ सर, ये मैंने 50 mm पे निकाला है सर पिक्चर। 50 mm पे निकाला है? ओके ओके सर, कैसा है आपका सामने वाला पिक्चर बनाओ सर, वो लेंस कौन सा है, कैमरा कौन सा है, लाइट कौन सा है, डजंट मैटर सर, आपका फाइनल आपकी पिक्चर बोलती है सर। मैं ये नहीं बोला कि आपने क्वेश्चन पूछा सर, इसके लिए मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ। नहीं, आप बोलिए सर, क्योंकि आप बिहाइंड द सीन दिखा रहे हैं, इसलिए ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि
जनरली किसी पिक्चर का प्रोसेस क्या रहा है, बिहाइंड द सीन क्या रहा है, वो कोई नहीं दिखाता। आप हाँ इतने सच्चे दिल से वो दिखा रहे हैं, शायद बिहाइंड द सीन से सब कुछ सीखने मिलेगा। यहाँ पर एक महादेव जी ने वही क्वेश्चन किया कि आपको ये पिक बनाने में कितना समय लगा सर? अभी आपके सामने तो मैंने बनाया, वो जो वीडियो के लिए जितना टाइम लगा क्लिक करते थे उतना ही टाइम लगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि अभी किन्होंने पूछा था कि लेंस कौन सा यूज़ किया था, अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में ना थोड़ा मैं मेरे को जितना जानकारी हो मैं बताता हूँ। मैं अभी लेंस कौन सा यूज़ किया, इसका मतलब 50 mm, 35-85 जो भी कुछ फोकल लेंथ है। तो मैंने एक बुक में ऐसा पढ़ा था, अभी जो 50, 35, 85 ये जो लेंस की जो फोकल लेंथ है ना उसको, तो मैंने एक फोटो भी बुक में एक पढ़ा था मैंने कि सबसे बेस्ट फोकल लेंथ कौन सी है, सबसे बढ़िया लेंस कौन सी है। तो उसका आंसर था योर टू लेग्स। ओ क्या बात है, राइट राइट राइट, इंटरेस्टिंग। हाँ तो इसके लिए वो लेंस कौन सा है क्या कौन सा है कोई जरूरी नहीं रखता है सर। आगे जाऊं, परफेक्ट, यस सर यस सर यस सर। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन मेरे को जितना लगता है वैसा मैं, देखिए मैं तो हमेशा वही करता हूँ जो मेरे को अच्छा लगे। राइट। और सर हमें भी आपको ही सुनना है, आप जो सोचते हैं वही वही सुनना है हमें कि आपकी सोच क्या रहती है। और आपके पिक्चर सब बता रहे हैं हमें कि क्या है, जब इतना अपीलिंग और इतना सब कुछ बताने वाले अगर पोर्ट्रेट चाहिए तो डेफिनेटली मन में वही कुछ आता है। वही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर भी एक आया है कि ये पोर्ट्रेट थ्रू लेंस पूछ रहा है कि सर पोर्ट्रेट में स्किन टोन क्या रखना है और वो कैसे डिसाइड करें। अभी स्किन टोन क्या रखना है सर, स्किन टोन जो भी कुछ है ना आपको सामने, दो सामने अगर आदमी कैसा है वो हिसाब से आप रखिए सर। अभी स्किन टोन इसको चाहिए तो मैं डार्क करूंगा तो डार्क हो जाएगी सर। अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे को शायद इसका आंसर भी देने के लिए नहीं आ रहेगा। स्किन टोन क्या रखना है ये आफ्टर ऑल आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है सर। राइट राइट, मैं यहाँ पर कुछ बात कर सकता हूँ जैसे कि स्किन टोन या फिर थोड़े टेक्निकल कुछ चीज़ें होती है। तो सर ने एक बहुत थोड़ी देर पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही और वो मुझे मेरे मन को भी बहुत अच्छे से मतलब वो लगी बात कि आपका टेस्ट क्या है। राइट, हर एक का टेस्ट अलग है। और सर जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे हम लोग किसी क्लाइंट के लिए अगर सपोज कोई असाइनमेंट कर रहे हैं तो जो उनका स्किन टोन है वही हमें देना है नेचुरली। तो क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर वाइट बैलेंस सेट करते हैं या फिर अलग अलग तरीके, जैसे हम लोग 18% ग्रे कार्ड और वो सब कुछ यूज करते थे। अब कलर चेकर भी आ गए तो हमें रियल जो स्किन टोन है उसी को मेंटेन करना है। मुझे लगता है कि जो हमारे सब्जेक्ट का जो स्किन टोन है वो एज इट इज सेम लगे, यही सबसे बढ़िया स्किन टोन हो सकता है। अगर वो बहुत फेयर है और थोड़ा सा डार्क दिख रहा है सब्जेक्ट तो डेफिनेटली वो अनफेयर हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि वो एक हर एक का टेस्ट भी हो सकता है या फिर जो सब्जेक्ट है उसी को हम लोग कंटिन्यू करें। और सर सर 19-20 हो जाएगा तो भी चल जाता है अगर, हाँ वो फैब्रिक के लिए शूट कर रहे थे वहाँ पे एकदम एक्यूरेसी लगती है। हाँ, हाँ थोड़ा ब्राइट इधर उधर हो जाएगा तो चल जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती है। राइट। यहाँ पर कलर स्कीम के अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कलर स्कीम के मैंने भी कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं इस पर जो डिटेल है। बेसिक कलर स्कीम के साथ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कॉम्प्लीमेंट्री, पूरा कलर व्हील पे मैंने 4 अलग अलग वीडियोस बनाए। एक बार हो सके तो आप वो भी देख लीजिए क्योंकि कलर इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि सिर्फ उस पर ही सेशन करना पड़ेगा। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सर के जो कलरफुल पिक्चर्स है उसमें से भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आगे क्या क्या है और क्या हम जानते हैं, आपको क्या जानकारी हमें मिलती है सर से। वाह अभी देखो हाँ ये पिक्चर जो है ना, अभी ये सब लोग यहाँ पे जानते रहे, मेंटर पारक शिंदे जी है यहाँ पे, जी तो जी उन्होंने उनका बाल भी वाइट है, बियर भी वाइट है और शर्ट वाइट पहने डेलिबरेटली की पहन के उनको बुलाया था स्टूडियो में। तो ये टेक्निकली मीन्स या मेरे को यहाँ पे कुछ उनको ऐसा हेयर को ऐसा वाइंड अप नहीं करना पड़ा, ये रियल हाइकी का पिक्चर हो जाता है सर। उसमें इनके एक्सप्रेशन भी देखिए कितना बढ़िया है सर, हैप्पी मूड है हाँ, एकदम। हैप्पी मूड है। सो सर ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि जैसे ब्राइट कलर होते हैं, ब्राइटनेस होता है, तो है हैप्पी मूड और ब्राइट कलर,
ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब स्टोरी और उबर क्या आती है। हाँ, 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 स्टोरी क्रिएट हो जाती है, स्टोरी क्रिएट हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी सारे जो पिक्चर्स आपने देखे हैं अभी तक, तो जो हाई की लो की, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग बैकग्राउंड की तरफ गया हूँ। अभी उनका स्किन टोन और पीछे बैकग्राउंड तो थोड़ा फैमिलियर है, तो अभी हाँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया भाई, थोड़ा सा अभी कुछ मेरे पास ग्रे, जनरली मैं ग्रे, ब्लैक, व्हाइट तीनों बैकग्राउंड यूज करता हूँ मैं, क्योंकि तीनों बैकग्राउंड हर स्किन टोन पे चल जाते हैं सर। और मैंने यहाँ पे देखा तो कुछ अलग करने की सोचा, तो ये जो है ना मेरा शॉप में जो क्या जूट रहते हैं ना पैर वेर पोछने के लिए, जी 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 हाँ, तो उसको यूज किया हुआ है मैं, उसको यूज करके थोड़ा बैकग्राउंड लाइट देके थोड़ा सा और ड्रामेटिक मैंने उसके बनाने का ट्राई किया हुआ है। राइट, और उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि बैकग्राउंड आपने को कौन सा यूज किया है या कैसे डिसाइड करें कि हम लोग बैकग्राउंड इसको कौन सा यूज करें। और थोड़ा सा मैंने इसको टेक्सचर भी डाला हुआ है ताकि वो कैनवास लगे, कैनवास पेंटिंग टाइप टच हो जाए। राइट, अच्छा पूरा पिक्चर को आपने टेक्सचर दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो मुझे यहाँ पे आपका एक इंटरेस्टिंग बात और एक लगा कि आप बैकग्राउंड आप जो चाहे यूज कर सकते हैं, मतलब आपके हाँ। आपका विजुलाइजेशन में क्या है, आपने तो बता दिया हाँ। क्या यूज किया है करके। वही वही था। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जगह पे, मैं तो और बोला जगह पे पिक्चर बनाना सीखे सर। राइट राइट राइट, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है ऑलरेडी, अभी ये येलो कलर है। अभी येलो कलर का अगर 100 आदमी में एक को शर्ट अगर पहनाने दिया गया तो 100 में भी वो मालूम पड़ेगा ये येलो कलर का शर्ट पहना हुआ, तो इतना पावरफुल कलर रहता है। अभी इतना पावरफुल कलर होने के बाद भी वो सब्जेक्ट के ऊपर आपको जो ध्यान है वहाँ पे जा रहे हैं, क्यों सर ऐसा? राइट राइट राइट, एक्चुअली कई बार ये क्वेश्चंस मन में आता है कि एक तो ये मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम हो गया, कई कई बार हमें ये मोनोक्रोमेटिक मतलब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही लगता है, तो यहाँ पे आपने येलो कलर बैकग्राउंड येलो और येलो, तो जैसे सर मैं देख रहा हूँ पिक्चर को तो मेरी नजर तुरंत उनके फेस पर मतलब लिप्स पर जा रही है और फिर उसी के अकॉर्डिंग फेस पर ही जा रही है, आंखों पर जा रही है, तो शायद ऐसा हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में कि रेड का वो जो पावर है वो वहां पर अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे वही तो मैं किया है, जो स्ट्रॉन्ग कलर जो येलो है तो येलो के भी दबा के मैंने जहाँ पे वो रेड जो लिप्स का जो लिपस्टिक का कलर है उससे वो येलो के ऊपर भी ध्यान नहीं जा रहा है सर। बराबर आपको जो सब्जेक्ट दिखाना है वो आप दिखा सकते हैं सर, तो ऐसा ऐसा कलर जो है ना आपको यूज करके आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं सर। सर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये लगा मुझे कि दत्ता सर पूछ रहे हैं यहाँ पर कि आपके हर पिक्चर में कॉन्ट्रास्ट जरा कम लगता है, इसके पीछे कोई रीजन है, स्पेशली कोई रीजन है उसका? हाँ देखिए, मेरा जो मानना है अभी कॉन्ट्रास्ट कम होने से क्या होता है सर, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है सर, कॉन्ट्रास्ट जब भी बढ़ाते हो ना तो व्हाइट जो रहता है या ब्राइट पोर्शन बिकम मोर ब्राइट और डार्क पोर्शन बिकम मोर डार्क। अगर मैं कॉन्ट्रास्ट कम करूँ थोड़ा सा ब्लैक में भी मेरे को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ब्राइट ब्राइट एरिया में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट राइट राइट, ओके ओके ओके। सो यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ टू बी दिस क्रिएटिव सर, व्हाट इज द प्रोसेस टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली क्या प्रोसेस है, आपके पास क्या प्रोसेस है? बादाम खा लो सर। अच्छा बादाम खा लो। नहीं ऐसे ही नहीं, तो ऐसा आप पिक्चर ये करते करते आ जाते सर, मैंने बहुत पिक्चर खींची हुई सर। अभी ये मेरा ही खुद का बड़प्पन मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हर टाइम मीन्स एवरी टाइम मेरे साथ में कैमरा रहता है सर, जहाँ जाऊँ वहाँ कैमरा, खाली वो डेड बॉडी के लिए यहाँ पे किधर जाऊँगा तो ही मेरे साथ में कैमरा रहता है, और सामने पिक्चर दिखाई दिया तो बस मेरे को क्लिक करना ही है सर। सर यहाँ पर मुझे एक बात पूछनी है आपसे जो मैंने सुनी है, आप कहीं पर भी ज्यादातर घूमने जाते हैं या फिर कहीं पर बाहर जाते हैं तो कार प्रेफर नहीं करते, आप बाइक पर जाना ज्यादा पसंद करते हो, ऐसा मैंने आपके दोस्तों से सुना है, तो उसका क्या पर्टिकुलर रीजन है? सर एक तो कैसा पहली बात तो कार लेके जाने का सामने पूरा कॉन्सिडर होना पड़ता है, भाई सिग्नल है इधर रुको उधर, टू व्हीलर जहाँ पे आपको जहाँ बन रहा है पिक्चर एक पीछे से स्टैंड लगा दिया उतर के आप पिक्चर खींच के सीधा उसमें गाड़ी पे आके, और कहाँ कोने कोने में भी जा सकती है गाड़ी सर ऐसा है। राइट, मतलब आपको फोटो खींचने में ध्यान देने के लिए बाइक ज्यादा बढ़िया है क्योंकि जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रुक सकते हैं आप। और ऐसा भी फोर व्हीलर भी रहता है ना तो कोई साथ में रहेगा तो उनको ही चलने के लिए देता हूँ।
हाँ, तो आपका ध्यान बाहर रहे, आप देखते हाँ रहे और आंखों से पिक्चर बनाते रहे, फिर जी जहां पे भी रुकना है आप वहां पे रुक के उसको करें। क्योंकि जब हम लोग मिले थे कास पठार में पहली बार जब हमारा एक मिलना हुआ था, तब भी आप कैमरा लेकर बस कंटिन्यू, राजू सर थे आपके साथ और आप यस बस आप मतलब पिक्चर बना रहे थे। उसके बाद आप सुबह सुबह मतलब बहुत जल्दी, आई थिंक 4-5 बजे हाँ आप वो डैम की तरफ गए थे, पानी की तरफ, और कुछ करेक्ट आप हाँ कुछ एंजॉय करके आए थे कि कुछ वहां पे फोटो तस्वीरें खींची थी आपने। सो हाँ ये बहुत एक इंटर आप डेडिकेटेडली उस पर फोकस है और वही बार बार करते हैं, और शायद एक्सपेरिमेंट करते करते आपकी वो जो विजन कहते हम लोग, क्लियर विजन होना या वो दृष्टि बनना, तैयार होना, तो एक वो एक की पॉइंट हो सकता है। वही एक्चुअली वही एक्सरसाइज है एक्चुअली फोटोग्राफी का कि ओके ओके हाँ ज्यादा से ज्यादा पिक्चर क्लिक करो सर, आपको मालूम पड़ेगा आपके पिक्चर में क्या कमियां हैं। जी, तो ऐसा नहीं कि इसका मतलब आप कमियां खींचते हो, ऐसा नहीं। तो हमेशा लाइटिंग को देखा करो या वहाँ का जो जगह रहेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ये सब्जेक्ट बैठा हुआ है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये कौन सा एटमॉस्फेयर में है, वहाँ पे है वो ऑलवेज आपका थॉट प्रोसेस चलना ही चाहिए सर, कभी उसको बंद रखिए, बंद मत रखिए। यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग, ये अजीत जी हमारे उड़ीसा से, अजीत पादी सर, उन्होंने बीटीएस के बारे में कहा है, दिस बीटीएस नॉट ओनली ओपन आवर आई बट ऑल्सो इट ओपन आवर माइंड। सो मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और यही तो मजा है एक्चुअली। मतलब बीटीएस कोई दिखाता नहीं है कि किस तरीके से क्या प्लान हुआ है, किस तरीके से पिक्चर क्या निकला है। यस सर, सर उसका डर क्यों सर, मेरे को यू वही बात मेरे को हजम नहीं होती कि सब लोग मेरे को, मेरे एक और यहाँ पे भी हुआ था सर, वो जो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे को दिया था एक ने कि ये बीटीएस कोई दिखाता है नहीं सर। सर मेरे को डर क्या है, मैं ये पिक्चर दिखाने के बाद 10 पिक्चर और तैयार करने वाला हूँ मैं सर, क्या बात है, क्या बात है। तो एक ही पिक्चर के ऊपर अटके रहेंगे तो उसको ही डर रहेगा वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं। कई क्वेश्चंस, कई आज बहुत खुल के, दिल खोल के सब हम लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं, क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, तो हम लेते रहेंगे, सेशन है और आगे भी बहुत कुछ, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यस सर, ठीक है, अभी ये पिक्चर भी मेरा भाई का लड़के का ही है, हर जगह पे खींचते खींचते मैं बोला चला, अभी सब लोग ये पिक्चर जो है वड़ा पाव का जो गाड़ी रहता है ना, जी तो जी उसके जी नीचे खींचा हुआ। तो ऐसा नहीं कि आजू बाजू में जगह नहीं थी, बट ये थोड़ा सा मेरे को जो लाइंस थी और जो ऊपर का कर्व था वो अच्छा लग रहे हैं, तो इसके लिए मैंने वो पिक्चर वहां पे क्लिक कर दिया सर। और थोड़ा सा उसका पेंटिंग इफेक्ट मैंने फोटोशॉप में करवा के थोड़ा और उसको कैसा ड्रामेटिक और अट्रैक्टिव बनाओ उसका बनने का ट्राई राइट, किया वो। ये किसी कंपटीशन में अभी भेजा है आपने या अभी ये भी अभी मेरा क्या? अवार्ड विनिंग पिक्चर है, ये भी मेरा अवार्ड विनिंग पिक्चर है सर। ओके, अवार्ड विनिंग पिक्चर है। ओके, ग्रेट यस यस ग्रेट। यस मुझे लगता है कि ज्यादातर मैं वो पूछ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादातर जितने आप पोर्ट्रेट दिखा रहे हो वो अवार्ड विनिंग ही दिख रहा है सब नहीं कुछ ऐसा अभी पिछले क्योंकि एक्चुअली मैंने बताया सर। हाँ इतना परफेक्शन है उसमें हर हर पिक्चर में। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं हम लोग व्यू फाइंडर फोटोग्राफी से, कि आपके हर फोटोग्राफ में हाँ कैच लाइट इतने परफेक्ट कैसे आती है? अगर परफेक्ट नहीं रहेगा तो थोड़ा सा मैं फोटोशॉप में बना देता हूँ सर। वाह, ये भी जरूरी है। राइट राइट, लेकिन उसके लिए फोटोशॉप में भी बनाने के लिए वो पता तो होनी चाहिए कि इस फेस को कितना, या ये आंखें जो है या फिर लाइट कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा कैच लाइट वहां पे बेटर लगेगा। अदरवाइज लाइटिंग अलग डायरेक्शन से है और कैच लाइट कुछ अलग ही बन गया तो भी दिक्कत हो सकती है। हाँ वो तो है, वो तो आपको वही तो बोला, आपको पिक्चर देख के आपको समझ में आना चाहिए। मैंने तो एक जगह पे ऐसे ही भी शायद बुक में पढ़ा था या कुछ ऐसा कि पोर्ट्रेट जो भी कुछ है उनको आंखों में हमेशा 11 नहीं तो 1 बजनी चाहिए सर, जी कभी 12 नहीं बजनी चाहिए। जी इसका जी जी मतलब एक तो लाइट आपका लेफ्ट में या राइट में होना चाहिए, बट ओके ये ओके रूल मालूम हो जाएगा तो आप सेंटर में करेंगे तो कोई बात नहीं, रूल मालूम हो तो ठीक है ना सर, रूल मालूम है राइट तो तोड़ेंगे सर, रूल मालूम नहीं तो क्या तोड़ेंगे सर। राइट राइट राइट। यहाँ पर एक मंथन स्टूडियो करके है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और मुझे लगता है ये थोड़ा डिस्कशन होना भी चाहिए था आज, कि इंडिया के 99% फोटोग्राफर्स की टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि 99% फोटोग्राफर के पास जगह की समस्या है। थैंक्स सर, आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या का हल बता दिया।
थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सर सर के जितने पिक्चर्स है, सर बिहाइंड द सीन दिखा रहे हैं, इसलिए हमें जगह डेफिनेटली पता चलने वाली है कि कितने जगह में शूट कर रहे हैं। देखिए, जगह अगर और बड़ी भी है आपके पास तो उसके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कम भी है तो उसके बेनिफिट्स लेने चाहिए, ना कि हम निगेटिव सोचे कि भाई एक रीजन ना निकाले कि मैं फोटो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। तो सर इसके वो नहीं, थोड़ा सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो आपको लिए सोच में आना ही नहीं चाहिए सर, आपको सामने का पिक्चर दिखना चाहिए। राइट मेरा जगह राइट कम है ये, मैं कभी वो दिमाग में ही नहीं आता है मेरे सर, राइट राइट ये सबसे इधर इम्पोर्टेंट खड़ा है, वो हूँ दिमाग दिमाग में में आना करना। चाहिए। हाँ बढ़िया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने वाह, पुणे में खींचा, वो आउटडोर पिक्चर है ये मेरा। ओके ग्रेट। हाँ, ये ऐसा एक जार में एक बैठा था, तो थोड़े से फीचर्स अच्छे लगे, तो देखो ऐसा कोई रूल नहीं कि भाई इसका निकालो। मैं देखा बहुत सारे ऐसे रहते कि अगर बियर्ड रहेगा तो पिक्चर खींचने के लिए बहुत जन आगे पीछे दौड़ते रहते हैं उनके, बहुत सारे पिक्चर्स। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भी वैसे ही ट्राई किया हुआ है, और पीछे जो एक झाड़ था उसको थोड़ा सा उस सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा आगे लिया हुआ है। और ये पिक्चर मैंने फ्यूजी 100T कैमरे से निकाला है, उसका फोकल लेंथ है 35 mm फिक्स, वो डिटैचेबल लेंस नहीं है सर, फिक्स लेंस है। हाँ फिक्स लेंस है ये, ओके ओके, जी, फ्यूजी फ्यूजी का, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसका जो डिटेलिंग है काफी डिटेल मुझे लग रहा दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि मैं तो थोड़ा छोटे मैं मैकबुक पे हूँ। ग्रेट, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। ये जो ग्रे स्केल है सर, आप तो ग्रे स्केल हाँ को कहते हैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में भी कई बार ये होता है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में स्किन टोन चला जाता है, टेक्सचर लॉस कर देते हैं हम लोग, शायद वो ब्लैक एंड व्हाइट की ग्रे स्केल जो होती है बेसिकली, वो थोड़ा सा कभी कभार होता है कि वो हम नहीं समझ पाते, तो उसके लिए आप कुछ हमें ट्रिक बता सकते हैं। सर, फोटोशॉप में है ना जो ब्लैक एंड व्हाइट करके बनाएंगे तो उसमें रेड ब्लू जो भी जितने कलर्स है, 6-7 कलर है, जी तो उससे मैं करता हूँ, ताकि ऑरेंज है या रेड है तो उसको कितना सेचुरेशन कम करना है, क्या करना है, डार्कनेस कैसा है, वो सब देख के मैं उसमें करवा देता हूँ सर। तो आप आपके आंखों के भरोसे सब कुछ कर रहे हैं कि हाँ जी, जहां पर बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। बेहतर लगे। हाँ, मेरे को मैं क्लिक कर दूँ, मेरे को मालूम रहता है मेरे को क्या करना है। डन डन, ओके, क्या बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लिक करते समय ही मालूम होना चाहिए कि क्या क्या करना है आगे, बहुत इम्पोर्टेंट। या फिर फुलचंद सर का एक अलग क्वेश्चन लगा मुझे कि आप स्क्वेयर मतलब आपके पिक्चर स्क्वेयर में ज्यादा है, और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए स्क्वेयर बैकग्राउंड जरूरी है क्या? तो मुझे लगता है स्क्वायर कि मीन्स वहाँ मेरा नहीं, उनका कहने का मतलब है कि मेरा पिक्चर जो है ना वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल थोड़ा स्क्वायर है, 1:1 रेशियो टाइप रहता है वो, मेरे को वो फ्रेम अच्छी लगती है, मेरे को मेरा थोड़ा सा टेस्ट है वो। अच्छा, ये वो आपका टेस्ट है इसलिए आप स्क्वायर पसंद करते हो, ग्रेट, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, सब लोग इंटरेस्टिंग, हंसते हुए पिक्चर खींचा हुआ है, मैं थोड़ा सा ये मेरे को मालूम था कि मेरे को पिक्चर मिलने वाली है, क्योंकि मेरे सामने ही इसका सीन हुआ था, वो उसका घर भी मेरे सामने ही रहा, वो लड़की रोते रोते घर पे गई, बाहर से दरवाजे उसने नॉक कर दिया तो अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोला, तो वो ढूंढ रही मेरी मम्मी किधर गई, मम्मी किधर गई, तो रोते रोते पूछते रहे कि मेरे मम्मी को देखा था, मैं उस टाइम में मैंने पिक्चर क्लिक किया हुआ, तो उसका टीयर्स भी देखो कितना एकदम परफेक्ट हुआ है सर। बहुत अमेजिंग है ये, मतलब जो यहाँ पर लाइंस है और उसका मतलब उसकी एक पोज ही बहुत, यहाँ पे सागर शिंदे जी ने कहा भी है कि सर या पोस्टर मध्ये पोज पण छान आहे, त्यामुळे त्या मॉडेलकडे पण लक्ष जात आहे आणि हाताची रचना पण छान केली आहे सरांनी। मी छान नाही केली सर, ती तशीच पळत होती, त्यावेळेस क्लिक केले सर मी ते। क्या बात है, क्या बात है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। इसमें जो आपने ये नेचुरल लाइट पर कैप्चर की है, नेचुरल लाइट ही कैप्चर की है डे लाइट में। हाँ डेलाइट में ये, ओके ओके। सर, कौन स्टूडियो में बैठ के रोने वाले सर, हाँ, वो सबसे समझना इम्पोर्टेंट है कि और वो भी छोटी बच्ची। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, और उसका डिटेलिंग भी जो दिख रहा है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो भी निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे जाए, यस सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है वो भी मैं आगे ले लूँगा। जी सर, ये पिक्चर मैंने फ्यूजी के स्टॉल में खींची थी अभी लास्ट टाइम जो मुंबई में फोटो फेयर हुआ था, ये मेरे को हाँ देखे थोड़ा अच्छा लगा, ये थोड़ा फाइन आर्ट पोर्ट्रेट की तरफ जाता है पिक्चर ये, क्योंकि
मैंने बहुत सारे पिक्चर्स देखे हैं सब, लेकिन ये टाइप का मेकअप और इतना सब तामझाम अपने पास वो तैयारी होने के लिए कोई रेडी भी नहीं हुई, तो इस हिसाब से मैंने वहाँ पे मेरा ही कार्ड लेके जाके मैंने पिक्चर खींचा हुआ। ये बहुत बड़ा फाइल है कुछ, तो मेरे को 50 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल कौन सा सा फीचर किया मेरे को, उससे मैंने पिक्चर खींचा हुआ है सर। राइट, ये दिलीप यंदे सर है जिन्होंने ये वहाँ पर सब क्रिएट किया था, और फ्यूजी के वहाँ पर, और दिलीप यंदे सर के इस टाइप के जो फाइन आर्ट्स और कंसेप्चुअल जो पोर्ट्रेट्स है, बहुत अमेजिंग उनका शूट रहता है सर का। ग्रेट ग्रेट, सो इंटरेस्टिंग, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग। आगे जाऊं? यस सर, यस सर। ये पिक्चर भी मैंने नासिक में एक्चुअली में वेडिंग के लिए गया था, ये मेरा रेगुलर मॉडल ही है, तो नासिक में ही हो रही थी, तो उधर ही मेरा एक दोस्त का स्टूडियो था, मिस्टर स्वरूप दावखरे करके जो है, उनके स्टूडियो में खींचा हुआ पिक्चर है। स्वरूप जी, राइट राइट राइट, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एक एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पहले ही आया हुआ है, लेकिन मैं अभी ले लेता हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चंस वैसे बना रहा हूँ जो जिस पिक्चर को मैच करे। यहाँ पर क्रिएशन डिजाइन फोटोग्राफी करके है, जिन्होंने कहा है कि एडिशनल स्किन फिल्टर आप यूज करते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ, मोस्ट प्रोबेबली फिल्टर में बहुत कम यूज करता हूँ मैं, जो स्किन के लिए जो भी कुछ हो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से मैं वो करवा देता हूँ सर। ओके, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, ओके ओके। सो ये जो जितने भी पिक्चर सर अभी आपने बताया हमें दिखाए पोर्ट्रेट्स, तो ये पूरे पोर्ट्रेट्स आपके पोर्ट्रेट्स अभी आप खुद ही एडिट करते हो सर? हाँ, मैं खुद ही एडिट करता हूँ सर। मेरे को मैं तो बोल रहा हूँ सबको, मेरे को जितना पता है मैं कह रहा हूँ कि अगर फोटो आप खींचेंगे तो आप ही एडिट कीजिए, ये पॉसिबल कभी नहीं होगी कि अच्छी पिक्चर की आप खींचेंगे और एडिट करने वाला कोई दूसरा है, तो मेरे ख्याल से कभी पिक्चर अच्छी नहीं बनी होगी। तो आपने खींची तो आप ही एडिट कीजिए। राइट राइट, इंटरेस्टिंग। एक्चुअली जो क्रिएशन डिजाइन फोटोग्राफी जिन्होंने पूछा था वो एक्चुअली एडिटिंग करते समय का ही था, वो फोटो जो फिल्टर का जो था उनका। हाँ, सो वो फोटो एडिटिंग के समय का ही था वो क्वेश्चन, कि अगर आप एडिटिंग में कुछ फिल्टर्स यूज करते हैं क्या? इंटरेस्टिंग सर। अभी यहाँ पे जैसे हम लोग हाई की के आपने पिक्चर दिखाई, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ब्लैक ऑन ब्लैक है, हाँ, या फिर डार्क ऑन डार्क है, और यहाँ पर जो फ्लावर है एक्चुअली फ्लावर और उसके लीव्स, तो एक अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ पर, तो क्या ऐसा कभी होता है? या जो जैसे कई पिक्चर देखते समय जो एलिमेंट होता है जिसको हम लोग प्रॉप्स भी कहते हैं, जैसे ये फ्लावर भी एक प्रॉप हो सकता है, तो कई बार ये होता है कि हमारा ध्यान मेन सब्जेक्ट से हट के वो प्रॉप्स में ज्यादा जाता है, तो उसके लिए आप क्या गाइड करोगे हमें? कि वो कई बार लोग प्रॉप्स पे बहुत भरोसा करते हैं और प्रॉप्स है तो ही पिक्चर में मजा है, और ध्यान भी अगर कभी कोई पिक्चर देखे तो तुरंत वो प्रॉप्स पर ही चला जाता है, सो आपका क्या गाइडेंस रहेगा यहाँ पर? मेरा कहना का ये है कि आपको ना आपकी पिक्चर में जो चीज दिखानी है ना वो आपको दिखानी है, वो भले प्रॉप्स यूज करके उसको दर्जन बंद करके जो आपको पिक्चर, मीन्स अगर मान लीजिए अभी इसमें मैंने फ्लावर्स देखे, अभी ये पिक्चर में देखिए मैंने फ्लावर्स खाली छोटा भी ले सकता था मैं, बट वो नीचे स्टिक लेने का इंटेंशन ये है, उसका ड्रेस जो था ना वो ब्लैक कलर का, तो वो नीचे ब्लैक पैच लगेगा सर, तो इसके लिए वो डिस्टर्ब मीन्स उसका जो ब्रेक करने के लिए जो ग्रीन जो उसका क्या बोलते हैं उसको जो फ्लावर्स का जो स्टिक रहता है वो नीचे, तो उससे वो मालूम पड़ता है, नहीं तो पूरा ब्लैक पैच आ जाता था वापस। और इतना करने के बाद भी मैंने थोड़ा सा ग्रीन को थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके गया ताकि उसको भी मैंने इतना अट्रैक्टिव नहीं किया हुआ है सर। राइट राइट राइट। यहाँ पे वैभव चौधरी सर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइन आर्ट एंड फैशन फोटोग्राफी? सर ये हो सके तो सर डेट पे देखिए, क्योंकि फाइन आर्ट का जो भी जितना पिक्चर देखे मैंने जितने देखे हुए सर, तो मोस्टली उसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत कम होता है और थोड़ा सा बैकग्राउंड जो रहता है वो ऑलमोस्ट स्क्रीन टाइप की तरफ ही रहता है। फाइन आर्ट बोलते हो उसमें आपको पिक्चर ही कुछ अलग दिखता है सर, ताकि मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नेट पे भी देखा है फाइन आर्ट पिक्चर्स आप डाल देंगे तो अलग टाइप के आपको फोटो देखने के लिए मिलेंगे। ओके ओके ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर कुछ फाइन आर्ट्स के अकॉर्डिंग बेसिकली ये किया था, मतलब फाइन आर्ट्स जो फाइन आर्टिस्ट है, फाइन आर्ट फोटोग्राफर है, उनके इंटरव्यूज किए थे,
ये यूट्यूब पर भी है। और उस वक्त मैंने मैंने खुद ने मैं मेरा खुद का बैकग्राउंड जो है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, फाइन आर्ट्स को समझने में भी बहुत वक्त लगता है, क्योंकि फाइन आर्ट्स बहुत करेक्ट बड़ा सब्जेक्ट है। सो वहां पर जब मैंने फाइन आर्टिस्ट के साथ हम लोगों ने इंटरव्यूज किया, उनके उनके थॉट्स मैंने जाने, तब एक कॉमन थॉट मुझे लगा। तब वो उन्होंने कहा, जैसे पिक्चर स्टाइल के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, एक फाइन आर्ट, सिर्फ फाइन आर्ट्स, कि फाइन आर्टिस्ट क्या करता है कि उसके मन में जो है जो भी वो विजुअल करता है उसको वो अपने आर्ट के द्वारा प्रेजेंट करता है। और अगर फैशन फोटोग्राफी भी अगर हम लोग करें, तो फैशन फोटोग्राफी में फोटोग्राफर जो फैशन के अकॉर्डिंग जो भी क्रिएट करना है, मतलब उन्होंने प्लानिंग किया हुआ है फैशन के जो वहां पे प्रोफेशनल्स रहेंगे उन्होंने, तो फोटोग्राफर क्या कर रहा है, उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और फाइन आर्ट्स में क्या रहा है कि खुद के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि अपना विजुअल क्या है, अपने मन में क्या है। सो वो उनका उन्हें क्या दिखाना है वहां से, उनके थॉट्स से वो क्या दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह दूं, तो फाइन आर्टिस्ट पहले बनाता है बाद में बेचता है, मतलब वो एग्जिबिट करता है। और वही अगर अप्लाइड आर्टिस्ट या फिर कमर्शियल आर्टिस्ट क्या करते हैं कि क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है उसमें जो मैंने जाना उस वक्त। और भी हो सकता है, हर एक के थॉट्स वाइज भी उसमें अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। तो अगर किसी को पता है उसमें तो प्लीज आप वो भी लिख दीजिए, ताकि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि सीखना है और सीखते रहना है। यस सर, नहीं, ऐसे थॉट तो सर सभी लोग करते रहेंगे सर। अभी कोई स्टूडियो वाले रहेंगे तो वो जो क्लाइंट को जो चाहिए वो देते हैं, तो वो फैशन फोटो भी होते हैं। अगर अपने हिसाब से अगर फोटो अगर कोई जैसा मन में जैसा डिसाइड किया था वैसे खींचते हैं, तो फाइन आर्ट तो सभी लोग तो जो जो अपने मन से जो करते हैं, खाली वो किसी को क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं पड़ता है, ऐसा हो नहीं जाता है। पड़ता है, राइट। नहीं, कई बार क्या हुआ कि कई जगह पे हम लोगों ने डिस्कस किया, तब कुछ बोले कि जहाँ पे शेड एंड लाइट होता है वो फाइन आर्ट हो गया, बहुत मतलब ड्रामा क्रिएट होता है तो बहुत ज्यादा फाइन आर्ट हो गया। तो इसलिए मैंने मेन बेसिक जो फाइन आर्ट है, जैसे हम लोग फाइन आर्ट्स में एजुकेशन लेते हैं तो उसमें डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैंने खुद ने अप्लाइड आर्ट में एजुकेशन लिया है तो मेरा एडवर्टाइजिंग स्पेशलाइजेशन था। और जो हमारे फाइन आर्ट्स के मेरे बाकी जो हमारे उस वक्त कॉलेज मेट्स थे या फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट था, वहाँ पर पेंटिंग्स बनती थी, मतलब उनका थॉट प्रोसेस ही अलग था, क्योंकि वो पेंटिंग्स बनाते थे फिर वो एग्जिबिट करते थे फिर वो उनको सेल करेंगे। तो वो उनको मैं मानता हूँ कि फाइन आर्ट्स में फ्रीडम होता है, इतना मैं जानता हूँ एक पर्टिकुलर फाइन आर्ट्स के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें बहुत डेप्थ है एक्चुअली फाइन आर्ट्स में। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सर आप कौन से कैमरे से पिक क्लिक करते हो, महादेव जी पूछ रहे हैं। मेरे पास पहले 5D Mark II था, उसके बाद 6D, उसके बाद अभी कौन सा कैमरे से खींचा हो मेरे को मालूम नहीं है। बट मैं बोला ना वही शायद तो ये RC निकालो पिक्चर, एक एक या 2 साल पहले वाला पिक्चर है ये। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी पिक्चर्स भी देखने हैं हमें, और वो बिहाइंड द सीन्स भी देखने हैं। ये इंटरेस्टिंग। पिक्चर मैंने सांगली में क्लिक किया था सर। ओके ओके। सो ये ग्रे ग्रे बैकग्राउंड पर, ये एक्चुअल में फ्लेक्स के ऊपर पैची बैकग्राउंड क्रिएट किया हुआ है सर। हाँ ओके, फ्लेक्स बैकग्राउंड है ये। हाँ तो वो फ्लेक्स जो रहता है थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव रहता है, तो थोड़ा उसका डायगोनल ऐसा खड़ा करके उसको उसका रिफ्लेक्शन अवॉइड कर दिया सर। इसमें भी ओके, दो और ये लाइट यूज विग्नेट किया आपने हुआ बाद में क्या है, विग्नेट है। और नहीं रिग्रेट था प्रोसेसिंग। ही उसमें अच्छा, किया हुआ विग्नेट है। में उसका यूज कर लिया आपने, हाँ। राइट। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो ये पिक्चर था वो, उसमें आपने जो एज लाइट दी, हेयर लाइट दी है बेसिकली, तो हेयर लाइट की वजह से उसमें वो डायमेंशन आ गया और बैकग्राउंड से सब्जेक्ट बाहर उभर के आ गया, हाँ, अगर वो मैं इसका हेयर लाइन आपने। में हेयर लाइट नहीं देता तो उसका उनका जो हेयर्स है ना वो बैकग्राउंड में मर्ज होने के चांसेस ज्यादा थे सर। राइट राइट राइट, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ग्रेट। ये भी थोड़ा सा मैंने फुल पिक्चर खींचा हुआ है, जो वेडिंग गाउन उसको मैंने बोला डेलीवरी के ये अरेंज करवा दो, फिर जी ये भी जी नासिक में मैंने शूट किया हुआ है सर। ओके। और उनके हाथ में जो है बेसिकली फ्लावर्स वो फ्लावर्स है वो, है। ओके उसका थोड़ा सा नीचे स्टिक भी आता है आया था वो, थोड़ा सा मेरे फोटोशॉप में मैंने रिमूव कर दिया। सारी चीज अपने मन की जैसी नहीं होती, थोड़ा बहुत तो अपने राइट, एडजस्ट करना पड़ता है। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वाह।
ये ड्रामेटिक है जरूरी कि कैमरा की तरफ देखना ही चाहिए सर, जी थोड़ा जी सा कुछ जी लगे। यहाँ पे भी ओके देखो मैंने विग्नेट जो बैकग्राउंड का कलर उसका भी विग्नेट करवा के थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा सा मैंने अट्रैक्टिव कर दिया मैंने इसको। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ये यहाँ पर आपका मैं देख पा रहा हूँ कि तुरंत आंखों पर ही नजर जा रही है और आंखें कंट्रास्ट दिख रही है यहाँ पर। हाँ सर ये जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप लूज पिक्चर करते हो और बाद में आप आपके अकॉर्डिंग उसको कंपोज करते हो, हाँ जी हाँ जी राइट है, तो उसके इस मतलब उसके बाद में आपको क्या ट्रीटमेंट करना है उसे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ट्रीटमेंट आप उस तरीके से उसको देते हो। हाँ बाद में ये सब मैं करता हूँ मैं सर, थोड़ा सा लूज रहेगा ना सर, थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस रहेगा ना, तो कंपोजिशन के लिए थोड़ा सा मन चाहे वैसा अपन कर सकते हैं उसको सर। यही अगर इंटरेस्टिंग। टाइट, हाँ टाइट रहता तो कुछ अगर चाहिए था थोड़ा सा तो पॉसिबल नहीं होता है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे रोशन जी ने किया है। वो कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको इतने अवार्ड्स है और उसके लिए कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं सर, और वो पूछ रहे हैं कि आपको इतने अवार्ड्स है तो आप हम फोटोग्राफर्स को क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कैसे कंपटीशन में फोटो भेजे हम लोग और उसमें क्या देखते हैं, बेचते समय क्या देखते हैं। अभी सर उसी टाइप के तो पिक्चर्स दिखा रहा हूँ मैं सर, ओके, तो ये पिक्चर से ही जानना है कि उसमें क्या देखते हैं हाँ। आप और ये कंपटीशन जितने भी है सर ना सर, नेट से मालूम पड़ जाता है अपने को। और एक कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया उसमें अगर आपको अवार्ड मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको मेल आते रहेंगे सर। राइट 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 यस यस ओके। तो आपके जितने भी पिक्चर्स है इसी में से ही हमें बहुत कुछ मिल रहा है एक्चुअली, क्योंकि आप जो कंपटीशन में विनिंग पिक्चर्स है वो हम लोग देख पा रहे हैं आज। इंटरेस्टिंग। ये विंटेज पोर्ट्रेट और मॉडर्न पोर्ट्रेट में क्या फर्क है, ऐसा एक पूछा गया राज सूर्या जी ने। विंटेज पोर्ट, अभी अगर वर्ड से देखे जाएंगे तो विंटेज मीन्स थोड़ा सा ओल्ड वाला कुछ रहेगा सर, जैसे कि जो पुराने पिक्चर्स में थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करके कंट्रास्ट कम और थोड़ा सा कलर ग्रेडिएशन, ऐसा कुछ विंटेज में हो जाएगा सर ऐसा। राइट तो राइट राइट अगर बहुत सारा कुछ है तो अपने को क्या करना है, अपने को डिसाइड करना है सर। परफेक्ट परफेक्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि कुछ 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 जो क्वेश्चंस है एक्चुअली वो आपके फोटोज से ही आंसर मिलने वाले, इसलिए मैं वो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हाँ मुझे पता है कि जैसे अभी ये पिक्चर देख लिया तो यहाँ पर क्वेश्चन ही था। वैसे रोशन शिवाड़ी जी है जो मेरे स्टूडेंट है बेसिकली, अभी आप पोर्ट्रेट फोटोज में प्लेन बैकग्राउंड क्यों यूज करते हैं, तो उसका आई थिंक यहाँ पर बैकग्राउंड तो नहीं लेकिन फोरग्राउंड है जो टेक्सचर्ड है और हाँ उसका आप यूज किए हैं। वो मैं आगे भी मैं बताऊंगा सर, मैं टेक्सचर वाला बैकग्राउंड और नॉन टेक्सचर बैकग्राउंड। जी 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 अभी ये पिक्चर जो है मेरा को ये मुंबई फोटोग्राफी एसोसिएशन में बेस्ट पोर्ट्रेट करके प्राइस, फर्स्ट प्राइज मेरे को मिला था सर ये। वाह ग्रेट ग्रेट। और सर ये इसका स्टोरी आप थोड़ा बताएंगे कैसे खींचा है ये, क्या ठीक है इसका अच्छा आप बीटीएस दिखा देता हूँ मैं, इसका उसका बीटीएस बीटीएस आया। लिया बस। राइट ओके 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 इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, क्या बात है। आई थिंक इस बीटीएस से थोड़ा ही नहीं अभी तक जितने पिक्चर दिखाए वो सबके बारे में बहुत कुछ मन में जितने सवाल थे वो सब मिल जाएंगे उसके जवाब। कितना स्पेस है, क्या यूज किया है, बैकग्राउंड कैसे यूज किया है, कितना लाइट यूज किया है। वाओ ये ग्लास था, एक्चुअल ग्लास एक्रेलिक था सर। हाँ जी, नहीं, ग्लास था सर, मैंने एक फ्रेम निकाल के उसका ग्लास निकाल के वापिस लगा दिया था मैं सर। वाओ इंटरेस्टिंग। मैं फिर से सिर्फ एक बार प्ले कर देता हूँ सर। कोई बात नहीं सर, बहुत अमेजिंग। और ये लॉकडाउन वाला पोर्ट्रेट है सर। हाँ जी लास्ट ईयर था।
और ये भी मेरे को पीएसए मीन्स पोटावी सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गोल्ड मेडल भी इसको मिला हुआ सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इंटरेस्टिंग। मतलब जो हम लोग लॉकडाउन और उसके बारे में बहुत कुछ बाकी डिस्कशन होते रहता है, मुझे लगता है कि उससे भी बेहतर कि इस पिक्चर को देखे कि लॉकडाउन से ही क्या निकल के बाहर आया है, किस तरीके से सोचा गया है। पूरा बीटीएस हम लोगों को देखने के लिए मिला कि सर ने किस तरीके से ये एक ड्रामेटिक पोर्ट्रेट क्रिएट किया है, और ये जो बेसिकली हमारा हीरो है इसमें का सब्जेक्ट है, उसको भी उसका भी बहुत अभिनंदन करना चाहिए कि वो इतना सपोर्ट हाँ, कर रहा है बहुत उसके सपोर्ट कर रहे हो, बहुत एक्सप्रेशन, सपोर्ट कर उसके एक्सप्रेशन, और आपने जो कॉन्सेप्ट बनाई तो विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग, सुपर, उसके आंखों में वो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। तो वही तो सर है ना कि क्या निकालना वो भी अपने पूरे इंसान से। कुछ क्वेश्चन इसके बारे में नहीं रहेगा अगर बीटीएस दिखाने के बाद? ओके ओके, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। नहीं, बीटीएस देखने के बाद क्वेश्चंस कुछ है नहीं, लेकिन वाव कर रहे हैं हमारे उत्सव पुसे गांव से कि वाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज सिनेमैटिक टेस्ट। मुझे भी एक वो हॉलीवुड मूवीज में ऐसी फ्रेम रहती है, तुरंत उसकी याद आई ये सब देख के। ऑल पोर्ट्रेट बेस्ट कह रहे हैं, माही फोटोज, इंटरेस्टिंग। अभी कंपोजिंग के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर अमित जी कि व्हाट अबाउट कंपोजिंग, मतलब ये पिक्चर के बारे में नहीं, उन्होंने पहले पूछा था। तो जैसे कंपोजिंग में क्या कह सकते हम लोग, आनंद बिड़वे जी भी कर रहे हैं कि वाओ। ये देखिए सर, कंपोजिंग ये मेरा यही है कंपोजिंग सर। हाँ, आपका तो, एक मिनट मैं फिर से एक बार, इससे मैं जो भी कुछ करता हूँ सर, इससे इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे सर जी, मुझे ऐसे ये देखने के बाद ऐसा ये लगा कि जैसे वो फिल्म के डायरेक्टर्स ऐसे देखते हैं, और कई बार हम लोग भी फोटोज में ऐसे देखते हैं, कई बार ऐसे होता है, तो इससे बेटर कि हम लोग ऐसे अगर वो माउंट बोर्ड से बना ले, इतना एक्यूरेसी एक्यूरेसी नहीं होते हैं सर, एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं नहीं मालूम होती। पड़ता है, आगे राइट पीछे नहीं राइट, होता है, और इसके पीछे का अपने को दिखाई देता है। इसमें हाँ अगर हाँ आप हाँ पकड़े नहीं ना तो सर मालूम नहीं पड़ेगा सर। देखिए आपको खाली जितना दिखना भी देखिए मेरे। फोकस हाँ हो सकते हैं हम लोग, फ्रेम में फोकस हो हाँ सकते हैं। ऐसा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी ट्रिक है एक्चुअली, और अब कुछ क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं थोड़े, वो पूछ लेता हूँ मैं। सब तो वाव कर रहे हैं, और जो आपने पहले बोला था कि वाव फैक्टर होना चाहिए, तो वाव फैक्टर तक तो हम लोग हर पिक्चर में देखे यहाँ पर। ओके, एक मिनट, मैंने भी पढ़ा नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएशन डिजाइन। आप जो भी पोर्ट्रेट क्लिक करते हो, वो पोर्ट्रेट करने से पहले उसकी कोई थे या हिस्ट्री आपके दिमाग में क्लिक होती है, या उसके पीछे कोई रियल इंसिडेंट रहता है क्या? ओके कुछ भी नहीं सर, जगह पे पिक्चर मेरे को सूझ रहा है, ऐसा कुछ मैं प्लानिंग में स्टार्टिंग में नहीं बताया कि प्लानिंग करके मैं कुछ भी नहीं करता हूँ सर। अभी ये जो स्टूल देखा मैंने था घर बहुत दिन से पड़ा, तो यहाँ वहाँ के उठा के चलो भाई बैठे बैठे कुछ बनाओ, वो हिसाब से मैं करते गया और बन गया ऐसे। मुझे लगता है सर, ये कंप्लीट, ये जो आर्टिस्ट जो होता है ना, ये कंप्लीट वो मतलब यही होता है कि आपको कुछ दिखे, उससे कुछ हिंट मिले और वो बनाने लगे। मतलब इसमें कुछ प्लान करके अगर बनाने जाएंगे तो शायद वो हर टाइम नया भी कुछ बनाने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप आंखें खुली रख के और करने से पहले उस पर कुछ सोच कर जब कर रहे हैं तो नया नया बनते जा रहा है। यस इंटरेस्ट। कुछ क्वेश्चंस आए सर यहाँ पर, और बहुत क्वेश्चंस आने भी लगे। ओके, अच्छा, एक आई थिंक कंपटीशन के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जब हम लोग फोटोशॉप में कैच लाइट हाईलाइट जो करते हैं, तो वो पार्टिसिपेट करते समय कंपटीशन में ये चलता है क्या, या कर सकते हैं क्या, ऐसा कोई वहाँ पे रूल वा या इशू? देखिए ओपन कैटेगरी रहेगा ना तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं सर। अच्छा जहाँ सर, ये पे हर एक में इसमें हर एक कंपटीशन में रूल्स रहते हैं सर, वो प्रॉपरली पहले पढ़ना चाहिए सर, पढ़ना उसमें चाहिए। सारी राइट चीज रहता है, उसमें एडिटिंग चलेगा नहीं चलेगा सब ये रहता है। राइट, लेकिन एक बहुत, आपने जो फर्स्ट सेंटेंस कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे अभी पार्टिसिपेंट्स है, जो पार्टिसिपेट अगर कोई करना चाहता है तो उसके रूल्स पहले पढ़ ले। जो भी कई बार क्या होता है कि हम लोग टाइटल भी नहीं पढ़ते कि टाइटल में क्या बताया गया है, और हम लोग, क्योंकि ये गलतियां मैंने की है कि टाइटल को ही नहीं समझ पाया और फोटो भेज दिए, और बाद में हाँ पता चला ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ये गलत मैंने सोचा गलत, या फिर आपने जो बोला ना ओपन कैटेगरी में चलता है, तो शायद मैं भी सर इसमें बहुत अनजान हूँ कि ओपन कैटेगरी में क्या चलता है, ये हमेशा से ही क्वेश्चन मार्क रहता था।
और हमेशा उसको ढूंढते थे कि भाई ओपन कैटेगरी मतलब क्या। फिर गूगल पे अभी इंफॉर्मेशन मिलती है तो थोड़ा सा हेल्प होने लगी, लेकिन आपने वो एक सेंटेंस से बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, और कैसे है, अगर आपको आपकी इमेजेस जितनी भी है, जो जो भी क्लिक करे, वो हमेशा एक दूसरे के साथ में शेयर करो, देखने दो सबको। मैं जब भी पिक्चर क्लिक करता हूँ, मैं छोटे बच्चों से सबको दिखा देता हूँ, ताकि उनके एक्सप्रेशन मालूम पड़ते कि भाई मेरे को इसमें क्या करना चाहिए। मेरा पिक्चर ऐसा मैं बनाने ट्राई करता हूँ कि जो छोटे से छोटे बच्चे को भी अच्छा लगे, और बड़ा कोई रहेगा उनको भी अच्छा लगे। और कोई खराब बोलेगा तो उसमें मेरे को बुरा नहीं लगता है, तो मेरे को उसमें इम्प्रूव करना क्या है वो सोचना है। जी, एक एक राज सूर्या जी फिर से एक बार एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि कस्टमर की तरह, मतलब कस्टमर की तरह की पोर्ट्रेट और पोजिंग के लिए कमर्शियल शूट के लिए रेडी कैसे करें, कमर्शियल शूट के लिए रेडी कैसे करें, राइट? मतलब अगर ये आपने आपके हिसाब से पोर्ट्रेट लिए, अगर हम लोग कमर्शियल शूट कोई कर रहे हैं, तो शायद उनको ये पूछना रहेगा कि कस्टमर को कैसे रेडी करें हम लोग। हाँ नहीं, थोड़ा क्या है, देखो कोई डायरेक्ट आपका ऐसा वैसा जैसा आपको चाहिए वैसा पूछ नहीं देंगे। स्टार्टिंग उनको जो चाहिए वैसा दे दो, ऐसा 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 चाहिए वैसा चाहिए उनको, जो जो बोलेंगे उनको दे दो। उसके बाद आप अपनी तरफ से देखें, एक दो तीन फोटो उनका खींचो। जी पहले जी उनको जो चाहिए वो देने के बाद आप अपना अपने तरफ से, या अपने को कैसा पिक्चर इनका निकलने के बाद मालूम पड़ेगा या कैसा लगेगा, वो आपके हिसाब से निकाल के उनको बाद में बता दीजिए। जो जितना उनको चाहिए पहला उनको वो दीजिए। जी 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 थैंक यू सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरा आउटडोर का पिक्चर है सर, ये। और यहाँ पर हम लोग कलर्स तक आ चुके हैं अभी, कि यहाँ पर हाँ, डिफरेंट कलर्स हमें दिख रहे हैं, ग्रीन डिफरेंट कलर ब्लू सर, सिंपल रेड। सर, एक ग्रीन और जो रेड है वो ही सर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है दोनों। जी, हाँ, तो पिक्चर में देखो ना कलर से कितना गेटअप आया, तो कौन सा कलर कहाँ पे अच्छा दिखा है वो तो आपको पिक्चर देखते ही समझे। उस टाइम में वो नहीं सोचोगे कि भाई ये थ्योरी क्या है, ये है वो है। देखो मैं वही तो बोल रहा हूँ, नो डाउट टेक्निक के लिए बहुत सीखना चाहिए, लेकिन सामने आपको जो आपको मन को अच्छा लगे वो पहला क्लिक कीजिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सामने अगर शेर आ जाएगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा क्यों, अरे मेरा एक ही फोटो खींच रही है, वो गन नहीं है। भले आपके हाथ में छाता रहेगा, उसको खोल के भी अगर शेर भाग जाएगा ना, तो वो भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट राइट राइट, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ते सर हम लोग। देखिए ये भी एक अवार्ड विनिंग पिक्चर ही है मेरा, लोकी में। ये मेरा रॉयल फोटोग्राफी ऑफ रॉयल फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उधर का गोल्ड मेडल मेरे को मिला है ये पिक्चर, वाह, बेस्ट मेडल। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनल अवार्ड है इसे, गोल्ड मेडल। यस, कंप्लीट लो की फोटोग्राफी है, ब्लैक ऑन ब्लैक। और सर जैसे अभी आपके जितने भी ये पोर्ट्रेट्स हैं, तो यहाँ पर आप उनका जो बेसिकली मेकअप का जो एक होता है, मेकअप सेशन होता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है इस सभी पोर्ट्रेट्स में? देखिए मैं एक्चुअल में, मेरे यहाँ पे मेकअप का कोई मीन, जिसको फोटो शूट करने के लिए 8x9 का स्टूडियो वो क्या मेकअप में रखेगा सर। तो ओके, जो भी कुछ है आप तैयारी होके आ जाओ उसमें ही, फिर बाद में थोड़ा बहुत मैं फोटोशॉप में जैसा चाहिए वैसा करवा देता हूँ। राइट सर। ये जब फोटोशॉप कहते हैं हम लोग, तो कई लोगों को थोड़ा सा एक अलग मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर अलग सोच है कि फोटोशॉप मतलब वो कटिंग करना, वो अलग 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 यूज करना। लेकिन फोटोशॉप एक टूल को अगर हम लोग अपने आप एक आर्ट के तरह यूज करें उसको, अगर हम लोग सही, तो आपने उस तरफ थोड़ी देर पहले गाइड किया, लेकिन अब मैंने जैसे मेकअप के बारे में पूछा, तो आप फोटोशॉप को उतना अगर फाइन तरीके से यूज करें, उसको समझे, तो आप वहीं से बहुत बेहतरीन एक मेकअप भी कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हाँ, मेरा कहना ये है कि आपको फोटोशॉप यूज करना है तो फाइन तरह से ही करना है आपको, हैं। राइट राइट, मतलब वो फोटोशॉप किया है ऐसा भी ना लगे, क्योंकि बिल्कुल नहीं मालूम पड़े, बिल्कुल मैंने नहीं देखा मालूम। तो मुझे नहीं लगा कि ये फोटोशॉप में किया है, मुझे लगा कि एक्चुअल मेकअप और उसको प्रॉपर उतना मेकअप करके ये सब कुछ है। करेक्ट करेक्ट, हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इंटरेस्टिंग सर इंटरेस्टिंग सर। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोल्ड मेडल है इस फोटो के लिए। मुझे लगता है जिन्हों रोशन सर ने पूछा था कि क्या उसमें देखना चाहिए, तो हम ये सब पिक्चर देख के थोड़ा सा समझ लेते कि इसमें सर ने क्या देखा है, कलर स्कीम पर काम किया है, फिनिशिंग पर है, लाइटिंग, लाइट का तो मुझे बहुत कंट्रोल नजर में आ रहा है।
मैं जितना देख पा रहा हूँ इतना कंट्रोल कर रहे हैं सर आप लाइट को, क्योंकि लाइट को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो पूरा मजा ही जाने वाला है वहां पर। इतना फेयर लाइटिंग है, उसका टोनिंग आपको मुझे बहुत इवन लगा, और हाँ जहां पर आपको लाइट देना है वहीं पर लाइट है, मतलब मुझे मेरे आंखों को कहीं पे चूप नहीं रहा है कि ये एक्स्ट्रा लाइट हो गया यहाँ पर, एक्स्ट्रा लाइन आ गई। सर, इसके फेस में देखो डायमेंशन भी है सर इसको। बहुत अमेजिंग डायमेंशन है सर, प्रॉपर आपने वहां पे दो लाइट है सर, ये दोनों तरफ से एज लाइट है ये, हाँ, दोनों साइड राइट। से हेयर लाइट दिया है हुआ है, और एक फ्रंट पे मैंने लाइट यूज किया, उसको भी दो कटर मैंने यूज किया हुआ, ब्लैक कटर जो था, थोड़ा फेस और उनका हाथ ही कवर कर सके। ओ इंटरेस्टिंग। और सर हाँ ये दोनों जो पीछे से दोनों लाइट लाइट्स है साइड्स कॉर्नर हाँ से, तो उनका मॉडिफायर क्या है? हाँ नहीं ओपन है, मीन्स वो छोटा ओपन। रेफ्लेक्टर था वो ये, और उसको पूरा टूवर्ड्स कैमरे की तरफ घुमाया हुआ है मैंने। और ओ ये भी मैंने इंटरेस्टिंग। ध्यान रखा है कि वो जो हेयर लाइट साइड से दिया वो भी कैमरे के अंदर नहीं जाने चाहिए सर। हाँ उसका ग्लेयर, वो ग्लेज आ जाता है, उसका हाँ ग्लेयर इफेक्ट आ जाता है। और एक पूछना है सर मुझे कि अभी कई लोगों के वो क्वेश्चंस थे, मैंने लिए नहीं थे बीच में, कि आपके पास लाइट्स कौन से हैं, आप कौन से लाइट्स यूज करते हैं एलिन क्रोम सर, एलिंक्रोम के? क्योंकि यस, जो सारे अपने यहाँ पे मिलते हैं वही सर लाइट्स हैं। वही लाइट से, क्योंकि कई बार होता है हम लोगों को ये है कि जैसे अगर आप 8x9 के स्टूडियो में, तो वो मैं खुद ही समझ पा रहा हूँ कि 8x9 के स्टूडियो में तो जैसे एलिंक्रोम में 400 भी लाइट आते हैं, तो इतने पावर की तो जरूरत ही नहीं है, तो 200 सर बहुत मेरे लिए बहुत हो गई सर। ज्यादा हो गया है, राइट। सो कई बार वो एक क्वेश्चन होता है कई जगह पे फोटो स्टूडियो के बारे में, क्योंकि मैं भी फोटो स्टूडियो पर जब सेशन करता हूँ तो वहां पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाइट कौन सी यूज करे, स्पेस क्या चाहिए, वॉल को कलर्स कौन से चाहिए, कई सारे। तो वॉल के कलर्स का भी क्वेश्चन आगे आएगा, इसलिए मैंने वो ये किया है। थोड़ा सा भी बोलिए। ये जो डी लाइट वन डी लाइट टू लाइट्स होती है, जैसे हम लोग भी डी लाइट वन यूज करते हैं बेबी फोटोग्राफी में, तो उनको अगर हम लोग यूज करें तो शायद लाइट कंट्रोल करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं थोड़ा आती दिक्कत नहीं आती, राइट ना? यस राइट सर जी, राइट। आप बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ क्या है उसको जो जो काउंट रहता है 1 2 3 अप टू 10, वो काफी अच्छे फीचर्स दिए। इसके पहले तो मैं 23 यूज करता था, उसके ऊपर मैं गेटवे का पेपर लगाओ, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर ऐसा करके मैं उसको कम करता था। और जैसे D2 या D200 या 400 लाइट्स आ गए, तो उसको मैंने वो रेगुलेटर से वो लाइट का जो कंट्रोल होती है, और जहाँ पे आप मीन जगह से आप वो लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो एक सबसे बेस्ट फीचर है लाइट्स का। और मैं क्या बोलता हूँ सर, देखिए लाइट्स भी है ना, अभी तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं आया हुआ कि ये कौन से लाइट से खींचा हुआ है। राइट। हाँ तो यहाँ भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इक्विपमेंट डजंट मैटर सर, आउटपुट आउटपुट ज्यादा में, इम्पोर्टेंट क्योंकि वहां पे लिख कर भी नहीं आता कि ये लाइट से रिजल्ट मिला है, सवाल ही नहीं फोटो करना विजिट पर चाहिए। लिख कर नहीं आता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। चलेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अभी ये पिक्चर भी देखिए, जो इसको थोड़ा सा मैं ये अपना बारिश में जो पहनते हैं विंड सीटर है वो पहना के उसका पिक्चर खींचा हुआ है। ये अभी ये दिखाने का कोई ऐसा खास नहीं पिक्चर में, बट उसके ऊपर जो फोल्ड्स के ऊपर जो चमक आती थी ना, तो उसको मैंने पोलराइजर यूज करके थोड़ा सा उसको मैंने सटल कर दिया, तो पोलराइजर भी यहाँ पे यूज में आ जाती है। जो चीज़ अपन फोटोशॉप से कर सकते, खाली पोलराइज का कभी वो फोटोशॉप से नहीं हो सकता है, तो पोलराइजर फिल्टर मोस्ट प्रोबली यूज किया कर। पोलराइजर फिल्टर, राइट राइट राइट। ये ये इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था ये। और सर यहाँ पर एक मुझे और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राज सूर्या जी का लगा कंपटीशन के बारे में। एक्चुअली वो अभी कंपटीशन के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ कि आउटडोर के पिक्चर्स या स्टूडियो शॉट्स किसका प्रेफरेंस ज्यूरी करते हैं? नहीं, वो जूरी के टेस्ट के ऊपर है, ऐसा उनका कोई ये नहीं था। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पिक्चर दे दो उनको अच्छा लगा टेक्निकली या जो भी कुछ उनके जो नॉर्म्स रहते हैं उसमें अगर पिक्चर बैठ गई, तो आपको अवार्ड जीतने में कोई अवार्ड नहीं, ये नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता सर। ओके ओके। और कुछ यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है, वो पूछ रहे हैं कि अगर कंपटीशन में हमें पार्टिसिपेट करना है तो उसका कुछ पर्टिकुलर कुछ लिंक्स होती है, या फिर कैसे सर्च कर सकते हैं हम लोग कि कहाँ पर गूगल कंपटीशन? सर, गूगल पे आप फोटोग्राफी कंपटीशन डाल देंगे सर, सैकड़ों आ जाएंगे सर वहाँ पे। राइट राइट। फोटोग्राफी कंपटीशन, प्रेजेंट फोटोग्राफी कंपटीशन भी करेंगे, तो अभी क्या क्या चल रहा है। और मैं भी सभी को यही कहना चाहता हूँ कि जो अब हम लोग मई एंड में है, अब जून स्टार्ट होने जा रहा है, कंपटीशन का माहौल आ रहा है,
तो अभी अगर आप सर्च करोगे तो बहुत कॉम्पिटिशन्स के ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। सो आप गूगल से वो सर्च कर लीजिए, और आज हम लोग जान लेते हैं जिन्होंने 280+ नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं कॉम्पिटिशन में, उनके पिक्चर्स को ज़्यादा समझ लेते, ताकि ये पिक्चर्स देख के हम अपने आप अपने से खुद से बात कर सकते हैं कि सर ने उसमें क्या देखा रहेगा, राइट। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ, और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि कंपटीशन के लिए पिक्चर जो खींचते हैं ना, तो उसमें ऐसा मत सोचे कि मेरे पास मॉडल नहीं या मेरे पास वो टाइप का बंदा नहीं, या आपको जो भी कुछ अच्छा लगे उसके ऊपर अच्छी तरह से पिक्चर कैसी बन जाती है वो बनाने का ट्राई कीजिए। मैं तो मेरे घर के ऊपर सारे के ऊपर एक एक मेडल ले चुका हूँ सर, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर। अच्छा, क्या बात है, हाँ, तो ऐसा नहीं ग्रेट। कि नहीं, तो फिर मेरे को बताया सर आपने तो मॉडल शूट किया हुआ है, या कोई ये ओल्ड आदमी पकड़ा हुआ है तो खींचा, ऐसा कुछ नहीं है सर, खाली दिमाग राइट, चला होगा बस सर। ये एक आई थिंक रिपीट हो रहा है क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग, कि सर नमस्कार, पोर्ट्रेट के लिए आप कौन सा लेंस प्रेफर करोगे? आपके पास कौन सा है सर? एक बात बोलता हूँ मैं सर, देखिए इक्विपमेंट के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इतना याद रखिए कि जो भी इक्विपमेंट अपने पास है वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है, ऐसा समझना चाहिए सर आपको। जी, कोई किसी के साथ कंपटीशन मत कीजिए, मेरे पास ये लेंस नहीं वो लेंस नहीं, किससे भी करो अच्छा करो, ऐसा कोई ये नहीं कि पैरामीटर नहीं कि वह इससे पिक्चर आ जाती है, इससे भारी आ जाती है, इससे बढ़िया आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो है इंटरेस्टिंग। कि उसका फोकल लेंथ वो सारे मायने रखते हैं, बट उतना कुछ आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आप अच्छी तरह से दिमाग लगाएंगे अगर फोटो खींचेंगे तो। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो कि मेरे पास वो लेंस नहीं इसके लिए मैंने फोटो खींचा नहीं, दैट्स रॉन्ग। जी, खींचना जरूरी है, उसके यस ऊपर उसका हल ढूंढना भी जरूरी है, जो आपने बताया दो टू लेग्स उसका जो हाँ एक बस वो टू लेग्स। ऐसा कोई तो मिस जो मैं कुछ देखता हूँ या पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में फटक से फीड हो जाता है सर। राइट, इंटरेस्टिंग। एनी स्पेशल लाइटिंग टेक्निक फॉर राउंड फेस एंड नैरो फेस? सर प्लीज एक्सप्लेन। अजित पादी, ओडिशा। वो मैंने स्टार्टिंग में ही किया था सर, जैसे कि एक लाइट लेके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको कोई एक मॉडिफायर लगा के वो सब्जेक्ट जो है या जो मॉडल है उसके उसको अगर पहले अपने सिटिंग पोजीशन देने के बाद उसके लेफ्ट से उसका फ्रंट तक आपको लाइट मूव करना है, और जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आपको लाइट सेट करना है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। वो आपने पहले बताया था कि वो जो हाँ ऑब्जर्वेशन चाहिए, वो जो एक फोटोजेनिक क्या है उनके फेस में, और उस अकॉर्डिंग हम लोग उस लाइटिंग को भी कर सकते हैं। बराबर, ओके, हम फीचर आगे देखना बढ़ते स्टार्ट करो, पिक्चर देखना स्टार्ट करो सर। कोई सामने बैठा ना तो उसके पिक्चर्स। उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसमें क्या खूबी है, वो ऑलवेज आपको थिंक करते रहते हैं। जी, हम आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखिए छोटे बच्चे को जैसे कि मैंने कहा अभी इसको रैप नहीं किया, तो थोड़ा सा मैंने हेयर को विग्नेट किया हुआ है, तो ताकि जी ज़्यादा ब्लैक के ऊपर ध्यान कम ज़्यादा जा रहा है, उसके फेस के ऊपर फेस ध्यान ज़्यादा जा रहा है सर। जी 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट, इंटरेस्टिंग। ये भी व्हाइट ऑन व्हाइट, हम आगे बढ़ते हैं। वाह, अमेजिंग हाँ अमेजिंग। इधर का टोपी उधर का टोपी ऐसा करके कुछ ना कुछ करना है, करते करते जाएंगे तो आप बना पाएंगे पिक्चर सर। राइट, ये उत्सव पुसे गांव से उत्सव करके है। स्टूडियो के स्पेस को लेकर मैं परेशान था, लेकिन आपको सुनकर देखकर मुझ में एक अलग सी चमक आई है। मैं आज मेरे स्टूडियो की साइज को लेकर कभी भी परेशान नहीं रहूंगा। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये सेशन सक्सेस हो गया, यस यस यस, वही क्योंकि वही बात कहना चाहता था। हाँ ये परेशान किसी ने होना ही नहीं है, और जब भी कभी कुछ परेशानी लगे तो ये सेशन बार बार देखना है, हाँ जी क्योंकि ये सेशन एक बार देख के नहीं चलेगा। जो मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ हर एक पिक्चर को देख के, अभी तो मैं कॉन्सेंट्रेट हूँ सेशन में, लेकिन ये कई बार देखने का सेशन है। और कई बार क्या होता है ना, कि हमें लगता है कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ लेंस बताएगा, कैमरा सेटिंग बताएगा, तो नॉलेज मिल गया। मैं ये कहूंगा, सभी को रिक्वेस्ट करूंगा एक आर्टिस्ट के तौर पे, कि आप ये सेशन बार बार देखिए और पॉज करके देखिए उस पिक्चर को, वो पिक्चर में देखिए, वो पिक्चर शायद कई बातें करेगा ज्यादा, वो पोर्ट्रेट कई बातें करेगा ज्यादा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था ये। ये हमारे
बालराज परदेशी सर है, ये इन्होंने जो कहा कि सर कंपटीशन के पिक्चर के लिए आंखें कितना महत्व है। कंपटीशन की पहली बात है ना, अभी आंखों का अगर आपने जो पूछा, एक सिंपल सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अगर आदमी 10 जगह पे होकर कोई अपने से गुस्सा कर रहा है तो कैसा मालूम पड़ेगा सर? आंख बड़ा करेगा तो मालूम पड़ेगा सर कि वो गुस्सा किया हुआ है। तो राइट, आंख ही ऐसी है कि वो सारे एक्सप्रेशन अपने को पढ़ने के लिए आना चाहिए सर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और आंखों से ही फोटो का शुरुआत होता है जर्नी, हाँ, आंखों में देखते हैं हम लोग, किसी के साथ बात भी करते तो हम आंखों में ही देखते हैं, तो आंखें अरे सभी सर नहीं, अपने कैमरा में भी आई फोकस दिया है ना सर। आई आई फोकस है। राइट राइट। अगर एनी फोटोग्राफी बुक यू प्रेफर? बात ओके okay. कहना मतलब क्या, किसी फोटोग्राफर को फॉलो क्या बोले, इसका बुक बोल रहे क्या सर? हाँ, कोई बुक अगर आप प्रेफर करते हैं या फिर आप प्रेफर कर सकते हैं अगर उन्हें, तो कोई मैं ऐसा नहीं, मेरे को अभी तक मिस जो बुक अच्छा लगा तो सर गौतम राजाध्यक्ष जो फेसेस करके बुक है ना, वो बहुत जी, बहुत मेरे को प्यारा लगता है सर। इंटरेस्टिंग। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग फोटोज की तरफ भी बढ़ते हैं आगे। ओके ये पिक्चर के लिए तो बहुत बड़ी स्टोरी है। स्टोरी मीन्स स्टोरी बड़ी है लेकिन पिक्चर बहुत कम समय में खींची हुई। ये पिक्चर मैंने नीरा रेलवे स्टेशन भी खींची हुई सर। ओके हाँ, ये मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम कराट टू ठाणा। तो अभी जैसे ट्रेन रेलवे स्टेशन में आ गई और मेरी बोगी भी एंटर हुई तो मेरे को सामने दिखाई देखे वो बंदा बैठा है। और ओके हाँ, जो मेरी बोगी थी तो उसके सामने रुकी ही नहीं, वो तो आगे चली गई चली गई। 2-3 बोगी होने के तो वहाँ पे रुक गई। और ऑलवेज कैमरा साथ में ही था, मेरा रहता ही हमेशा। तो वो फटाफट उतर के आके उनके सामने गया, फटाफट फोटो खींच के फटक से लेकर गाड़ी भी चालू, फिर से मैं वो सामने के बोगी में बैठ के मैं अपनी जगह पे आ गया। इसका मतलब जो नीरा रेलवे स्टेशन है वो कोई जंक्शन नहीं है कि 10 मिनट या 15 मिनट के लिए गाड़ी रुक जाती है। तो आपकी थॉट प्रोसेस इतनी फास्ट होना चाहिए कि उतने में आपको पिक्चर दिखा भी दिया, उसमें क्लिक भी कर दिया सर। तो इंटरेस्टिंग। इतना फास्ट आप होना बहुत जरूरी है। और वो सब आ जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि पॉसिबल नहीं है। या अगर आप खींचते जाएंगे क्लिक करते जाएंगे तो ये भी आपको आ जाएगा सर। राइट सर, ये इससे एक मुझे मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि आप जब ऐसे आउटडोर में या स्टेशन पर शूट कर रहे हैं, तो आपको आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया है कि जहां पर वो खींचने नहीं दिया, सामने वाला चिल्लाया या फिर नहीं खींचना है मेरा पिक्चर, ऐसा कभी हुआ है कुछ गलती से? सर पूछता है कौन सर? ओके हाँ, पहला खींचो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो नहीं क्या, ज्यादा नहीं बोलेगा और थोड़ी निकाल के मारेगा अपने को। क्या बात है। हाँ, और मेरे को मालूम था ट्रेन इतना टाइम तो रुकने वाला नहीं है। वो बंदा मेरे को उसका स्ट्रेंज लगा, बिल्कुल जगह से इधर ना देखा ना उधर देखा। तो मेरे से अच्छा वो मेरे को अच्छा लगा यार, ये कितना कुछ मीन्स कुछ भी कर भाई, मेरे को उठा के भी लेके जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, ऐसा था उसका एक्सप्रेशन। अच्छा, उनके एक्सप्रेशन वैसे दिख रहे हैं ऐसे, आंखें वो स्टील है एकदम। हाँ, और अपने को भी समझ, ज्यादा ओवर करेंगे क्या मालूम, तभी उसका बिहेवियर क्या है मालूम नहीं पड़ेगा सर, ऐसा है ना। तो थोड़े ही समय में क्लिक करके बस निकलते पड़ो उधर से। केसी फोटोग्राफी कह रहे हैं कि राकेश सर आपल्याकडून मला खूप काही शिकायला मिळाले आहे आणि इथून पुढेही मिळेल। थँक यू केसी फोटोग्राफी। थैंक यू सर। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ स्क्रीन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं और क्या-क्या है। सर बिहाइंड द सीन अभी कोई इसके बीच में नहीं था ना, जो मैं मुझसे रह गया होगा ऐसा, नहीं, है ना? मैं आगे है ना बोलूंगा बात। आपको। हाँ, अभी ये पिक्चर के पीछे भी स्टोरी है। मैं दुबई में गया था एक वेडिंग शूट करने के लिए, और मेरे ओके एक दोस्त फोटोग्राफर जो मेरे साथ में थे, तो वो एटीएम में पैसे निकलने गए थे। तो तभी मैं देखा एक सामने जो ये औरत है वो केले बेचने वाली थी। तो हाँ, तो कस्टमर के साथ में झगड़ती थी भी, हंसती थी भी। अरे मैं थोड़ा सा शौक है कि भाई 2 मिनट में उसका एक्सप्रेशन फटाफट चेंज होता है। तुरंत कैमरा निकाला, मैंने क्लिक किया तो देखा इसमें थोड़ा सा गुस्से वाली है, थोड़ा स्माइल है। इससे मालूम पड़ता है कि आपका फेस एक्सप्रेशन, आपकी फेस की वैल्यू कितना चेंज होती है सर। यस यस यस, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बढ़िया। आगे बढ़ते हम लोग। ये पिक्चर एक्चुअली सब उसको जैसा चाहिए पिक्चर देने के बाद, जैसे मैंने कहा
उसको जो पहला चाहिए उसको दे दिया, फिर मेरी तरफ से मैंने थोड़ा सा कुछ ट्रायल एंड एरर किया, तो ये पिक्चर निकलते थे उसका हार्ट बीट पहना है मैंने, फिर मतलब थोड़ा सा कुछ और इंग्लिश टच होना चाहिए, तो मैंने उसको एक सिगरेट दे दी, तो वो स्मोक करती है क्या? नहीं करती उन्हें, तो सिगरेट देने के बाद मैंने वो जो सिगरेट लेके आया उसमें से टोबैको निकाल के उसके अंदर मैंने अगरबत्ती डाल के कट करके थोड़ा सा जला के उसका दुआ बना के मैंने पिक्चर खींचा हुआ, तो थोड़ा स्मोक और थोड़ा सा दिखने में थोड़ा अच्छा है। उसके बाद फिर एक और उसके बाद एक मेरा एक इंसिडेंस हुआ है जो आगे की पिक्चर में आपको बताता हूँ। जैसा ये सेम उसके भी ऐसा पिक्चर चाहिए, तो मैं बोला भाई लेके आ सिगरेट, तो फिर मेरा वही प्रोसीजर चालू हुआ सिगरेट लेके आने का, टोबैको निकालने उसमें अगरबत्ती डालने का, ये सब चालू था मेरा, तो वो मेरे पास आ गई, सर क्या चल रहा है आपका? सर मैं बोला इसमें अगरबत्ती डाल के उसको जला के थोड़ा धुआं करेंगे। क्यों सर? उधर जलेगा तो धुआं आएगा सर, उसकी कोई जरूरत नहीं सर, मैं स्मोक करती हूँ। ओके ओके हाँ मैं बोला तो ठीक है चलो, तो भी चला अपन फोटोग्राफर, मैं बोला अभी उसने कहा स्मोक करती है तो छोटा क्यों मांगा, फोटो में दिखने के तो अलग सा वैरायटी भी हो जाएगा, तो मैं बोला उसको क्या बोलते हो भी नहीं मेरे को मालूम, बोलो जा ज्यादा जाड़ा सिगरेट लेके भाई थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं, तो हाँ तो वो लेके आने के बाद थोड़ा सा उसको स्मोक करने के लिए हुआ, तो दो तीन शॉट मेरा ठीक से नहीं हो गया और थोड़ा धुआं धुआं होगा, तो मेरा असिस्टेंट था वो थर्माकोल इलाका था, धुआं चला जाता था फिर से एक दो क्लिक करता था, और अभी अपने को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता सर, तो मैं क्लिक करते गए नहीं ठीक नहीं आया और कर ठीक नहीं आया और कर, ऐसा कम से कम मैं 5-6 बार उसको करवाने के लिए कर दिया, तो उसके बाद उससे बोला सर मेरे को किक लग गई सर, मेरे को चक्कर आ गई सर, तो 15-20 मिनट उसके बाद मेरा शूटिंग ही स्टॉप हो गया सर। ओके, ज्यादा इसमें फिर रखना भी नहीं चाहिए। राइट परफेक्ट, थैंक यू सर, थैंक यू। अब ये जैसे आप जो भी पिक्चर दिखा रहे हैं, हाँ। मैंने ऑब्जर्व किया कि हम लोग जो पिक्चर देख रहे हैं तो उसमें जब आप ये एक फ्रेमिंग कर रहे हैं पिक्चर को प्रेजेंट करते समय, हाँ। तो जैसे कंप्लीट ब्लैक ऑन ब्लैक है और जो आपने फ्रेमिंग जो है ग्रे कलर का, तो ये फ्रेमिंग का क्या बेनिफिट होता है सर जनरली फोटो व्यूअर्स के लिए? सिंपल अच्छा दिखने के लिए और क्या उसमें सर? मतलब कि वो उतना फ्रेम है तो ज्यादातर हम लोग डायरेक्ट फोकस हो पाते हैं, मतलब व्यूअर्स डायरेक्ट फोकस हो पाएंगे उस पिक्चर पे, उनका ध्यान डिस्टर्बिंग। आप बॉर्डर के बारे में बोल रहे हैं या फ्रेम का? माउंटिंग, हाँ माउंटिंग, ये जो बॉर्डर जो माउंटिंग जो है, माउंटिंग बस डेकोरेट करने के लिए और कुछ नहीं। ओके ओके डन थैंक यू हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है सर, क्योंकि बहुत पिक्चर है और हमें देखने भी है, बिहाइंड द सीन भी देखने हैं, सो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी देखो पिक्चर सेम जैसा दो लाइट बैक और एक फ्रंट पे दिया हुआ है सर, ये भी मेरे अवार्ड विन पिक्चर है सर। इंटरेस्टिंग, वहां पर जो ब्लूइश टोन था सर हेयर लाइट में, हाँ तो क्या वो मतलब कोई जेल नहीं लगा सर? जेल नहीं है ना, और नहीं जेल के इतना तो उतना उसका इंटेंसिटी भी नहीं है, लेकिन हाँ। शायद वो जो विंडो लाइट क्रिएट होता है वो कंप्लीट फील ले रहा है वो। हाँ, जी वो क्या किया मैंने हाईलाइट में कर्व्स में जाके थोड़ा ब्लू इंक्रीज कर दिया सर। ओके, हल्का वो इफेक्ट ले लिया आपने, इसलिए वो ज्यादा उसमें ड्रामा क्रिएट हो गया एक्चुअली। करेक्ट, बहुत ड्रामेटिक ये हो गया। इंटरेस्टिंग, थैंक यू सर। वाओ, ये पिक्चर मैंने दुल्हिया में किया था, एक मेरा दोस्त का स्टूडियो है जो दत्त फोटो स्टूडियो प्रकाश माजी ऐसा एक नाम है मेरा दोस्त का, तो मैं उससे स्टूडियो में ही बैठा था मैं, तो सामने से ये बंदा चला गया, तो सडनली मेरे दिमाग में ऐसा, उसने सब डरबन पहना है व्हाइट कलर का, तो थोड़ा सा हाइकी का पिक्चर कुछ हो जाएगा भाई चलो, तो मैं उसको बोला उसको बोल सकती है फोटो खींचने के लिए? हाँ तो क्यों नहीं सर, गया वो बाहर 5 मिनट का उसको लेके आया वो अंदर। क्या बात है। हाँ तो फोटो खींचने का बोला, अभी इतना सब मेरे को कॉपी किया बोला सर चाय लेंगे क्या बाबा? हाँ लेंगे। तो इनका फोटो शूट होने के बाद मैं इनको चाय पिलाया, अभी कैसा चाहता है बोले ना क्या आदमी चाहता है कुछ, और कभी कभी ऐसा है जो चाहते रहते हैं ना उससे ज़्यादा ही मिल जाता है। अभी इसका फोटो खींचने के बाद मैंने चाय मंगाया तो चाय वाला आया, तो उसका भी पिक्चर मेरे को इतना अच्छा लगा ना, तो उसका भी फोटो मैंने खींचा, तो वो पिक्चर दिखे सर। ओ, क्या बात है, क्या बात है।
तो ये तो कोई डिसाइड करके, तो उसी टाइम का आपको उसके कोई भी सामने सब्जेक्ट रहेगा तो उसके फीचर्स आपको रीड करना आना बहुत जरूरी है सर। देखो उसका ईयर भी देखिए, लाइक कोई आमिर खान का कोई पिक्चर आई थी ना पीके, लाइक थोड़ा सा उसका जो बॉडी एकदम पूरा पतली सी, और उसके फेस के ऊपर भी देखिए कितना टेक्सचर है सर उसका। राइट, कुछ अलग ही है. राइट, हाँ, ये राज सूर्या जी का सेकंड टाइम मैसेज है कि रावल सर भाभी जी के फोटो का BTS दिखाइए. अरे आगे दिखाता हूँ सर, दिखाता हूँ सर। आगे आगे है, थोड़ा रुकिए. आप सभी को मैं कहूंगा कि आगे बहुत BTS है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक BTS भी आएगी. राइट, अब राजेश राजू जी कह रहे कि सर तेलुगु लैंग्वेज को, अब तेलुगु तो हम दोनों को भी नहीं आती है, सर मेरे को लेकिन ठीक से बात करने के लिए भी नहीं आ रहा, आप तेलुगु ही प्रिफर कर रहे सर। सर की एक्चुअली लैंग्वेज फोटोग्राफी की है. सर का लैंग्वेज थोड़ा मेरा फोटो, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है सर, जो भी कुछ है मैं वही तो बोल रहा था कि जो भी कुछ मैं बताऊंगा तो फोटोज के बारे में ही बात कर सकता हूँ ऐसे ऐसे। नहीं. और राकेश सर, मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप स्पेशली कुछ, आप क्योंकि आपका जो सोच है उस पिक्चर में, मैं तो मतलब ये कर रहा हूँ कि मेरे नजरिया से उसमें कुछ अगर लगे या फिर क्वेश्चन आंसर पे, लेकिन किसी पिक्चर में आपको कुछ लगे तो वो आप बता दीजिए कि आप, जैसे आपने अभी बताया वो जो चाय वाले थे या हाँ हाँ अंकल थे, हाँ तो हमें उस स्टोरी से भी बहुत कुछ मिल रहा है. हम ये मेरा भी हमेशा से सोच रहा है कि यार कोई मिलता नहीं है मॉडल, फिर किसको बोलूँ तो डर भी लगता है, किसको कहो तो नहीं निकलने दिया तो क्या करेगा, लेकिन नहीं निकलने दिया तो नहीं निकाल देगा, लेकिन पूछना हाँ चाहिए. ना ना बोलेंगे और क्या। अरे ऐसा कौन सा आपत आने वाली कि अरे नहीं बोल दिया तो मेरे रिजल्ट हो गए, कुछ नहीं होता है, नहीं मिला दूसरा मिलेगा, उससे और मेरा अच्छा इंटरेस्टिंग वाला होता रहेगा, ऐसा उतना सोचने का नहीं है अपने को कभी, और नहीं कभी इसमें. मिला तो आपको मेडल मिल जाएगा सर, ऐसा है ना। हाँ, राइट. अभी इसमें एक इसमें मुझे, मेरे, हाँ बोलिए, जी, बोलिए बोलिए सर. अभी इसमें ये मेरे फ्रेंड के ग्रैंडफादर है, तो उनका स्टूडियो में मैं बैठा था तो वो आ गए कि ऐसे आते नहीं जाते, बोला नहीं बोले कौन है, ये मेरे ग्रैंडफादर है, बोले इनका फोटो खींचो ना, खींचो ना, खींच लिया, इनके फेस के ऊपर देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर दिखाई दिया रहे सर। हाँ एग्जैक्टली. और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है, क्यों अवार्ड मिलता है या क्यों प्राइजेस मिलते हैं, तो वहाँ पर कोई उनको भाई चश्मा ठीक करो फिर अच्छे से बैठो ये नहीं कहा है. उनकी जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी को आप पिक्चर बना रहे, प्रेजेंट पोर्ट्रेट होता है, एक्चुअली पोर्ट्रेट भी वही होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार हम लोग क्या होता है कि जो टेक्सचर चाहिए उसे ही निकाल देते, या फिर कई बार उनकी जो पर्सनालिटी है वही, उसी को हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं कि नहीं, थोड़ा चश्मा ऊपर लो, नहीं, थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, तो ये नहीं करना है. मैंने जो सीखा आज कि ये नहीं करना है. और यहाँ पर राज सूर्या जी का ये क्वेश्चन भी, आई थिंक सेकंड टाइम हम लोग ये कर रहे हैं कि इस टाइप्स ऑफ स्किन के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए. लाइटिंग का ध्यान रखना है सर, टेक्सचर कैसा है लाइटिंग उसको एनहांस करना है सर। अगर मेरे और को ये सर बात समझ में आई तो मैं बोल रहा हूँ, अगर स्किन का स्किन जो के बारे में टेक्सचर है, जानना चाहता हूँ। हाँ आपका जो स्किन का, ये हर पोर्ट्रेट में जो स्किन टेक्सचर है जो कि उनका एज भी दिखाता है, हाँ उनका मेहनत दिखाता है, उनका जो भी आज तक का लाइफ दिखाता है. सो ये जो उसका टेक्सचर को आप कैसे मेंटेन करते हैं सर, क्योंकि कई लोगों को टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई वो अपर्चर से आप कर रहे हैं या फिर लार्ज अपर्चर स्मॉल अपर्चर कुछ होता है कि जिसमें से कैसे रहे, क्योंकि कई लोग भाई 2.8 लेंस है तो 2.8 पे ही सब कुछ करना है, तो क्या 2.8 पे अभी उनके जो चेस्ट पर नेक के नीचे जितना टेक्सचर दिख रहा है यहाँ पर डिटेलिंग, सर, तो किस तरीके से ये आप बताएंगे कि वो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए. मेरा कहने का ये है कि सर ऑलवेज लाइट के ऊपर आपको ध्यान देना है। एक बात बोलता हूँ सर, एक टॉर्च लेने का, अगर आपको सीखना है टेक्सचर कैसा एनहांस करना है, एक सिंपल है टॉर्च लेने का, और कोई रफ सरफेस रहेगा ना तो उसको है ना सामने से आप टॉर्च जला के देखने का, और वही टॉर्च जो उसको साइड में जाके लाया देखना सर, तो इंटरेस्टिंग, साइड में लेंगे तो ज्यादा टेक्सचर दिखा, बस वही सोच अपने इसमें लेके आने का। इंटरेस्टिंग, परफेक्ट, हाँ तो सुपर. आपको ज्यादा टेक्सचर दिख रहेगा तो लाइट का एंगल चेंज किया करो, आपको दिखाई देगा सर। एक एक बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर सभी के लिए, एक आर्चिस फोटो स्टूडियो पुणे से है सर. आपके सब पोर्ट्रेट्स देख के लॉकडाउन की निगेटिवली प्रॉब्लम माइंड से निकल गए, ये नहीं सीखा तो क्या सीखा, क्या बात है.
अगर देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट कहा है सर ने, और राकेश सर का तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो सब डिटेल्स बता रहे हैं हमें। तो लॉकडाउन निकल ही गया ना, ऐसा समझिए कि लॉकडाउन ही निकल गया अभी। क्योंकि एक एक बात है, शायद मैं आज मिस कर रहा हूँ कि ये सेशन शायद 1 महीना पहले होता था तो कई सारे चमत्कार लॉकडाउन में सब करते थे, लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है, अभी भी सब कुछ नॉर्मल हुआ नहीं है। जो करने वाला आज शाम को ही कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर कल सुबह भी करेगा, दोपहर को भी करेगा, और कल शाम को भी करेगा। तो परसों आप, मैं मेरा भी नंबर शेयर करता हूँ, आप वो फोटो मुझे भेजिए कि भाई राकेश सर का सेशन देखने के बाद हम लोगों ने ये प्रयास किया है, हम फिर से एक बार राकेश सर को ऑनलाइन लाएंगे और सिर्फ आपके फोटो पर बात करेंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने पोर्ट्रेट खींचे, राकेश सर उस पर बात करेंगे, ये एक सेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बैग में जो कैमरा है, पहले उसको बाहर निकालिए और उसको खुली हवा दे दीजिए। नहीं तो हमेशा अपना कैमरा ज्यादातर लॉकडाउन में होता है, तो हमें उस कैमरे को भी लॉकडाउन से बाहर निकलना है। और थैंक यू सो मच आर फोटो स्टूडियो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के पोर्ट्रेट देखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक आपको मेरा अंदर की बात में बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी जो पूरी वर्ल्ड में जो किसी के हाथ में जो बात हो गई, जो पैंडेमिक सिचुएशन आई, तो इसमें क्या करना चाहिए, मैंने जो देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज कर दिया इसके लिए जी कि देखिए, अपने को अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कोई फोटो खींच रहा है, कोई अपने को अपने पास आके कोई अपने से भी उम्र से ज्यादा होते हो, तो कोई बंदे लोग बोलते कि अरे भाई मैं भी पहले कभी किया करता था फोटोग्राफी, या कोई आर्टिस्ट रहेगा तो बोलता था मैं भी पहले कभी कभी ड्रॉ करता रहता था, पेंटिंग करता रहता था, लेकिन क्या है अभी वो टाइम नहीं रहता है वो, तो उसके लिए मैं कर नहीं पाता है। तो अभी भगवान के दया से नहीं बोल सकता, लेकिन होने अनहोनी में ये टाइम आ गया कि आपका टैलेंट अभी दिखाने के लिए, मीन्स ये जो पैंडेमिक सिचुएशन की आपको थोड़ा सा देखने का एक पॉजिटिविटी का एक जरिया हो गया कि थोड़ा सा आपके अंदर जो स्किल है ना वो बाहर निकाल, जरूरी कि उसके लिए फोटोग्राफी ही चाहिए। जो कहते थे ना मैं ये करता था वो करता था बचपन में, ये करता था मेरा ये हॉबी था, लेकिन मेरे को काम के वजह से या मेरे जॉब के या मेरे ड्यूटी की वजह से मेरे को नहीं टाइम मिलता था, तो अभी ये जो टाइम है तो उसके लिए यूटिलाइज करना चाहिए। जी, बहुत इम्पोर्टेंट कहा सर बात आपने, और उसी के अकॉर्डिंग ही सब अभी मैसेजेस आने लगे हैं कि लॉकडाउन में, ये फूलचंद सर करे कि लॉकडाउन में आपने उम्मीद जगाई है, इंटरेस्टिंग, लॉकडाउन में ब्रेन अनलॉक हो गया आपका वेबिनार देखकर सर जी, थैंक यू सो मच। सर लॉक मत करना कभी अभी इसको। हाँ अभी इसके बाद लॉक ही नहीं करना है उसे, ग्रेट। यहाँ पर कह रहे ट्यूब करके है, ग्रेट इन्फो, वी कैन सी कैच लाइट इन आई, इज इट फ्रंट लाइटिंग और टू लाइट्स, थैंक्स। दो लाइट्स यूज की गई है या सिंगल लाइट पर है? सिंगल लाइट सर। सिंगल लाइट है, ओके इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग एक साजन राजपुरे सर भी, रायपुरे जी भी पूछ रहे थे कि सर यह फोटो का लाइट सेटिंग बताए प्लीज, तो सिंगल अभी लाइट है तो शायद वही हो गया कि ओके सर। आप मैंने वो अभी दो दो BTS में देखा कि आपने दोनों भी BTS में लाइट को बाउंस करके यूज किया है, सो शायद वो एक थोड़ा हमें बताएंगे तो उससे हेल्प हो जाएगी और समझने में, लाइट सॉफ्ट मेरे को चाहिए था, मैंने सॉफ्ट करवा दिया सर, ऐसा बाउंस डायरेक्ट कर दिया, राइट देता तो हार्श होता था, चारों राइट। हार्श होता ऐसा ऐसा, मुझे लग रहा है जितना हम आपके लोग सेशन आगे लेके जा, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है सर ऐसा। हाँ वो आपने बता ही दिया था, और मुझे जितना लग रहा है अभी आपसे पूरा डिटेल बात करते समय कि जिन्हें लाइट पता है, डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट, एम्बियंट लाइट या फिर सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, वो हर फोटो ये देखकर जान सकते हैं, क्योंकि ये टिपिकली बेसिक सेटिंग भी बताने का सेशन नहीं है, ये हर पिक्चर पोर्ट्रेट को जानने का सेशन है। तो यहाँ पर शायद हर पोर्ट्रेट में अगर हम लोग झांक के देखें थोड़ा सा उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो बहुत कुछ हमें समझ में आएगा कि क्योंकि लाइट दिखता कैसे है, शैडो से, कि भाई शैडो किस डायरेक्शन में है, राइट। मैं बाकी सबके लिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ कि लाइट को अगर देखना है आपको तो उनकी शैडोज कहाँ पर है वो देखिए, कितने डायरेक्शन से, तो देखिए उनके चिन के नीचे लाइट गई है क्या, उनका नोज लाइन कहाँ से बना है, नोज के बाजू में शैडो कैसी बनी है, तो इससे आपको समझने में हेल्प हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके सर, ये भी मेरे अवार्ड में पिक्चर है सर। इंटरेस्टिंग, अभी इसमें भी देखो, मैंने थोड़ा जानबूझ के उसका डेस्क के ऊपर थोड़ा ब्लू एनहांस किया हुआ है,
ताकि जी थोड़ा जी सा वो नाइट जैसा लगा लगना चाहिए इसके लिए, बट वो और ये रूम में फेस के ऊपर नहीं आने के लिए दिया सर ऐसा ऐसा हाँ वहां वो। पर क्या है। हाँ, वो और थोड़ा सा यार मैंने क्लियर कर दिया अभी। एक इंटरेस्ट ऐसा आपने क्रिएट किया है कि यहाँ पर है एक्चुअली डार्क ऑन डार्क, ब्लैक ऑन ब्लैक, लेकिन आपने उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, हाँ जी, क्योंकि फेस फेस का यहाँ पर जो स्किन टोन है थोड़ा सा वार्म वार्म की तरफ जा रहा है, और हाँ यहाँ पर आपने ब्लूइश लाइट, तो इससे ड्रामा बहुत ज्यादा उभर के बाहर आया है। बराबर सर। और लाइट अमेजिंग कंट्रोल है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हम लोग। ये भी मैं, ये विंडो लाइट का पिक्चर है सर ये मेरा। ये विंडो लाइट है। ओके ओके यस तो सर ये विंडो था। लाइट में आप वहां पर भी कटर्स यूज करते हैं लाइट कंट्रोलिंग के लिए? अरे उसको तो दरवाजा रहते हैं सर, उसको कम ज्यादा करो हो जाता है, उसमें क्या है। वही होता है बार्न डोर के हाँ, जैसा। बस 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 परफेक्ट परफेक्ट इंटरेस्टिंग। ये भी हाइकी का मेरा अवार्ड विन पिक्चर है। हाँ वाओ। और यहाँ पे टर्बन स्टाइल वही, मतलब वो जो था पिक्चर जो आपने दिखाया था, हाँ वही उसका ही पिक्चर है सर, वो थोड़ा सा ये एंगल पिक्चर चेंज है उसके साथ। ये फ्रंट साइड से है वो, थोड़ा आई हाँ थिंक प्रोफाइल शॉट था हाँ वो, थोड़ा साइड से। साइड से। इंटरेस्टिंग। वाह यहाँ पे हेयर लाइट का भी बहुत अमेजिंग यूज है। पैच नहीं लगता हेयर लाइट भी, अगर थोड़ा सा भी सेपरेट तो होता है, लेकिन पैच नहीं दिखाया जा रहा है सर। जी जितना जी भी कुछ जी आप लाइट यूज करेंगे वो एक आपको मेंटेन करना है कि पैच अगर दे देंगे ना, रखेंगे ना, तो पूरा ध्यान आपका उसके ऊपर जाता है सर। राइट। और आपका रेड रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन अपने आप ही इतना खूबसूरत है कि वो एक अपीलिंग कॉम्बिनेशन है रेड और ब्लैक, तो वो भी आपने यूज किया तो और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि जैसे आई थिंक आपने बताया ये सब चीजें, लेकिन एक बार कंपटीशन में फोटो भेजना है तो कलर स्कीम कैसे करें? सचिन फोटोज कलर स्कीम कैसे करें मिस? नहीं, आपने बता दिया है कि वो आपका टेस्ट क्या है, आई थिंक हाँ वही वो शायद उन्होंने थोड़ा लेट अगर ज्वाइन किया रहेगा सेशन तो शायद उन्हें, तो सचिन जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिन फोटोज कि आप एक बार सेशन फिर से देखिए। ये मैं मेरी रिक्वेस्ट इसलिए कि उससे बहुत कुछ और भी मिलेगा आपको, क्योंकि कलर स्कीम का बात ही नहीं होता यहाँ पर। कलर आपको क्या दिखाना है, आप क्या दिखाना चाहते हैं, आपका विजुलाइजेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। ओके ओके आगे यहाँ पे पूछ रहे बीटीएस है क्या, तो आगे है बीटीएस, हम लोग आगे बीटीएस दिखाएंगे सर। एक पोर्ट्रेट की बीटीएस तो नहीं रह गई है नहीं नहीं नीचे? नहीं नहीं ना। ओके ओके नहीं न्यू वाला। हाँ ओके चलो आगे बढ़ते हम लोग। वाह इंटरेस्टिंग। अभी ये अभी अभी इसके ब्रशेस आए हुए हैं, तो ये मैंने ग्लास तोड़ के बनाया हुआ है मुझे। ओ तो ये कितने ग्लास तोड़े सर आपने? अच्छा 4 से 5 अरे इससे टूटेगा एक तो बात पूरा, फिर उसको जो तोड़ने के लिए उसका पॉइंटेड चाहिए, वो पत्थर ढूंढने का बहुत किया है सर। तो वो मेहनत भी पता चलनी चाहिए ना, नहीं तो क्या होता है कि ये मतलब इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स है और ये एक्सपेरिमेंट आपका विजुअल जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आप करते रहते, इसलिए एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही आपको अचीवमेंट मिलेगा सर, नहीं तो नहीं वही। मिलेगा सर। राइट 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 और उसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। यस, मैं ऐसा नहीं कि भाई नहीं टूटा छोड़, एक बार नहीं टूटा दूसरे बार टूटा जाने वो छोड़ दिया, मैं ऐसा कभी करता ही नहीं। राइट राइट और ये जो जहां पर आपने वो पॉइंट जो किया है, होल जो बना है वहां पर, उसके आंखों पर मतलब उसके आंख पर फोकस है और बाकी जो भी ग्लास के द्वारा दिख रहा है वो आउट ऑफ फोकस है, हाँ, वो सो मल्टी ये ग्लास है। हाँ अच्छा मिर्ची ग्लास है इसलिए। राइट 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 हाँ परफेक्ट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पे तानाजी सर कह रहे हैं कि ये सेशन थोड़ा पहले होना चाहिए था, मैं बोला सर चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज भी हुआ है तो शायद अभी थोड़ी देर में सेशन हो कंप्लीट होने जाने के बाद तुरंत स्टार्ट करे तो जो पिछला टाइम गए वो भी भर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाह यहाँ पर थोड़ा सा एक फिल्टर के जैसा फील आ रहा है वो स्किन का, थोड़ा कास्ट, और मैंने इसमें ग्रीन कास्ट दिया हुआ है, सियानिश दिया हुआ है थोड़ा। हाँ ओके ओके इंटरेस्टिंग। एक ही और जैसा होने से थोड़ा सा कुछ अलग अलग करने का ट्राई करते रहता हूँ मैं हमेशा। हाँ उनका एटीट्यूड भी बहुत बढ़िया है, मतलब हाँ जिस तरीके से उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया है ये बच्ची ने, बहुत अमेजिंग। उनकी आंखें सब कुछ बता रही है, उनकी नोज लाइन सब कुछ बता रही है, एक्चुअली उसका एटीट्यूड बता रही है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग।
ये भी मेरा अवार्ड विन पिक्चर है वाह, इंटरनेशनल। बहुत बढ़िया। यहाँ पर सर लाइटिंग का और खूबसूरत नजारा दिखाई कि वो जो नेट के थ्रू जो लाइट है वहां पर, आई हाँ थिंक उसका वो फील भी नजर आ रहा है। वो बाहर जितना नेट है उसका, नेट का भी उतना फील नजर आ रहा है प्रॉपर। हाँ उसका शाडो भी देखा है इधर, इसलिए वो डायमेंशन पूछा था उसका। एग्जैक्टली। उसको जानबूझ के मैंने वो ग्लॉस लिपस्टिक लगाने के लिए कहा कि ताकि वो थोड़ा सा वो जैसा आईज में कैच लाइट, दोनों आईज में कैच लाइट और यहाँ पे जो ब्राइट हुआ है तो उससे वो ट्राइंगल भी बन जाता है ऐसा ऐसा। वाह क्या बात है। नहीं इसमें बहुत बार का ही है एक्चुअली, वो जितनी बात करें उतना कम है। आज आज तो मुझे लग रहा है कि ये जो जितना आप बता रहे हैं ना, इसके 2-3 एपिसोड में सेशन होने चाहिए थे। कि ये जितना मिल रहा है सभी के लिए, हम सभी को, मैं भी उसमें हूँ, कि ऐसा लग रहा है कि भाई आज तक क्या क्या, अभी निकलो बाहर, पहले कुछ करो। निकलो बाहर मतलब कैमरा निकालो बाहर और कुछ करो, बाहर तो नहीं निकल सकते हम लोग। चलिए इंटरेस्टिंग। यहाँ पर भी आपने ब्लैक ऑन ब्लैक का ही कॉम्बिनेशन, और इतना मज़ा है कि आपका जो उनका जो फैब्रिक का जो टेक्सचर है, उनके जो ड्रेस का जो जितना भी टेक्सचर है, वो भी हर टेक्सचर मेंटेन किया हुआ है। ब्लैक ऑन ब्लैक पे ऐसा नहीं हुआ है कि उनके ब्लैक बाल कंप्लीट ब्लैक हो गए, या फिर उनका जो फैब्रिक है, कपड़ा जो है उनका, वो पूरा ब्लैक हो गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो उनका फिंगर्स, उसका शेप, उसकी जो नेट की जो डिजाइन है, वो भी उतनी बार का इसे दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मेंटेन हम लोग करें, लाइट पे कंट्रोल करें। यस सर, थैंक यू सर। आप कुछ बताना चाहते हैं सर उसके अकॉर्डिंग? मैं बताया ना सर आपको, मैं बताऊं तो मतलब ही नहीं सर वो पिक्चर इसलिए थोड़ा मुझे मुझे मैं बात कर रहा हूँ और मुझे मौका मिला ये। एक्चुअली। हाँ ये भी पिक्चर देखो, मैंने थोड़ा वॉल वॉल को लेके और जिसका एज डायगोनल लेके पिक्चर में देखो ऐसा चामिक आ जाती है सर ऐसा। तो ऐसा नहीं कि फ्लावर्स था तो वो भी यूज कर लिया, अगर नहीं है तो भी कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए सर। सर जी फ्लैट बिल्कुल कर रहा है तो बिल्कुल। मजा है, थोड़ा सा मैं वो उसका हाथ उसका वॉल पर लगा के थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा और अट्रैक्टिव कैसा दिखे वो करने का ट्राई किया है मैंने सर। इसमें थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था, शायद मैं भी पूछूं तो मुझे जब भी आप बता दीजिए। कि जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन था कि पोजिंग के बारे में, कि आप कैसे डिसाइड करते हो पोज, मतलब पोज का भी एक अलग ब्यूटी होता है अपने आप। तो ये पोजिंग वाइज लाइटिंग आप कर लेते हैं वहां पर? नहीं पोजिंग वाइज तो लाइटिंग करनी ही पड़ती है सर, लेकिन कैसा है सर पोज है ना कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फोर्सफुली है, बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। तो उसका जो हाथ रखने का स्टाइल क्या है, मीन्स अगर हाथ अगर डेलिबरेटली रखा है वो नहीं मालूम पड़ना चाहिए, या ऐसा हाथ रखा तो कभी कभी फोर्स से रख जाएगा तो उसका आर्म्स बहुत बड़ा होता है तो उसे मालूम जी पड़ता है कि भाई फोर्सफुली रखा है या नहीं रखा हुआ है, तो वो सारी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेचुरल वे पोजिंग होना चाहिए, राइट। यस यहाँ यस पर अलेक्स जी है यहाँ पर, जो पूछ रहे कि राकेश सर, आप जो आउटडोर में इंस्टेंट फोटो निकालते हो, तो ज्यादातर कैमरा किट कौन सा होता है आपका? ज्यादातर तो कैमरा किट मेरा कैनन ईओएस आर है मेरे पास अभी, ओके, कैनन ईएसआर है। उससे क्या फर्क पड़ता सर ये उठा लिया, अभी बहुत सारे कैमरा है जो उठा लिया उससे क्लियर, मेरे को ऐसा कोई लगता नहीं कि मैं 5D Mark II यूज करूँ या 6D यूज करूँ। हाँ राइट राइट राइट। अभी ये उससे आर तो भी कैरी करने का मतलब कैसा, अभी कॉम्पैक्ट हुआ इसके लिए कैरी करता है, नहीं तो इसके पहले मैं हाँ हमेशा फूजी यूज करता था जो छोटा है और इजीली बैग में बैठता है वो। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हम। वाव, अब यहाँ पे स्किन टोन अलग है। यहाँ पे गोल्डन किया है हाँ स्किन टोन है, जो जनरली फाइन आर्ट पोर्ट्रेट्स में दिखाई देता है, ओल्ड पेंटिंग्स में जो हाँ एक हाँ थी। वाह, और ये यही अपना हीरो है सर, वो हाँ वही वही हो बच्चे रहा है आप? ये आपके भाई का बच्चा है सर? क्या भाई का बच्चा है, मेरा छोटा भाई उसका बात है, वो बच्चा तो मतलब छा गए। हाँ ये वाह मेरा ये भी मैंने रिलेशनशिप ही खींचा हुआ है, मीन्स अभी मैं एक्चुअली मैं सेकंड होम है कराड़ में, एक घर जी लेके जी रखा है मैं, तो मैं ट्रैवल करता हूँ ना बाय ट्रेन, तो ऑलमोस्ट मेरा थाना टू करार ऑलमोस्ट शूट हुआ है सर। अच्छा, हाँ इंटरेस्टिंग। और इसका जो टेक्सचर भी आपने बहुत बढ़िया आप ये कर लिया है।
वाह, ये एंगल भी एक अभी अलग देखने मिला हमें, ये टॉप व्यू से आपने लिया है, और कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू येलो का हमेशा से कॉम्बिनेशन बहुत एनर्जेटिक होता है। और ये मेरे थोड़ा घर में एक जो बोलते हैं ना उसको लैडर था, उसके ऊपर चढ़ के पिक्चर खींचा हुआ मैंने। क्या बात है, ये पिक्चर घर में ही है ना? हाँ इंटरेस्टिंग, वाओ, ये पैटर्न के साथ आ गया अभी। जरूरी कि बैकग्राउंड ये चाहिए भाई, वो चाहिए, ऐसे अभी सूखा हुआ कपड़े भी लिया तो पिक्चर अच्छी बन जाती है सर। हाँ वो खुद गीला है राइट, और ये कपड़े भी गीले सर, हैं, हाँ जी, नहीं वो गीला नहीं है सर, वो वो नहीं ना उधर ही गीला। खेल रहा था, मैंने देखा, मैं उसको बोला जाके खड़ा रहे उधर, क्लिक कर दिया। ओके ओके ओके, हाँ, सॉरी, मैं एक्चुअली वो मैसेज पढ़ने के लिए छोटा कर रहा हूँ विंडो। अच्छा, हाँ वाह, इसका BTS है देखिए। अच्छा, इसका BTS प्ले करता हूँ मैं। चलो हाँ लास्ट वाला, भैया, सब दोस्तों, एक BTS आ गया यहाँ पर सर का, और वो बस तो आप देखने में रेडी। कोई इंटरेस्ट नहीं सर, BTS देखने में इंटरेस्ट है, ऐसा है सर। हाँ, कौन कौन इंटरेस्टेड है BTS देखने के लिए? तो उन्होंने बस चैट बॉक्स में यस अच्छा वाई और नो, अगर यन कर सकते हैं आप, वाई और यन का यूज कर सकते हैं। कौन कौन इंटरेस्टेड है BTS देखने के लिए? और यहाँ पर क्रिएशन डिजाइन फोटोग्राफी कर कह रहे हैं कि सर मैं भी कराड़ से हूँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और लता जी है यहाँ पर, योर फोटोग्राफी इज ग्रेट, ऑल पिक्स सेज सॉरी, बहुत मैसेजेस आ गए, मैसेज चले गए ऊपर, इंटरेस्टेड स्टोरी, थैंक यू सो मच। ये आई शार्प फोकस के लिए क्या टिप देंगे? ओके, अच्छा, वो उसका उसका रहेगा ग्लास वाला। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन है, यस 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 करके आया, तो चलो अब हम लोग BTS बीटीएस प्ले कर देते, वो जरूरी है, बहुत देर हो गई BTS प्ले करने में। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि BTS को बहुत बारकाई से देखे, प्रिपरेशन कैसा है, वो सर खुद प्रिपेयर कर रहे हैं बेबी को, और देखिए ये भी प्रिपरेशन खुद कर रहे हैं। ये बच्चे का जो ये था ना ब्लैक बोर्ड स्टडी करने के लिए बोर्ड हाँ यूज हाँ किया। अच्छा, बैकग्राउंड में उसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया मिला है, इंटरेस्टिंग। देखिए कितना स्पेस है, ये भी देखना है सभी को कि कितना स्पेस में सर शूट कर रहे हैं, कितना लाइट्स यूज कर रहे हैं, और किस तरीके से लाइट यूज कर रहे हैं, क्योंकि BTS मतलब सब कुछ आ गया। और गर्मी का सीजन था, बहुत गर्मी हो रहा था सर, सोचा और कि आप बीच तो में मुंबई आके में पूछ में, लिया आप तो मुंबई में, और ठीक भी देखिए ये यहाँ पर फिनिशिंग हो रही है। है। ओके, ये हो गया शायद, हाँ जी फिर से एक बार प्ले कर देता हूँ, फटाफट एक बार देख लीजिए सभी, और मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बारकाई या देखे, डॉगी भी है वहां पर, वो भी एंजॉय करता है सर के साथ शूट करते समय, बीच में एक डॉगी का भी देखा था यस, पोर्ट्रेट। उसका भी शूट है, बहुत सारा शूट है मेरे पास उसका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई लिमिटेशन अपने आप नहीं रखना है, खुल के काम करना है, जो है अपने पास वो सबसे दुनिया का बेस्ट अपने पास टूल है, यही जानना है आज के सेशन से, क्योंकि कई बार मेरे साथ सभी ऐसे हो सकते हैं कि कई बार हम लोग बहुत अलग सोच में चले जाते हैं, और हमें लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा महंगा कैमरा ले लेते, लेंस ले लेते, लाइट चाहिए बहुत सी, बहुत स्पेस चाहिए, तो ही हम लोग सब कुछ कर पाते हैं। तो यहाँ पर राकेश सर का ये जो भी बिहाइंड द स्टोरी है, सीन है, हमें बहुत कुछ बता रहा है, और इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते। सो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ओके, तो ये तीनों भी BTS अभी हमारे खत्म हो चुके हैं, और मैं बढ़ता हूँ सेशन की तरफ आगे, हाँ, जो भी आगे एक BTS करेंगे तो हम लोग आगे दिखाएंगे। जी ये तीनों BTS में निकाल देता हूँ, तीनों फिर और ऐड करता हूँ, ठीक है सर? ठीक जी जी सर, जी सर, है तब तक सर, मैं कुछ एक अनाउंसमेंट है तो वो कर लेता हूँ, तब तक हाँ आप जी वो हाँ जी ऐड हाँ कर जी, कीजिए कीजिए। सर, जस्ट अ मिनट। सो आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, और इससे पहले परसों फूड फोटोग्राफी पर हमारा सेशन हुआ था सम्माननीय विकास शिंदे सर का, जो कि बहुत जाने माने फूड फोटोग्राफर है, प्रोडक्ट फोटोग्राफर है, बहुत अमेजिंग आपका रिस्पॉन्स रहा है। अगर आपको लगता है कि वो सेशन भी
और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए आज का सेशन भी, और आपके दोस्तों के साथ फोटोग्राफी ग्रुप्स में शेयर करना चाहिए। तो आप नीचे शेयर का बटन है, वहाँ से लिंक कॉपी कर कर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक से हमें इंटरेस्ट आएगा और ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और बेहतरीन हम लोग सेशन आगे लेके आने के लिए आपका हमें ये एनर्जी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही एक दवाई है हमारे लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करें। और जिन अपने पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर किसी ने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी आप पिन कीजिए, क्योंकि आगे का जो सेशन आने वाला है डे आफ्टर टुमारो, हम लोग डे आफ्टर टुमारो सेशन कर रहे हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ज़्यादातर कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग है। अभिषेक शेलार सर का सेशन होने वाला है, इंट्रो ऑफ लाइट रूम। सो लाइट रूम का इंट्रो के बारे में वो सेशन रहेगा, जो कि लाइट रूम आज बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सभी, और लाइट रूम का इंट्रो अगर जो बेसिक्स जानना चाहते हैं या वो किस तरीके से यूज़ होता है लाइट रूम, तो आप परसों 4 बजे ज्वाइन हो जाइए। और फर्स्ट जो हमारा सेशन हुआ था रोशन ठाकुर जी का, रोशन ठाकुर सर का, प्री लाइटिंग पर था वो, स्पेशली लाइटिंग पर, तो वहाँ पर लाइटिंग के बारे में बातें की थी, लाइटिंग के बहुत बारीकियों के साथ रोशन जी ने बताया था। कल जो बातें हुई थी वो फूड फोटोग्राफी पर थी, और आज सर जो दिखा रहे विथ BTS वो है पोर्ट्रेट्स के बारे में। यहाँ पर सब फेसेस हम लोग देख पा रहे हैं, और BTS से हम लोग उसकी लाइटिंग, टेक्सचर, प्लानिंग, प्रोडक्शन सब कुछ देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत एक अमेजिंग यहाँ पर हमें मौका मिला, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर के पास बहुत खजाना बाकी है, बहुत BTS बाकी है, जो कि मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए यही बताऊंगा कि सर सेशन कंटिन्यू करें। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कमेंट भी है कि लव फ्रॉम नेपाल सर, बिग फैन सर, बहुत गजब का सेशन है कह रहे हैं वो। थैंक यू सो मच सर, सुभाष जी आप नेपाल से भी ज्वाइन हो चुके हैं, और एक आपका ही कमेंट मैंने देखा था राज सूर्या जी का कि सर ये तो ट्रेलर है, पिक्चर और बाकी है, राइट? ये तो ट्रेलर ही है, और सर का इतना एनर्जी है कि हम मतलब पार्टिसिपेंट्स थक रहे हैं लेकिन सर नहीं थक रहे, जुड़े रहिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज ओके सर, ये देखिए अभी डेली कैमरा कैरी करने से ऐसे भी पिक्चर अपने आप में आ जाते हैं सर। इंटरेस्टिंग। ये पिक्चर भी मैंने, मेरे एक फ्रेंड की वाइफ है, वो किचन में पिक्चर निकाला हुआ है सर, वो बिल्कुल अवेलेबल लाइट पे निकाला हुआ है। ये पिक्चर भी इंटरेस्टिंग, वही मेरा वाह। बंदा है, अच्छा, उनका नाम बता दीजिए सर, इनका मंथन मंथन रावल, सॉरी मंथन। मंथन, क्या बात हाँ है, क्योंकि उनका नाम लेकर अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे सब्जेक्ट है मंथन जी, और मंथन का क्या मतलब, मंथन का पूरा बचपन भी इतनी खूबसूरती से वो आप ये मतलब इतना पिक्चराइजेशन अमेजिंग तरीके से हो रहा है सर। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जैसे आपके साथ बात करते करते, तो मंथन के आंखों में ही मैं देख पा रहा हूँ, आंखों में सब कुछ दिख रहा है मुझे, जो कि आपकी लूज फ्रेम है, बहुत टाइट फ्रेम भी नहीं है, उनका एक एटीट्यूड भी दिख रहा है वहां पर, पूरा कीचड़ का एक टेक्सचर बहुत अमेजिंग मिला है, और टेक्सचर में भी एक अलग मजा है, लेकिन उनकी जो आंखें बहुत कुछ कह रही है। और सर ये कैसे आपने ये जो कीचड़ में आपने थोड़ा टॉप व्यू से पोर्ट्रेट लिया है, तो ये क्या आपके प्रोसेस रहे वहां पर, आप वो कैसे टैकल करते हैं ये सब चीजों में? एक्चुअल में बारिश बहुत चल रही थी, मेरे को कुछ ऐसा पिक्चर मन में था, सोच भाई कुछ बनाने का भी, तो उसको लिया मैंने, मैं और मेरा वाइफ भी साथ में थी, और उसको लिया मैं, और यहाँ पे थाना में एक सेंट्रल ग्राउंड करके वहाँ पे उसको लेके गए, और बॉल उसको बाद में दिया, पहला बोल तू कीचड़ में जाके खेल ले। तो बोला खेलू, अब मैं गंदा हो जाएगा तो खेल, तो तेरे को जैसा, थोड़ा सा उसके मन की तरह से मैंने उसको जैसा लगे वैसा खेलने दिया, पूरा कीचड़ जो उनका, उसको बॉल भी खेलने के लिए दिया, फिर उसको ऐसा खड़ा कर दिया। और मेरे मेरे पास जो, मैं बाइक से हम लोग दोनों आए थे, तो वो बाइक मैंने मेन स्टैंड पे लगा के मैंने ऊपर से पिक्चर खींचा हुआ, ताकि वो जो बैकग्राउंड में मेरे को कीचड़ मिले। राइट राइट राइट, ओके। और ये आग उसका इतना अट्रैक्टिव होने के कारण कि आग बंद करके उसको मैं बोला खेल। वाह,
तो सर ये जो टॉप व्यू की वजह से जो कीचड़, मतलब वो जो एक डिस्टेंस भी मिला उससे, और एक स्टोरी में मजा आ गया, मतलब ये जो स्टोरी है उनका इंटरेस्टिंग, बैकग्राउंड में कीचड़ है तो उसके लिए तो और पिक्चर में जान आ गई सर। जान आ गई और जान आ गई। और यहाँ पर बहुत कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं। वो जो थोड़ी देर पहले जो आपने टैंक वाला जो फोटो दिखाया था मंथन का, जो अंदर है ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे ये जो ट्यूब करके जो है उन्होंने वही सॉरी भी कह रहे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए जान लेते हैं कि वो बॉय का पोर्ट्रेट था, उसमें आप कोई एक्स्ट्रा लाइट यूज की थी वो या नेचुरल लाइट में था वो? नेचुरल लाइट, लेकिन वो ड्रम है ना एक्चुअल में उससे बड़ा था, तो मैंने क्या किया अंदर एक स्टूल रख दिया मैंने, अच्छा, वो उसके बस खड़ा कर दिया। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। देखिए मैं सभी को एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, जिन्हें भी किसी को अगर मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन करना है, तो मैंने मेरा नंबर शेयर कर दिया है, तो आप मुझे बस व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिए कि ऐड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, और BTS भी देखने आगे, वो क्यूरियसिटी अलग है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेते रहेंगे। वाह इंटरेस्टिंग अभी अमेजिंग। हाँ ये पिक्चर का मेरे पास BTS है सर। जी, मैं उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ कि थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आप पोज किस तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जैसे नेचुरल वे से, अभी एलिमेंट ही ऐसे दो क्रॉस वो पिलर्स, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो पोज ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरती से बन गई, नेचुरल वे से बन गई, और सब कुछ व्हाइट ऑन व्हाइट आ गया, तो चलो क्यूरियोसिटी खत्म कर दें। और थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, ये जो जी पाइप है ना वो मेरे को ऐसा कचरे में मिला हुआ, जो फ्लेक्स का जो पाइप रहते हैं ना, जी 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 हाँ जो फ्लेक्स प्रिंटिंग करते हैं, तो उसका जिसके ऊपर वाइंड अप हुआ रहता है, तो ये पाइप मैं लेके आया और उससे मैंने पिक्चर बनाया। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। जो मराठी में कहते हैं टाकाऊ से टिकाऊ, ऐसा कर दिया मैंने सर। हाँ, राइट, मतलब जो कचरे में जो जा रहा है उसको आपने स्टार बना दिया। चलिए BTS देखते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना। हम सभी को देखना है इसमें कि किस तरह से ऐसे पोजिंग की गई, प्लानिंग की गई, प्रिपरेशन की गया वहाँ पर, स्पेस भी इससे पता चल रहा है हमें कितनी स्पेस है, जो लाइट का स्टैंड दिख रहा है हमें, तो लाइट के स्टैंड से भी सब कुछ पता चल रहा है, लाइट का डायरेक्शन क्या है, और रिफ्लेक्टर का यूज़ देख लीजिए सभी कि रिफ्लेक्टर का यूज़ कितना बढ़िया सर कर रहे हैं यहाँ पर। मैं फिर से एक बार प्ले करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये BTS है हमारे लिए, जो कि ये BTS सर हमारे जो यहाँ के गुरुवर्य पराग शिंदे सर है, वो बहुत खूबसूरत मराठी में इसके साथ लिखते हैं, उनका मराठी में लिखना बहुत खूबसूरत होता है, उसके साथ ये BTS हमें देखने मिलते हैं यहाँ पर हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आज सर खुद यहाँ पर दिखा रहे हैं बड़े स्क्रीन पर, तो और ये यूट्यूब पर ये लिंक रहेगी, आप बार बार जाकर देखिए, उसको पॉज कीजिए, उसको जानिए, और तुरंत ये इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए ताकि आपके रिजल्ट्स भी आपको मिलने लगे। जनरली जैसे हम लोग सिंगल लाइट यूज करते हैं फ्रंट से, बटरफ्लाई लाइट करते समय भी करते हैं, उस टाइप में सर ने किया है, आर्ट डायरेक्शन उन्होंने खुद ने किया है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और ये रहा रिजल्ट, तो आप बताइए सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स, अभी 129 पार्टिसिपेंट्स है, क्या आपको ये सेशन में मजा आ रहा है, येस और नो प्लीज आप थोड़ा सा टाइप कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे चल रहे हैं अभी, क्वेश्चंस का भी जरूरी नहीं लग रहा है मुझे BTS के बाद, सर का काम ही देखने में ये है, ये एक बात अमोल विधाते जी कर रहे हैं कि रोशनी को समझना है तो परछाई का पीछा करो, द ग्रेट गौतम राजाध्यक्ष सर, और पोर्ट्रेट के बारे में बात की जाए तो गौतम सर की याद ना आए तो क्या है, और राकेश सर ने भी उनकी याद की थी थोड़ी देर पहले कि फेसेस जो बुक है वही रेफर करें, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस पिक्चर को जाने BTS देखने के बाद, और सभी वाई वाई वाई, यस यस यस, वेरी नाइस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आपका ये जो रिस्पॉन्स है, तो ये यही आर्टिस्ट को क्या है ना कि इससे खुशी मिलती है, काम दिखाने की भूख ज्यादा रहती है।
यस और सर इसके आगे बाद, बोलता हूँ। मैंने वहां पे भी और एक पिक्चर किया हुआ है। हेलो, यस सर, यस सर, आप बताइए सर। हाँ, और एक पिक्चर मैंने इसके बाद किया हुआ है। देखिए, जो ऊपर क्लिप दिखाई दिया था ना, तो उसका यूटिलाइज भी देखिए मैंने कैसा किया हुआ है सर। ये मैंने मेरे कराड़ के फ्लैट में किया हुआ पिक्चर शूट सर। अच्छा, वाओ, इंटरेस्टिंग। वो जो BTS में जो दिख रहा था वहां पर, ये दो क्लिप्स दिख रही थी और उसका ये यूज है। सो मुझे लगता है कि वो देखने वाले का नजरिया क्या है, उसके ऊपर स्टोरी बनती है। वैसे हम क्या चीज को कैसे देख रहे हैं और फिर उसका यूज, उसका रिदम कैसे पकड़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। और ये भी हाई की पिक्चर है, व्हाइट ऑन व्हाइट, और पूरा कंट्रोल दिख रहा है हमें, सब कुछ डिटेलिंग भी दिख रही है यहाँ पर पूरी। ठीक वाह, है, हाँ, ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। ओके। ये पिक्चर भी मैंने कराड़ के फ्लैट के बाहर निकाला हुआ पिक्चर है। ये भी मेरा अवार्ड विन पिक्चर है ये। वाह, ये आ गया अब मोनोक्रोमेटिक में हम लोग। और रेड का भी एक अलग मजा है एक्चुअली। रेड रेड को आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, अमेजिंग है। जिसे हम लोग और लीडिंग वो लाइट, व्हाइट पाइप था ना, उसको भी मैंने ब्लैक पेंट किया हुआ है सर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जहां पर हमें, मतलब वो सोच रखनी जरूरी है कि किस तरीके से पोस्ट प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि बस फोटो हो गया और थोड़ा जल्दबाजी, क्योंकि कई बार सर मेरे से भी ये गलती बहुत होती है कि कुछ पिक्चर करें और बहुत जल्दबाजी होती है कि भाई उसको पहले कैसे फटाफट एडिट करें और कैसे पहले प्रेजेंट करें। तो नहीं, मुझे उसका लगता है कि उससे उधर ही गलती हो जाती है सर। हाँ, मेन गलती मेरी तो उधर ही हो जाती है कि भाई इसको कैसे जल्द से जल्द वो पेशेंस खत्म करके उसको एडिट कर दे और आगे निकले। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कुछ क्वेश्चंस अगर इसके अकॉर्डिंग है तो हम ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है। और किसी के मन में कुछ क्वेश्चन, फैंटेस्टिक सेशन सर, लर्निंग लॉट, थैंक यू सो मच। हमारी तीसरी आंख खुल गई, क्या बात है। अजीत सर कह रहे हैं उड़ीसा से, हमारी तीसरी आंख खुल गई, थैंक्स लॉट। अब बंद मत होने दीजिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक फैंटेस्टिक सेशन सर, थैंक यू सो मच। सब बहुत खूब और बहुत अच्छा कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, मैं पढ़ने से अच्छा की शो कर देता हूँ। अच्छा, अवार्ड में पार्टिसिपेंट कैसे करें, वो थोड़ा सा हो गया सर इससे पहले। आप एक बार सेशन पहले फिर से थोड़ा सा देख लीजिए पीछे जाकर, और गूगल पर जाकर सर्च कीजिए। बहुत से अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हो रहा है, कॉम्पिटिशन्स का बेसिकली। और बस आज का सेशन बार 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 देखिए, और उससे जो निकलना है आपको, जो लेना है, वो मंथन कीजिए आज, क्योंकि मंथन ही मॉडल है इसमें। तो ये मंथन आज हो जाए। ओके, आई थिंक सर को ये भी क्वेश्चंस उतना मजा नहीं देगा, फिर भी मैं ले लेता हूँ कि इंडोर और आउटडोर में आप कौन से लाइट यूज करते हैं। आउटडोर के लिए कोई फ्लैश यूज करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे को जरूरत नहीं लगती है सर। बहुत कम मैं बाहर फ्लैश यूज करता हूँ, ना के बराबर। ये कर्नाटका से है श्रीनाथ जी, सबसे बढ़िया सेशन सर जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन, थैंक यू। आप सभी ने ज्वाइन किया, अभी आगे बहुत कुछ है, आगे BTS भी बहुत कुछ है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अमेजिंग, और पिक्चर्स देखने, पोर्ट्रेट्स देखने हमें। यस सर, वाह, ये आगे कलर, सभी ये आगे ये पिक्चर कलर्स, मैंने वारी में खींचा है सर। वाह, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सर। मेरे भी अभी कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे यहाँ लाइब्रेरी पर, कलर RGB। आप थोड़ा स्टोरी बता दीजिए पिक्चर का, फिर कुछ क्वेश्चंस मेरे भी बन रहे हैं यहाँ पर अभी। जैसे ये लो कैमरा एंगल पिक्चर है, तो उनका जो, मतलब स्काई जहाँ पर लिया गया है, तो उनका पूरा, इसके लिए मैं लो, नहीं, मैं लिया ही लो का एंगल से, ताकि मेरे को स्काई बैकग्राउंड मिल जाएगा थोड़ा सा ऐसा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सोच ही जाननी है कि वो उससे बहुत, मतलब बड़ा हो गया ये कैनवास, उसे बहुत खुल गया कैनवास ये। हाँ और ब्रो, सर कलर ये कितने जो, अच्छे लगेंगे सर उसके, बहुत राइट, बढ़िया। क्योंकि बैकग्राउंड में जब सर आपने ये क्लाउड्स और ये स्काई जो है ग्रे स्केल में जो है उसका यूज किया, जो कि वो कलर्स को और उभर के ला रहा है आगे, हाँ, फ्लैट नहीं हो रहा है पीछे सर। राइट। और सेकंड थिंग, थोड़ा सा मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की, कि
सर इतना कलर्स का परफेक्शन कैसे है आपके पिक्चर में? क्योंकि अब इतना इतना एक ये जो कलर्स है, जितना मैं कलर्स को जानता हूँ, 7 साल मैंने इसका स्टडी किया है, तो ये जो कलर्स की जो एक्चुअल उनका जो कलर का वैल्यू है वो एज इट इज मेंटेन करना उसको, जैसे उनका स्किन टोन में मैं देख पा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं उनको हाथ लगा सकता हूँ, इतना इतना लाइव पोर्ट्रेट है ये कि ऐसा लगा कि उनको मैं छू सकता हूँ, इतनी जान है इस पोर्ट्रेट में। तो थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग और जानना चाहेंगे सर हम लोग इसमें। सर देखिए, पहली बात तो ये आरजीबी जो कलर्स है ना, उसका पहले मैंने उसको जो एनहांस किया ना, तो इसका हर एक का जो इन्फो चेक करके मैंने पिक्चर बनाया हुआ सर। जो आरजीबी की भी वैल्यू रहती है ना, जैसे इन्फो में दिखाई देते हैं रेड 299, ग्रीन 0, ब्लू 0, तो वो हिसाब से देख के मैंने इसको एडिट किया हुआ सर, ओके ओके, एनहांस किया हुआ है। क्योंकि इसमें जो उसकी लाइट, उसकी शेडोज, तो जैसे थोड़ा डिटेलिंग मैं भी बताऊंगा यहाँ पर सभी मेरे दोस्तों को, कि जब हम लोग ऐसे पोर्ट्रेट देखते हैं, इतना अगर उसमें डिटेलिंग बनाया गया है, तो देखिए शेडोज जब लोग हम लोग देखते हैं ना, लाइट और शेडो, तो ये ग्रीन की जो शेडो आप देखेंगे ना, तो पूरा ग्रीन का ही स्केल है वहां पर। मतलब जैसे हम लोग टिन टोन शेड देखते हैं, तो हमें क्या लगता है, शेडो मतलब ब्लैक। तो हर कलर का आइडेंटिटी उसमें होना जरूरी रहता है, तो वो उतना कॉन्ट्रास्ट ना हो जाए कि उसका जो आइडेंटिटी है, उसका जो वैल्यू है, वही निकल जाए उसमें से। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ब्लू का शेडो ब्लूइश है, रेड का शेडो रेडिश है, ग्रीन का शेडो ग्रीनिश है, ब्राउन का ब्राउनिश है। अगर ब्राउन का सबका ब्लैक होता था, तो ये पिक्चर में ये जान आती नहीं थी। और किसी का कास्ट स्किन के अंदर नहीं आया उस हाँ, किसी का भी कास्ट हाँ, स्किन ये ज्यादा जान, इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो दिक्कत आ जाती है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पिक्चर में तो मतलब एक पूरा सेशन ही हो जाता था इसमें। ये कलरफुल नहीं, क्या हुआ कि आज के सेशन में जैसे अभी आ गया व्हाइट ऑन व्हाइट, तो कलर स्कीम पर, मतलब कलर्स को देखे तो एक अलग कलर्स का महत्व अभी समझ में आने लगा। व्हाइट ऑन व्हाइट देखा और वो कलरफुल देखा। हाँ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ये भी मेरा वाह, अवार्ड विन पिक्चर है मेरा, बहुत डिटेलिंग, बहुत बहुत कंट्रोल है इसमें, बहुत कंट्रोल है। ये इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है, बेस्ट पोर्ट्रेट करके अवार्डेड है। वाह, बहुत बार का ही है इसमें, और हर एक का वो वैल्यू को इंपॉर्टेंस दिया गया है, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग उधर भी लॉस कुछ कर रहे लॉस हैं। नहीं हो रहा है सर ऐसा। राइट, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, हर टेक्सचर को संभाला गया है। और मुझे अच्छा लगता है जैसे कंपटीशन में भी अगर हम लोग पिक्चर के बारे में, कई हमारे दोस्त बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कंपटीशन में ये तो सब देखा जाएगा ना, कि आपने कहाँ पे क्या लॉस कर दिया है, कहाँ पे सवाल ही आप नहीं सर। आईक्यू में काम कर रहे हैं और आपका टेक्सचर गायब है। सब लोग यही पूछ रहे कंपटीशन कहाँ पे रहते हैं, किधर रहते हैं, बट तो कंपटीशन में जाने के लिए पिक्चर कितना स्ट्रांग होना चाहिए सर। राइट राइट राइट, क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सर मैं एक सभी को एक थोड़ा फटाक से बताना चाहता हूँ, कि जब मैंने सर का सेशन के लिए जो पिक्चर आए मुझे सर के, एक हाई की में और एक रेड रेड ऑन रेड पे मोनोक्रोमेटिक, मैंने जब वो पोस्टर बनाने के लिए लिया ना, तब मैं मतलब मैं बना ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ना मैं इतना मतलब सर सर से मैंने ये भी किया, क्योंकि मैं थक गया था। मैं खुद डिजाइनर हूँ, मैं खुद कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, उसका रीजन बताता हूँ मैं। जैसे अगर ये पिक्चर मुझे दिया गया, तो इसमें मैं कोई भी मतलब टाइपोग्राफिकल जो होता है, मतलब कुछ टाइप करना है वहां पर, कुछ लेटरिंग लेना है, तो मैं हर टाइम वहां पर जो लेता था, तो मुझे लगता था कि मैं पिक्चर को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ताकि वो पोस्टर था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि वो पिक्चर को इंसल्ट हो रहा है, मतलब पिक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं थक गया लिटरली, और मैंने कोई एक बना के दे दिया, फिर सर बोले दोनों फोटो यूज करो, तब मेरा दिमाग काम किया। उसका बात बताता हूँ कि कहीं पर भी मैं उसको उस पर ओवरलैप नहीं, मैं मेरा भी वहां पे फोटो यूज करते समय इतना मैं खुद थक गया था कि भाई अब यहाँ पे करना पड़ रहा है, लेकिन मैं उसमें नाराज हूँ खुद से, कि मैं यूज, ये उसका ऐसा रीजन ये है कि पिक्चर में जब इतनी बातें हैं, अगर एक भी नॉर्मल एक डॉट भी उसको डिस्टर्ब कर सकता है, इतना वहां पर सर ने वहां पर काम किया है। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब सर के साथ हम लोग मिले और जब उन्होंने आईपैड पर पिक्चर्स ओपन की थी,
और जिस तरीके से सर उसमें इन्वॉल्व होकर बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, लिटरली हम लोग हैरान थे कि क्या सोच हो सकती है, कितना फिनिशिंग हो सकता है, कितना डिटेलिंग हो सकता है। और ये तो हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन इस तरीके से देख रहे हैं, मैंने जब वो ओरिजिनल पिक्चर देखी तो उसको कितना एनलार्ज करे लेकिन उसका एक पिक्सल इधर का उधर नहीं हो रहा था, इतना शार्पनेस उसमें संभाला गया था सर। तो थोड़ा उसके बारे में एक बेसिक बताइए सर सिर्फ हमें, कि वो हमें संभालना कितना जरूरी है। देखिए, मैं तो पहली बात ये जानना ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना मेहनत करके पिक्चर जो खींचते हैं तो ट्राई करो ना कि कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए उसमें। तो उसका जो ग्रेडिएशन, उसका टोनलिटी, वो मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट, भी मैं ये वर्ड से समझा नहीं पा सकता हूँ ऐसे। जी 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 राइट राइट, वो तो है। अभी मैं बोल भी रहा कुछ ना तो भी मेरे को एडिटिंग करते समय तो मैं उसके अंदर घुसते जाता हूँ, ऐसा होता है। राइट राइट, लेकिन उसको आप मेंटेन बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब पेशेंटली मेंटेन करते हैं कि भाई वो और एग्जैक्टली तभी तो अवार्ड मिलते हैं, और ये कोई आम बात नहीं है। 280 प्लस अवार्ड्स है, जो अभी मेरे साथी जुड़े सर को 280 प्लस इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स है। और सर एक्चुअली इतनी बातें नहीं करते, मतलब मैंने आज सर से शायद आज तक के इसमें सबसे ज़्यादा बातें आज की है, सर की पिक्चर से बातें करती है। तो हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि कई सारे पिक्चर्स और भी बाकी है, और BTS बाकी है, हमें बियॉन्ड द सीन्स देखने हैं। वाओ, अमेजिंग सब्जेक्ट है, अमेजिंग। इसमें पूरी लाइफ है सर, पूरी लाइफ दिखा दी आपने उनकी लाइफ है। कलर्स कितने देखे सर, बैंगल्स कमाल, और हर कलर का अपने आप एक किरदार है, और वो आपने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया, छोटे से छोटे कलर का भी एरिया को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। वो रेड कलर भी इतना खूबसूरती से उसकी तरफ खींच रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा है हमें, वो तुरंत वहां से हम लोग उसके उनके फेस की तरफ जा रहे हैं। सर इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ये जी, मेरे को मैसा में स्टूडियो में जा रहा था, तभी एक जगह पे मेरे को दिखा है बंदा, तो मैं बोला हमारे घर में चूड़िया पहनने का है, तो बोला किधर है, किधर भी तो कुछ नहीं, बैठो गाड़ी पे, गाड़ी पे बैठ के मैं उनको लेके जाए घर पे। अच्छा, ओके। घर वालों को बुलाया, बोलो ये बैंगल्स डालो, अरे क्या फंक्शन नहीं कुछ नहीं क्या डालो, और ये कैसा मिस, घर वाले बोलते हैं कि एक्चुअली क्या रहता है मेरे को भी नहीं मालूम, कि वो ये किनको लेके आया बैंगल्स भरने वाले को, नहीं अरे अभी तो भरे थे हम लोगों ने, इसके शादी में पहने थे, उसके नहीं भरो, जो भी कुछ पहनना है पहनो, उसको मैं 100-200 रुपये दे दिया, और बोला आपका फोटो निकाल को चाचा निकाल, दो तीन फोटो खींचे, अच्छा लगा तो लगा। ऐसा बढ़िया ट्रिक है सर, ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई कि भाई उनको भी, मतलब उनका जो प्रोफेशन है या उनका भी जो भी बिजनेस है उसको भी आपने रिस्पेक्ट दी कि भाई आप चलो वो भी करो और फिर मुझे फोटो भी चाहिए आपके, तो जो जो भी आपके 200-300 रुपए बनते हैं बैंगल्स के वो भी ले लो और मुझे पोर्ट्रेट। नहीं तो बैंगल्स का अपना क्या लेने देने सर। राइट है, और उनका 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 समय भी उतना जाता है, तो ये एक सेटिस्फैक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस पिक्चर, इस मतलब वो हर कोई पिक्चर में हम लोग एक सेशन कर सकते हैं, ऐसी बातें। इसमें ग्राफिक भी है सर, देखो ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, पूरा। हाँ, वो ट्रायंगल ने तो पूरा मतलब स्टोरी रख दिया है उनके सामने, और वो कंधे पे उनके, वो भी कंधे पे उनके, पूरा ध्यान आपको उधर लेके जाएगा सर, पूरा ध्यान जाएगा, वो लीडिंग लाइन भी बन रहा है, हाथ हाथ का पूरा वो बता रहा है, ये लाइफ है पूरी। हाँ। मतलब एक बैंगल वाले की पूरी लाइफ है इसमें, और उनके आंखों में और फेस एक्सप्रेशन में इतना इतना कुछ कह रहे हैं वो, उनकी जो मतलब वो दाढ़ी का हर बाल भी दिख रहा है डिटेलिंग के साथ। बहुत अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, ये एक्सपीरियंस है सर, ये एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ पिक्चर देखना भी नहीं है, ये पूरा एक्सपीरियंस है। वाओ, लॉकडाउन। ये कलर भी बहुत अच्छा बात करे यहाँ पर, मतलब कलर बहुत बहुत बातें करते, कलर से बहुत कुछ हम लोग बताते, कलर्स बता रहे लॉकडाउन और उसका इंटेंसिटी बता रहे बच्चों के, वो हाथ के शेप्स उसकी लाइंस बता रही है कि मतलब वो वर्टिकल और वो हॉरिजॉन्टल लाइन को तोड़ रहे वहां पर। और मैं एक बच्चे एक का फोटो खींचना चाहा तो उसके साथ में वो भी आ गई, तो बोला चलो और अच्छा हो गया वो पिक्चर में थोड़ा सा, और बैलेंस हो गया सब। और उनके 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 वो फ्रॉक पे भी बहुत अच्छे ये ग्राफिक्स है,
कलर्स भी बहुत बढ़िया है। और अभी अभी मैं थोड़ा सा बात करूंगा इस पर कि देखिए, जो भी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, कॉम्पोजिशन पे बात कर रहे थे, कलर स्कीम पर बात कर रहे थे, तो देखिए सर कैसे सोचते हैं ना, उस सोच को अभी हम लोग 2 घंटा भी हो चुका है, शार्प 4 o'clock सर ने सेशन स्टार्ट किया है। सर आप थोड़ा चाय कॉफी भी ले लीजिए बीच में, 6:34 हुआ है, अभी 2.5 घंटा सर हमारे साथ कंटिन्यू बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा बात करूंगा इस पर कि अभी के पोर्ट्रेट्स में हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे देखिए वो जो भी एंट्री छोटा सा गेट रहेगा साइड में, वो जो भी वॉल और वो टेक्सचर है, तो सर ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया कि सिर्फ दोनों का ही टाइट कंपोज कर दिया, उन्होंने क्या किया है, इवनली साइड से भी फ्रेमिंग दे दिया है इसको, इसको फ्रेमिंग कह सकते हैं हम लोग, जो साइड से भी स्पेस छोड़ा है, उस स्पेस की वजह से इतनी डेप्थ मिल गई पिक्चर में, और वो रेड कलर का जो एक एलिमेंट है हमारे लिए, उसको और प्रोमिनेंस मिल गया, उसको और महत्व आ गया। अगर वो टाइट कंपोज करते थे तो शायद हम लोग इतना गहराई में नहीं जा सकते थे, हम लोग ऊपर ऊपर देखते थे पोर्ट्रेट। तो कंपोजिशन कैसे करना है कि आप क्या देख रहे हैं वहां पर, आपका एलिमेंट क्या है, उसके शेप्स क्या है, उसकी लाइंस क्या है। तो मुझे लगता है इस कंपोजिशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इससे और ज्यादा नहीं हो सकता, जो देख के समझ सकते हैं अभी। थैंक यू सो मच सर। कुछ क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ फटाफट, अभी थोड़ा स्पीड भी देंगे हम लोग आप, क्योंकि 2.5 घंटा हो गया है। नहीं कोई बात नहीं, आप इतने दिल से ये सब दे रहे। यहाँ पे श्रीनाथ सर कह रहे हैं कि सर प्लीज अरेंज 1 more सेशन विथ राकेश रावल सर। श्रीनाथ सर हम लोग डेफिनेटली अरेंज करेंगे, लेकिन फोटो राकेश रावल सर के नहीं रहेंगे, आपके होने चाहिए, आप लोगों के होने चाहिए। मेरे WhatsApp पे फोटोज डॉक्यूमेंट फाइल में भेज दीजिए, प्रॉपर काम करके, जैसे राकेश सर ने जो सोच रखी है वैसे काम कीजिए, तो राकेश सर का सेशन सक्सेस हो जाएगा। तो ये आज का सब सक्सेस हो जाएगा समय। आगे कोई हाई पास करते हैं, ओके बालराज सर यहाँ पर कह रहे हैं कि सर पिक्चर हाई पास करते हैं क्या आप फोटोशॉप में? नहीं, हाई पास नहीं करते, नहीं करते। डन, आपके पिक्चर पेंटिंग जैसे दिखते हैं सर, शिवम फोटोज कह रहे हैं। थैंक यू, तो ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली। संतोष जी कह रहे हैं यहाँ पर कि फैंटेस्टिक सेशन सर, लर्निंग लॉट्स, थैंक यू सो मच सर। संतोष सर हम लोग आगे और बढ़ते हैं, आगे के पिक्चर देखते हैं, फिर अगर कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग वो भी ले लेंगे। ये पिक्चर अभी हाल ही में मैंने खींचा हुआ है, इसका भी BTS है मेरे पास सर, BTS स्पीकिंग सर। यस सर, ओके एक मिनट इंडस्ट्री। अच्छा ये पिक्चर के बारे में बात कर रहे थे सूर्या जी? हाँ शायद यही है। ओके ये सेकंड वाला ना सर BTS? हाँ सेकंड वाला, यस। BTS को प्रॉपर देखे और मैं कमेंट्री करूंगा बीच बीच में। ये देखिए मंथन है क्या ये? हाँ ये मंथन ही है। ग्रेट, अभी ये पूरा डिटेल देखिए, दो बार मैं दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन प्रॉपर देखिए कि कौन से चीज से क्या हो सकता है, किस तरीके से पूरी फैमिली इन्वॉल्व है और कितना एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, वो एंजॉय भी कर रहे हैं। और सर के BTS के लिए तो जितना थैंक्स कहे उतना कम है, क्योंकि इससे सब कुछ पता चल रहा है। थैंक यू सो मच, ग्रेट। लिमिटेड स्पेस में एक ही लाइट के साथ पूरे फैमिली के साथ, और एक विजुअल किया सर ने, और इस विजुअल को हमारे सामने रखा है। वाव वाव, सिर्फ वाव कह सकता हूं मैं तो। यूज ऑफ रेड कलर, वो तो मतलब आप मतलब रेड कलर देखे तो अभी राकेश सर दिखेंगे मुझे तो। और रेड का जो वैल्यू आप मेंटेन करते ना सर, वो बहुत अमेजिंग है, उसको नो वर्ड्स। हमें देखना है किस तरीके से प्लान किया गया और किस तरीके से वो अरेंज किया गया, इसको आर्ट डायरेक्शन करेंगे हम लोग की आर्ट डायरेक्शन किस तरीके से की गई है, और उसके अकॉर्डिंग सिंगल लाइट से उन्होंने लाइट डायरेक्शन क्या रखा है वो भी हम लोग देखेंगे। और ये देखिए टॉप एंगल लेने के लिए देखिए सर ने कैसा इक्विपमेंट्स यूज किए हैं, और एक 2x2 का सॉफ्ट बॉक्स यूज किया, राइट? सो मुझे लगता है कि किट के साथ मिलता है 2x2, जो कि नया भी लेना चाहिए आपको।
और सर मतलब कैमरा व्यू इसका स्क्रीन का यूज किया सर ने, जो कि तो आप जब लोग और उन्हें नहीं जा सकते मैं सर सर एक्चुअली एक्चुअल एंगल लेने के लिए उन्होंने स्क्रीन का भी यूज कर लिया है। तो आई थिंक सो इसके अकॉर्डिंग कुछ, अगर मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो आपने व्हाइट रेड और रेड को भी ब्लैक हेयर्स पर जब कॉम्बिनेशन किया, तो ऑलरेडी वो एक अमेजिंग उसका लुक मिला, उनकी लिपस्टिक और उनका नेल पेंट। सो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बैलेंस रखना पड़ेगा कि नेल पेंट भी अगर कुछ अलग कलर की होती थी तो पूरा पिक्चर चला खत्म जाता। होता है यहाँ पर। और सर ये जो रैपर है वो मैंने अभी नया फ्लैट लिया तो उधर फर्नीचर लिया तो उसका रैपर मैंने उसके उसके ऊपर क्लिक किया है सर। क्या बात है, मतलब करने वाला, मतलब देखने वाला चाहिए, सोचने वाला चाहिए, विजुअल करने वाला चाहिए, तो उसमें से वो बहुत कुछ बना सकता है। थैंक यू करेक्ट सो सर। मच, इट्स जस्ट अमेजिंग। अब इंतजार करेंगे हम लोग क्या और पिक्चर आते हैं, मैं भी उसमें हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। बहुत, ये तो अभी लेटेस्ट ही है ना सर, आई थिंक हाँ जी लेट्स सी लेट्स सी। ये बहुत लेटेस्ट है अभी। 24th एक्चुअल में ये 24th अप्रैल में खींचा था मैंने कि जो 25th को उसका बर्थडे था तो बर्थडे के अच्छा, पहले उसके लिए खींचा था मैंने सर वीडियो। एक एक महीना ही हुआ है, हाँ और जी देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि लॉकडाउन का अगर हमें यूज करना ही है, मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव मौका मिला, लेकिन नेगेटिव मौके को भी अगर वो, मतलब ये पिक्चर बता रहा है कि भाई होने दो लॉकडाउन, हम उससे भी मतलब बहुत कुछ बनाएंगे, और मुझे बहुत भरोसा है कि ये पिक्चर बहुत अवार्ड्स लेकर आएगा थैंक यू। डेफिनेटली। ड्रामेटिक ये भी ये सिर्फ घर पे निकाला हुआ है और टॉप व्यू से निकाला हुआ है सर। सही है, और आपका जो लाइटिंग का जो तरीका है उससे थोड़ा मुझे अलग फील दे रहा है अभी ये, अब हाँ ये अलग डायरेक्शन है उसका, एक इंटेंसिटी अलग कुछ बता रहा है यहाँ पर। हाँ ये मैंने आर्टिफिशियल लाइट यूज किया हुआ है इसको। हाँ वाह, और वो पेड बिल्कुल रुकता ही नहीं था, वो जंप मार के ऊपर से उससे चला जाता था, उसको पकड़ने का भी फील एकदम लाइटली पकड़ ऐसा बोल बोल के उसके बहुत पिक्चर क्लिक होने का भी पिक्चर मेरे को मिला हुआ है सर, क्लिक किया हुआ। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बढ़िया। और पेट का भी इतना इतना अमेजिंग एक्सप्रेशन है वो, इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हम लोग। ये भी मैंने दुनिया में खींचा हुआ है सर। भाभी जी का बर्थडे गिफ्ट था वो, राज सर को पता था ये, इसलिए वो बार बार वहाँ ये पर कर रहे थे, ये धुलिया में खींचा है, अमेजिंग। मैं एक आश्रम में गया था तभी ऐसे ही कैमरा लेके घूम रहा था मैं, तो वो लड़का रियली पूछने के लिए कौन चाहिए, तभी मैं बोला रुक रुक दो, मैं फिर फोटो खींचा फिर बाद में अंदर चला गया। नहीं, इसका इसमें इसमें वो जो डोर का भी जो हर एक डिटेल टेक्सचर जो दिख रहा है यहाँ पर, हाँ मतलब हर वो बारीक लाइंस को और टेक्सचर्स को हम लोग जान रहे हैं, तो उससे और वो इंटेंट हो गया पिक्चर, और खाली उसमें टेक्सचर था ही तो इसलिए खाली सब्जेक्ट का ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि वो जो टेक्सचर देख के और उसके उसके बीच में जो ह्यूमन एलिमेंट्स है तो उससे तो पिक्चर को जाना भी सर। जाना थी, और कंपोजिशन तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बताने की जरूरत है, फिर भी अगर कोई बिगिनर है तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, ऊपर जो ब्लैक जितना एरिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है इस पिक्चर का, अगर वो ब्लैक एरिया अगर नहीं होता था ना तो पिक्चर फिर से फ्लैट होता था, या फिर वो जो स्पेस बनी है वो बच्चे की स्टोरी है एक्चुअली, क्योंकि ना ये आर्टिस्ट मतलब जब सोचते हैं वो, उनकी डेप्थ उतनी एक्सपीरियंस आती है, तो ब्लैक एरिया को बहुत ज्यादा महत्व है, और इसीलिए वो उनका फेस इतना उभर के बाहर आया है और इतना इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हुआ है। तो स्पेस को यूज करना है हमें, पॉजिटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस, या फिर वो जो ब्रीदिंग स्पेस भी कहते हैं हम लोग। यस सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी देखिए थोड़ा सा मैं ये जो अब्रॉड की पिक्चर देखते हैं ना बाहर के अपन, तो उस टाइप में करने का ट्राई किया हुआ है सर ने, थोड़ा सा विंटेज लुक देखिए, थोड़ा जैसे बीच में कहा से किसी ने पूछा था ना मेरे को। हाँ, विंटेज और मॉडर्न, हाँ उनका उनका भी क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था ही, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ये वर्ड्स गूगल पर भी आते हैं फोटोग्राफी सर्च करने के बाद, यस और यस सर कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग कि भाई ये विंटेज किस टाइप में करे। अब जैसे पुणे में अगर हम लोग हैं, तो पुणे का जो यहाँ पर वाड़ा संस्कृति है, और वो जो एक पहले जमाने के जो जिस तरीके से फोटोग्राफी होती थी, कई लोगों को अभी उस तरीके से चाहिए पोर्ट्रेट्स बना के कि भाई हमें फैमिली पोर्ट्रेट खिंचवाना है, लेकिन पुराने स्टाइल से, जो पुराने स्टाइल में जो होता था उनका पोजिंग, उनका वो वुडन का चेयर,
तो वो भी हो सकता है। ट्रेंड हो जाता है ऐसा ऐसा ऐसा। राइट राइट, इसमें एक कैथलिक लुक कह सकते हैं ना हम लोग सर। करेक्ट करेक्ट। हाँ, राइट right. और रेड कलर का तो मजा, रेड पर ब्लैक आ गया। तो अब यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग ऐसा लगा सर कि अब यहाँ पर वो जो मफलर या क्या बोल सकते हैं उसे हम लोग, वो नहीं रह दिया, टाइट बांध के रखा है मैंने। स्टोल, हाँ वो टाई की जैसा, वो भी रेड कलर है, लेकिन वो कहीं पर भी डिस्टर्ब या इम्बैलेंस नहीं कर रहा है पोर्ट्रेट को, हाँ, क्योंकि उनके आंखें और उनका डायरेक्शन और उनके बराबर। ऊपर जो लाइट वहां पे है, अगर यहाँ पे रेड का हम लोग वैल्यू को नहीं संभालते थे, मतलब रेड का टेक्सचर को नहीं संभालते थे, तो ये रेड पूरा पिक्चर को खा जाता था, खा जाता और बहुत डोमिनेंट हो जाता था बहुत डोमिनेंट हो वो, जाता, उसको पूरा भी रेड पे सक्रिय देखा। करके सब्जेक्ट के ऊपर मैंने अटैक करने का ट्राई किया हुआ है सर। रेड कलर का जो डिटेलिंग है सर, उसका जो मतलब वो जो जो भी फैब्रिक रहेगा या जो भी क्लॉथ रहेगा, उसका क्लॉथ का जो थोड़ा सा शाइनिंग है बीच बीच में, वो एक बहुत अमेजिंग फील क्रिएट कर रहा है उसमें, उससे वो जानदार डायमेंशन मालूम पड़ता है, डायमेंशन मालूम पड़ता है सर बिल्कुल। अमेजिंग अमेजिंग। सिर्फ एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं ड्रोल इमेजेस का, कि सर आप एवरी कलर को एक साथ सैचुरेट करते हैं या वन बाय वन? क्यों सैचुरेट क्यों करना है, जो अभी मैं यूज ही करता हूँ ना सर, ऐसा है ना। राइट राइट राइट। सैचुरेट एक्चुअली उनको शायद वो कह नहीं पाए, बात रख नहीं पाए, उनको शायद ये कहना रहेगा कि आप वन बाय वन कलर पर काम करते हैं क्या, कि एक ही ना साथ ना करते हैं? हाँ ये हो सकता है। ना, एक ही ये भी पिक्चर मेरा अवार्डिंग पिक्चर है, वाह इंटरेस्टिंग इसका भी इंटरेस्टिंग। बीटीएस है मेरे पास। इसका बीटीएस देखेंगे अभी हम लोग, ये बीटीएस के साथ ही, ये बहुत एक अमोल अमोल श्री आर्ट जबलपुर से है सर, जबलपुर से जुड़े हुए, ये कह रहे कि आपकी फोटो ऐसी लगती है जैसे वह कोई जीवंत होकर बोल देगी, मतलब एक जान है उसमें, जाना जाएंगे। वो एक मतलब वो खुद फोटो बोलेगा हमारे साथ। इंटरेस्ट, इसका बीटीएस हम लोग देखते हैं, और बहुत अच्छा मौका है हमें इसका बीटीएस देखने, और दो बीटीएस बाकी सर शायद हमारे पास। चलिए इस पिक्चर को देखते हैं और बीटीएस को पहले देखें, प्रॉपर ध्यान दें, देखिए ऐसी जगह अपने भी पास है, ये बारिश क्रिएट नहीं नहीं सर, रियल की बारिश गई था वो। रियल बारिश में। ओके ये फोटो शूट के बाद थोड़ा मेरे पापा भी चिल्लाए, तो कुछ समझते नहीं क्या कोविड सिचुएशन, क्यों बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। हाँ, राइट और ये जितना वीडियो दिखाया ना उसमें ही पिक्चर बन गई सर मेरी, उतने अच्छा टाइम हाँ में हाँ बन गई। उतने समय में ग्रेट। यस यहाँ पर ऑक्टा यूज किया आपने, आई थिंक हाँ, नाइन वो 60x60 का है कुछ। सिक्सटी हाँ, हाँ, डीप 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 ऑक्टा है वो। डीप ऑक्टा है, राइट राइट राइट। वाह वाह, फिर से एक बार मैं प्ले कर देता हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप सभी प्रॉपर देख लीजिए, और शायद ये देखने के बाद क्वेश्चंस डेफिनेटली नहीं आ रहे। देखिए सर का यहाँ पर गोडॉक्स लाइट है, उनका कैमरा भी पता चल रहा है, वो डिस्प्ले का यूज कर स्क्रीन का यूज कैसे कर रहे हैं टिल्ट कर कर, क्योंकि उन्हें नीचे से मतलब लो लो कैमरा एंगल से वो कर रहे हैं, शॉट ले रहे हैं, तो हमें हमारे टूल का यूज करना है, और टूल को बेझिझक यूज करना है, मतलब टूल के बारे में ज्यादा सोच के नहीं, टूल यूज करने के लिए, पेन है तो पेन लिखने के लिए, आप क्या लिखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उसको आप संभालते रहेंगे तो फिर उसका यूज नहीं हो जाएगा। कई बार होता है कि भाई उसका यूज करते करने से ज्यादा उसको संभालते जा रहे हैं हम लोग। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, और सिंपल वाह कंसेप्ट से एकदम। बहुत 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 कुछ देखने मिल रहा है। और यहाँ पर पिक्चर है हमारे साथ, राइट सर ने जो सिंगल लाइट यूज किया उसका देखिए सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, कि जो मंथन के बच्चे के फेस पर है, और प्लास्टिक का जो आइडेंटिटी है, प्लास्टिक का खुद का जो एक टेक्सचर है उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, और पीछे बैकग्राउंड में जो टेक्सचर है उस पर भी जो शाइनिंग आ गई है, जो रिफ्लेक्शन है, वो भी बहुत कुछ मजा ला रहा है पिक्चर में। सर कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, क्या अभी वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो दिखाई दे रहा है उसका ही मैंने बीटीएस बनाया हुआ है, तो वो अगर चाहिए तो मैं फोटोशॉप में वो निकाल भी सकता था रिफ्लेक्शन, लेकिन उससे मजा नहीं आता था। तानाजी सर कह रहे हैं यहाँ पर कि सर जी ज्यादा बोल नहीं रहे, उनकी फोटो ज्यादा बोल रही है, हमें हर फोटोज कुछ तो सोचने को मजबूर कर रहा है सर। यही यही तो राकेश सर की खासियत है कि वो
बोलते नहीं है ज्यादा, लेकिन करते बहुत कुछ ज्यादा है जो पिक्चर्स बता रही है एक्चुअली। और यही मजा है सर का, कहना सिर्फ इतना है कि आप काम करते रहिए, फोटोज खींचते रहिए, एक्सपीरियंस लेते रहिए, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपका ये जो दृष्टि है, ये जो विजन है, और बेहतर बनते जाएगा और उससे मजा आएगा। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये 3 BTS हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक 2 BTS अपने पास, हाँ, एक मिनट में और उसका बीटी से वो करता हूँ मैं, एक मिनट तब तक। आप पहले कर लीजिए, तब तक मैं कुछ अनाउंसमेंट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी एक्चुअली आज राकेश सर का सेशन चल रहा है पोर्ट्रेट पर, और आप 100 से भी ज़्यादा फोटोग्राफर्स कंटिन्यूअस, मतलब अभी 3 आवर्स हो जाएंगे, और सबसे सबसे ज़्यादा वक्त चलने वाला ये सेशन है, क्योंकि उतना एन्जॉयमेंट भी है। मतलब ये ऐसे सेशंस तो चलते रहे और हम सीखते रहे ऐसी बातें, और कई लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, आप बहुत दिल से रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, जो कि फोटो आरटीओ को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सभी को विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फोटो आरटीओ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परसों हमारा एक लाइट रूम, इंटर ऑफ लाइट रूम, लाइट रूम पर सेशन होने वाला है, जो कि हमारे अभिषेक शेलार सर करेंगे। अभिषेक सर एक बहुत यंग, एक डायनामिक पर्सनैलिटी है, जो कि बहुत अमेजिंग उनका प्रोफाइल है। और इससे पहले जो सेशन हुए फूड फोटोग्राफी का, फोटो आर्टिस्ट विकास शिंदे सर का, और हमारे जो रोशन सर है, बहुत जाने माने यहाँ के फोटोग्राफर है, मेंटर है, जिन्होंने लाइटिंग की बार का यह बताई थी। तो हम लोग एक एक सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और वो लाइटिंग, फिर फूड, और फिर आज पोर्ट्रेट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। शेयर ऑप्शन नीचे है, आपके ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि देते रहना चाहिए, देने से बढ़ता है, अपने पास रख के कुछ नहीं बढ़ता है, देने से बढ़ता है। आप दे दीजिए, और अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आना है, तो मुझे बस व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिए, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सहमति से आपको ऐड कर सकूं, क्योंकि इतने इतने ऑल इंडिया से फोटोग्राफर जुड़ते हैं, तो मैं हर ग्रुप में नहीं हूँ कि जहाँ पे मैं आगे का सेशन का जानकारी दे सकूं। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और यहाँ पर मैंने नंबर शेयर कर दिया है मेरा, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, क्योंकि सर का हमें सेशन आगे लेना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें मेरी यहाँ पर नहीं हुई तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन हमें फोटो देखना और BTS देखना है आगे, और 2 BTS बची है, और कुछ और इंटरेस्टिंग हमें ट्रिक्स समझने वाली है। ये भी मैंने स्ट्रीट पे ही खींचा हुआ पिक्चर है सर। ओके ओके, ये हाँ, या अभी भी वो प्रिंटिंग वाला है, दे रहे। गोल्डन। हाँ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सर, ये जो बेसिकली आप ज्यादातर फोटोशॉप में एडिट कर रहे पिक्चर्स को, या फिर लाइट रूम का भी यूज कर रहे हैं? देखिए, लाइट रूम बहुत बढ़िया है, सवाल नहीं है, लेकिन मेरे को, मैं लाइट रूम नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि क्या, लाइट रूम के सारे फीचर्स जो है वो फोटोशॉप में दिए हुए हैं। क्या बात है, क्या हाँ, और बात थोड़ा है, सा मैं आलसी हूँ, तो लाइट रूम से फोटोशॉप में आने का, फिर से फोटोशॉप लाइट रूम में जाने के लिए, तो वो मेरे को थोड़ा सा हेडेक लगता है, तो इसलिए मैं फोटोशॉप में ही सारे काम करता हूँ। इंटरेस्टिंग। और ये जो ऐसा स्किन टेक्सचर जब आता है ना, तो वो अपने आप उस पे पोर्ट्रेट को एक अलग ही वहाँ पे उसका एक अट्रैक्शन पॉइंट ही अलग हो जाता है। करेक्ट। और इसका सर कुछ आपने जैसे, मतलब मैं जनरल एक आर्टिस्ट के तौर पे पूछ रहा हूँ, कि आपने जैसे ये स्किन स्टोन का कुछ अपने आप ये बना लिया है कुछ, मतलब सेम तरीके से अगर आगे भी अगर आपको करना है, तो आप कुछ प्रीसेट्स बना के रखना, या ऐसा कुछ करते हैं, या फिर उसी वक्त सोचकर ही फिर से बनाते? नहीं, मैं प्रीसेट नहीं बना करता हूँ, तो उसी सोच में नहीं, भी कर परफेक्ट सकते हैं आगे भी। हाँ परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अभी ये वाह, पिक्चर तो मैं जो क्या वो सो बालू मामा करके एक गांव है, वहां पे गया था मैं दर्शन के लिए हाँ, फैमिली अपने का। आप, हाँ, तो वहां पे मैं देखा कि एक जो पीछे देखिए वो मंदिर है वो, और उसके सामने जो गेट है अच्छा तरह से उसको कलर किया था, चलो तो कुछ बात बन सकती है, इसके लिए वो मैंने मंदिर को वहां पे खड़ा करके पिक्चर खींचा हुआ है सर मैंने। तो वो लाइन सर वो सब उसमें बीच में सब्जेक्ट काफी एकदम बढ़िया लगता है सर पिक्चर्स का। इसमें भी मैं फिर से कहूंगा कि कलर्स को अगर हम लोग समझने जाए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम इसको कहते हैं, क्योंकि ब्लू को कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉन्ट्रास्ट कलर जो होता है, येलो ऑरेंज, ये ब्लू के कॉन्ट्रास्ट, मतलब कलर व्हील में उसके कॉन्ट्रास्ट कलर, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहते हैं। ये हमेशा ही से ही एक पावरफुल मैसेज देते हैं हमें। सेकेंड थिंग, कि पैटर्न को यूज करना, मतलब वहां पे क्या पैटर्न है उसको यूज करना,
उसको कॉम्पोजिशन में लाना, उसको कॉम्पोज करना। अब यहाँ पर इतना खूबसूरती से बैलेंस किया गया है, वो जो भी दरवाजा है, डोर है, उसको थोड़ा ओपन करके अपने आप नेचुरल वे से उस पोज को क्रिएट करना। और फ्रेमिंग, जो कि एक लाइन, अगर हम लोग पूरी लाइंस देखें तो पूरी लाइंस स्ट्रेट है, राइट। कई बार मैं या हम सभी के बारे में ऐसा होता है कि हम लाइटिंग्स सॉरी लाइंस में बहुत गलतियां कर देते हैं कि हमारा पिक्चर कभी थोड़ा टिल्ट हो जाता है, हम वैसे रख देते हैं, वो डिस्टर्ब कर जाता है, वो इम्बैलेंस करता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आज के सेशन में, क्योंकि ये पॉइंट अभी तक बात की नहीं किया था, कि हमें जो भी काम करना है अपने पिक्चर को अपने हम खुद ही न्याय दे सकते हैं, उसका रिस्पेक्ट कर सकते कि भाई मैंने जो खींचा है थोड़ा सा गलती से कभी कभी थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, उसको सीधा करना है, उस लाइंस को संभालना है, उस एरिया को। जैसे सर का डिस्टेंस अगर हम लोग देखें प्रॉपर तरीके से कि उन्होंने डिस्टेंस को भी मेंटेन किया है, पैटर्न के डिस्टेंस को, तो ये बारकाइया बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कोई ये कर सकता है, लेकिन उसके लिए आंखें खुली रखनी पड़ेगी, फोटो निकलने से पहले सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पेशली फोटो के लिए किधर जाता ही नहीं, जहाँ भी जा मीन्स मेरे आजू बाजू में मैं पिक्चर बनाते। अभी ये मैं भगवान के लिए गया था तो उसके लिए उधर ही पिक्चर बनाया। मेरे बहुत सारे पिक्चर्स जो है ना ऐसा डेलिबरेटली वहाँ पे जाके मेरे को फोटो क्लिक करने के लिए स्पेशली गया, ऐसा कौन सा भी प्लेस नहीं है सर। राइट राइट राइट, नहीं ये बात तो बहुत बड़ी है सर आपकी, क्योंकि मैं भी उसमें हमेशा से ही मतलब सोचता हूँ और छोड़ देता हूँ कि आप कैमरा हमेशा साथ में कैरी करते हैं। और मतलब हमने भी बात किया था इसके ऊपर कि भाई एक आध दिन अगर कैमरा साथ में नहीं है और फिर कुछ दिख जाए तो उस दिन तो मतलब सबसे बुरा समय है वो होता ही, आपने बताया था कि वो होता ही नहीं सर, ऐसा होता ही नहीं सर, होता ही नहीं है, राइट। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाओ, ये भी उसी तरफ का पिक्चर दिख रहा है। हाँ, नहीं ये पिक्चर मैं पंडरपुर गया था सर। राइट राइट राइट, हाँ तो ये बाबा को मेरे को एक्चुअली में पिक्चर खींचा मैं, लेकिन वो मेरे को कुछ फ्लैट लगा था, कुछ मजा नहीं आ रहा, ये तो बोला कॉमन ही पिक्चर है। तो मैं बाबा को बोला कि बाबा आज उधर था ही वो कुछ जो गोट्स और ये था, तो उसको बोला उठा के ले, तो लेने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी क्या करे क्या करे, फिर थोड़ा सा एक दिमाग लगाया, तो वो दिमाग क्या लगाया आगे के फोटो से आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा ये मेरे वाइफ को मैंने बोला तू ले ले और दिखा दे, फिर मैंने उनको बोला बाबा वो औरत हो के वो ले रही है, आप क्यों नहीं ले रहे, क्या बात है, क्या ले लिया देखिए। राइट राइट राइट, ये डील करते आनी चाहिए जो आपने, लेकिन आपका विजुअलाइजेशन कंफर्म था ना सर। हाँ जी, मतलब आपने विजुअल पहले कंफर्म कर लिया था कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, मतलब क्या चाहिए आपको। नहीं चाहिए था बोला, लेकिन वो वहां पे मेरे को जब ही वो गोट दिखाई दिया तभी मैंने मेरा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। हाँ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। और ये भी ब्लैक ऑन ब्लैक और वो सब, वाओ ये भी हमारे डोंबिवली के फोटोग्राफर है, ये जो फाइन आर्ट पोर्ट्रेट जो कहते हैं जिसे, तो ये फाइन आर्ट पोर्ट्रेट टिपिकली जो हम लोग फाइन आर्ट जो वर्ड यूज करते हैं ऐसे पोर्ट्रेट देख के तुरंत, अरे क्या बात है फाइन आर्ट पोर्ट्रेट आ गया। तो इस पाइप ऑफ सब देख के उसको जैकेट वैकेट लेके आने के लिए कहा था मैंने, तो लेके आए थे। जो भी आपने लाइट जितना भी कंट्रोल किया है, जो भी मतलब आपने कटर्स दिए रहेंगे, हाँ इसका थोड़ा स्टोरी सर प्लीज बताइए कि क्या बैकग्राउंड को यूज किया था, क्योंकि जब आपने पराग सर के फोटो में बताया बैकग्राउंड क्या था तो, हाँ। तो और के जानने की। हाँ नहीं ये थोड़ा पैची बैकग्राउंड मैंने यूज किया हुआ है, और थोड़ा सा मैंने क्या किया हुआ है थोड़ा सब्जेक्ट को आगे लेके जो लाइट का डायरेक्शन था ना वो टूवर्ड्स लेंस की तरफ मैंने घुमा दिया, ताकि लाइट की जगह छोटा है मेरा और लाइट को कंट्रोल भी करना है, और थोड़ा सा वो जो स्मोक और वो पाइप का और उसका उन्होंने जो स्पेक्स डाला हुआ है तो उसमें भी वो रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। राइट, सारी चीज मेंटेन करके मैंने पिक्चर खींचा हुआ है सर। ये डोंगिल के बहुत बड़े फोटोग्राफर है। वाओ, लेकिन बहुत मजा है सर, बहुत मजा है, मतलब हर एक वहां पर उनका जो स्पेक्स है उसमें उसका उसके थ्रू दिखने वाली स्क्रीन, तो ये उन्होंने कहा था उनके उनके कोई दादाजी या 100 साल पुराना ऐसा कोई तो स्पेक्स है। ये प्रदीप गोसावी करके एक डोंबिवली के फोटोग्राफर है, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है मेरे पास, तो भाई लेके बोला करेंगे कुछ ना कुछ। सर यहाँ पर जो थोड़ा सा ऐसा लेंस फ्लेयर का जो ये होता है या फिर लाइट लेंस की तरफ करने के बाद थोड़ा सा धुंधला सा जो एक रिजल्ट मिलता है हमें फेड़ी, तो ये उस लाइट ना ना नहीं ना
ये डेलिबरेटली मैंने कॉन्ट्रास्ट कम कर दिया सर उसको। ओके ओके, आपने वो जानबूझ के किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इंटरेस्टिंग सर, बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट है सर ये। ये उन्होंने इनको स्टूडियो में बड़ा बना के लगा हुआ है सर। ये ड्रोल इमेजेस कह रहे हैं कि इस फोटो में नॉइस ऐड किया है, क्या किया है ऐसा लग रहा है? नहीं, इसमें मैंने टेक्सचर दिया हुआ है, देखिए ना जो कैनवास टेक्सचर है, टेक्सचर ही है उसमें, राइट? जो आपने परक्स सर के पोर्ट्रेट में यूज किया था, हां थोड़ा पेंटिंग टच लगे ऐसा। राइट राइट राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर, कि जैसे टेक्सचर यूज करना और ये सब डिसीजन लेना, तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा उसे सभी। हाँ, को पिक्चर समझने के बाद ही होएगा सर ऐसे। राइट, और ये जो शिवम जी जो है, जिन्होंने पहले बोला था कि आपके पिक्चर्स पेंटिंग जैसे दिखते हैं, अब उनका कहना है कि उसका राज भी, राज क्या है? लाइटिंग वो हिसाब से होना चाहिए, बाद में थोड़ा टेक्सचर और ऐड करेंगे तो हो जाता है। ओवरऑल राज इसमें लाइटिंग के ऊपर ध्यान दे दो सर, लाइटिंग के ऊपर ध्यान दे दो, आपके 90% काम उधर ही खत्म हो जाएंगे सर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ते हम लोग, दो BTS हमारे बाकी है और 7 o'clock हो चुके हैं, जो कि हम लगातार 3 hours से सेशन कर रहे हैं। और सर का एक खासियत बताता हूँ मैं सभी से, बहुत रिस्पेक्टफुली बताता हूँ, मतलब बताना जरूरी लग रहा है इसलिए मुझे ये शेयर करना है कि सर चेयर पे नहीं बैठे, मैं खुद तो चेयर पे बैठा हूँ, बीच बीच में थोड़ा पीछे जा रहा हूँ कि उसको ये करूँ, लेकिन सर कम्प्लीटली उनके मतलब इतना एनर्जी से बैठे है कि वो पीछे रेस्ट नहीं कर रहे, वो आगे की तरफ झुक के देना चाहते, दे रहे सब कुछ जो अपने पास है, सब कुछ दे रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी यहाँ पर जुड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है और ये ऐतिहासिक है सर मेरे लिए, तो ये इससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता, ये भी इससे बड़ा समय हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर, वर्ड्स मेरे लिए मेरे पास नहीं है। आप कंटिन्यू, बहुत हेवी रेनफॉल में मैंने निकाला हुआ है ये, भी कुछ प्लान नहीं किया था, तो जा रहा था, देखा यहाँ पे बस है तो येलो कलर है, तो उसको वहाँ पे बिना के मैंने क्लिक कर दिया। देखो लाइन भी वो डायगोनली गया है, कितना खूब लग रहा है पिक्चर, देखिए सर अमेजिंग। लेकिन यहाँ पर आपकी सोच जो है सर, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो इतना क्लियर हो रहा है, जो बाकियों को अगर थोड़ा समझना है, मुझे मौका मिला इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि देखिए लाइंस को यूज करना है हमें, कलर्स को यूज करना है, कलर्स को समझना है, तो ये पिक्चर को अगर हम लोग तो प्रॉपर तरीके से देखें, तो अगर यहाँ पर सर ने येल्लो ऑन येल्लो नहीं किया है, ब्लैक ऑन येल्लो रेड कर दिया है, जो कि ब्लैक से वो सब्जेक्ट को और ऊपर ले लिया और उस पैटर्न को यूज कर लिया, जो हाफ पूरा सर्कल टायर का वो भी यूज कर लिया है मैंने सर, पूरा उठा लिया उससे, और रेड येल्लो, येल्लो और रेड ने तो पूरा बैलेंस कर लिया है उस बस को, मतलब येल्लो का येल्लो बैलेंस कर रहा है और उस वो जो लाइट वगैरह जो भी है उसकी रेड, तो वो एक कंप्लीट बैलेंस कर रहा है, और ब्लैक ने पूरा उसको उठा दिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कैमरा सेटिंग समझनी चाहिए, क्या सोच समझनी चाहिए, जो कि अगर बारिश का सीजन है कोई भी बता सकता है, अगर बेसिक फोटोग्राफी भी सीखा यहाँ पर, कि भाई फास्ट शटर स्पीड यूज करना है, लेकिन बाकी सब चीजें आपको हैंडल करनी है, लाइट सिचुएशंस को भी आपको देखना है पहले। इंटरेस्टिंग सर, पहले तो बारिश ही संभालना है सर, बारिश ही संभालना है पहले। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आगे बढ़ते हम लोग। ओके, रेड ऑन रेड, हाँ ये पिक्चर भी मैंने घर पे ही निकाला हुआ है, और मेरे दोस्त की बेटी है, तो वो फोटो शूट करने ही नहीं दे रही थी मेरे को, तो उसको आइसक्रीम ला के दिया, तो खाते से भी मेरे को थोड़ा अच्छा लगा पिक्चर। अरे भाई कुछ वो भी इतना ऐसे देख रही है कि एकदम हवा के, तो हाँ। देखो कुर्सी का हैंडल भी उसके ऊपर हाथ है उसका। अरे डोर्स का लाइट है, अपना घर में जो लाइट आती है ना ऐसा, ये लाइट यूज किया है इसको। सर, आर्टिफिशियल लाइट यूज नहीं किया कोई। ये जो पिक्चर है इसमें से मुझे लगे, मुझे जितना लग रहा है कि कोई ऐसा ये भी नहीं सोच सकता है कि भाई मतलब इसमें भी कुछ है क्या, और इसमें भी मतलब ये तो हमारे घर पे भी है यार, बच्चे सामने ही है, खा भी रहे, तो सोचना पड़ेगा सर। इसमें ऐसा कुछ प्लान किया था आपने कि जैसे बैकग्राउंड में रेड बैकग्राउंड आ गया, ये उनका ड्रेस भी रेड ब्लैक में है, तो ऐसा कुछ थोड़ा प्रिपरेशन वहाँ पे फास्ट में हो गया था? नहीं नहीं, प्रिपरेशन नहीं था एक्चुअल में, वो रेड बैकग्राउंड ही था, वो रेड जो घर का डोर का जो कर्टन ही था उधर, और प्लान करने के लिए वो मेरे सामने खड़ी नहीं होती, तो मैंने जब भी थोड़ा सा उसको समझा के अपना आइसक्रीम विस्क्रीम देखे थोड़ा सा, उसके बाद मैंने दोस्ती की, उसके बाद भी और उसका पिक्चर वो भी दिखा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, और आप 3 hours हो चुके सर, आप कंप्लीट बैक को भी रेस्ट नहीं आपके, अरे थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है हमें आज,
ये भी मंथन करते थे, उसी टाइप पे खींचा हुआ है सर मैंने, क्या बात जो है, डैनियल पैटर्न का होता बहुत है सर। बहुत खूबसूरत यूज है सर, ये पैटर्न का बहुत खूबसूरत यूज है। और सर ये सब अपने आउटी आजू बाजू में ही रहते हैं सर, ये हाँ, ऐसा नहीं इतना कि अमेजिंग कर्व शेप और वो स्क्वेरिश, और फिर उसके बीच में फिर एक अंदर आया, इस साइड से एक लिया, और फिर वो इंटरेस्टिंग, अमेजिंग अमेजिंग। ओ ये आई भी थिंक इसका मेरा, होगा हाँ इसका BTS है मेरे पास सर, क्योंकि मैंने देखा था इससे पहले व्हाट्सएप पे। ये BTS पे मैंने बहुत ट्राई किया है। पहला वो मैंने रवा ले लिया, तो साला रवा बहुत एकदम हार्श और गिर जाता था उससे। फिर क्या करूँ थोड़ा सा वो, फिर उसके लिए मैंने वो फ्लोर लेके पूरा छलनी सा भी दिखाई देगा आपको, BTS प्ले करेंगे तो। बीटीएस प्ले करता हूँ मैं, बस आप रेडी रहिए। वाह इंटरेस्टिंग, और बच्चों के साथ डील करना है, हाँ उनको वो वेरी समझना। डिफिकल्ट होता है सर, ये दिखता है उतना उससे ज्यादा शरारती सर। मैं फिर से एक बार प्ले कर लेता हूँ ताकि सब लोग फोकस हो सके। बहुत प्रिपरेशन है, मेहनत है इसमें, और वो मंथन का भी बहुत सपोर्ट है इसमें कि वो इतना फैमिली पेशेंट। वाले सारे मेरे को सपोर्ट करते हैं सर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आपने ब्यूटी डिश यूज़ किया, वो भी हाँ बाउंस हाँ किया है बाउंस सीलिंग किया पे है, ताकि आपको सॉफ्ट लाइट मिले और ज़्यादा हाँ। और डिम पीछे जो लाइट। है मेरा वो डाइनिंग टेबल है सर, उसको यूज किया, हाँ, अच्छा उस डाइनिंग टेबल को यूज़ किया फोल्डेबल आपने, डाइनिंग टेबल है। हाँ राइट राइट राइट, व्हाइट ऑन व्हाइट के लिए। इंटरेस्टिंग, ओके, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। और ये आउटपुट यहाँ पर हमें यस मिल रहा है, क्या बात है। ये भी वो करेक्ट जो आटा है उसका भी हर एक मतलब उसका टेक्सचर नजर में आ रहा है पूरा। सर। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर वैभव सर एक क्वेश्चन कर रहा है कि आई थिंक फॉर बोथ ऑफ यू रहेगा अपने दोनों को, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोग्राफी इन योर वर्ड, इट मे बी अ सेंटेंस और सिंगल इन वर्ड। तो राकेश सर ही बता देंगे, अब तो बताते आए हो, कंटिन्यू। क्या सर, क्या समझे नहीं सर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोग्राफी इन योर वर्ड, हाँ इट मे बी इन सेंटेंस और सिंगल वर्ड। मैं स्टार्टिंग में बताया ना सर आपके सामने, अब एक्चुअली में मैं जो फोटोग्राफी करता हूँ सामने आपके अमिताभ बच्चन सर है सर, वही सोच के अपने में क्लिक करना है उनको, 1 मिनट में एक ऐसा उनको वाव पिक्चर निकालना है। राइट राइट राइट। मुझे भी पूछा है तो मैं बहुत कहूँगा कि लाइटिंग, ओके, ड्राइंग विथ लाइट, सो लाइट के साथ हाँ खेलना है। नहीं वो तो बाद वाली बात है सर, वो सब अपने पास टूल से हो, हाँ, मतलब फोटोग्राफी करते समय सोचना अपने को वही है सर। हाँ, राइट, इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हम। ओ ये भी स्टेट में ही मेरा अवार्ड विन पिक्चर है सर, ये स्टेट कैटेगरी में। वाह, नहीं मेन तो यही है सर कि आप देखिए, आप जो दिखाना चाहते हैं वो क्लियरली दिखा रहे हैं, मतलब जो आपको दिखाना है सब्जेक्ट को आपको दिखाना है, सबको, उन व्यूअर्स को वही देखना है, तो वो जो जहां पर आप लेना जा लेके जाना चाहते हैं वो आप कंप्लीटली लेके जा रहे बस हैं। वही वही मेरा स्लाइड शो का इंटेंशन वही, अगर मैं मेरे इमेज के ऊपर मैं खुद ही बात करूं और मेरी इमेज मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो उससे बुरी फोटोग्राफी नहीं है सर। क्या बात है, नहीं आप फोटो से इतनी इतनी डिटेल बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उसके जो शेप्स, पैटर्न, उसके हाथ की पोजीशंस, उसके हाथ जैसे पकड़ा है उसने, तो वहां पर जो उसके जो ये फोल्ड्स बन गए ना, ये फोल्ड्स भी बहुत कुछ बता रहे हैं वहां पर, जो नीचे वाला हाथ, हाँ लेफ्ट एकदम हैंड, उसका पकड़ते थे तो पूरा मजा नहीं था, उसका पावर उसके फेस के ऊपर दिखाई देता था सर, तो राइट है, और लाइट का कंट्रोल वो भी भी बहुत सोचा। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे आगे करते सर, मैं माइक सिर्फ ऑफ कर रहा हूँ, आप आगे ले लीजिए फ्रेम। ये भी मेरा पोर्ट्रेट में अवार्ड विन पिक्चर है सर ये।
ये मैंने दो लाइट यूज किया, एक बैकग्राउंड लाइट और एक सामने से एक लाइट दिया हुआ है सर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर एक्चुअली जैसे हम लोग देखते हैं शॉर्ट लाइट होता है या लाइटिंग के जो भी बेसिक टाइप्स हम लोग जब यूज़ करते हैं, तो शॉर्ट लाइटिंग थोड़ी देर पहले पूछा भी गया था। कई बार क्या हुआ, मैंने अभी अलग अलग सेशन जब मैं अटेंड कर रहा हूँ तो इसमें मैंने एक एक बात देखी, आपसे भी वही देखी कि मतलब फ्रीडम के साथ कीजिए उस वो मतलब कम्प्लीटली भाई 45 एंगल से रखना है या 30, ऐसा वो नहीं है कि आपको क्या रिजल्ट लेना है और फेस को किस तरीके से आपका राउंड शेप है या फिर ट्रायंगुलर है या जिस जो भी एंगल से आप ये करना चाहते हैं वो पहले फिक्स कर लीजिए और उसमें लाइट से कंप्लीट जान डाल दीजिए। हाँ, आपको जैसा चाहिए वैसा पहले आपको डिसाइड करना राइट राइट राइट। है। और फिर ओके, कलर कॉम्बिनेशन तो है ही आपके हर थोड़ा, पिक्चर हाँ, इसमें भी थोड़ा वार्म टोन दिया है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वार्म टोन दिया है वार्म वो। टोन में, वार्म टोन में ये। यस राइट राइट इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट किए तो भी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका BTS है मेरे पास। अच्छा इसका है, ओके। ये पहले पिक्चर दिखा देता हूँ मैं सभी को, ये पिक्चर आप एक बार प्रॉपर देख लीजिए ताकि मैं BTS प्ले कर पाऊँ। और जब BTS आप देखेंगे तो सभी ध्यान से देखिए। देखिए कहाँ पे शूट हो रहा है, क्या क्या वहाँ पर एलिमेंट्स है। देखिए फिर ठीक से प्ले कर रहा हूँ मैं, उतना ही समझ लिया है सर ने। सर इसी के साथ मतलब अभी मैं फोटो भी यहाँ पर दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आपने लिया है, जस्ट मिनट। ओके जैसे ये पिक्चर में मुझे पूछना था आपसे कि आपने जब ये मतलब ये पोर्ट्रेट लिया है तो आप जैसे ऐसे अलग 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 एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अलग अलग फोटोग्राफी करते रहते हैं, तो बाकी जो आपके जो बिल्डिंग में लोग हैं वो हमेशा ऐसे ही एक एक्साइटेड होते रहेंगे कि अभी आज क्या कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, तो सर वो मैं क्यों सोचते सोचते ही नहीं, किसी को सोचते ही नहीं सर। नहीं है। हाँ, कौन मिस कौन देख रहा है अपने पास या कोई। मैंने घर में सबको बोला, जहाँ पे मैं बोला वहां पे खड़ा नहीं है, और उसी टाइम पे खाली एक ही सोचना है कि आप और कैमरा ही है दुनिया। सोचे मत, ये मेरे तरफ देख रहा है, वो देख रहा है, पीछे पब्लिक खड़ी है, 10-12 जन देख रहे हैं। इग्नोर करो सबको। क्या बात है क्या बात है, इग्नोर करे और हमें हम कॉन्सेंट्रेट करें खुद पे। एक ही मिनट मैं ये जो है विट्ठल सर कह रहे हैं कि सर जी आपके फोटोज हार्ट को छू गया, फोटोग्राफी क्या है आज मैं समझ गया। आई थिंक ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और बहुत एंजॉयफुल भी है कि सर इतना डिटेल बता रहे। यहाँ पर नितिन सर कह रहे हैं कि सर हाउ यू डिसाइड ऑन मेकिंग द फोटो ब्लैक एंड व्हाइट, कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा फोटो ब्लैक एंड व्हाइट करना है। वो मैं लाइटिंग देख के करता हूँ, और उनके जो कॉस्ट्यूम्स रहते हैं या ड्रेस रहते हैं उनके कलर के ऊपर मैं डिसाइड करता हूँ क्या करने, क्या ब्लैक एंड करने कलर का। जी 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 ओके ओके ओके। अमित जी कह रहे हैं सर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में मॉडिफायर्स किस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। स्टूडियो लाइट के लिए अगर मैं यूज करता हूँ, ज्यादातर मैं 1 मीटर बाय 1 मीटर सॉफ्ट बॉक्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ सर, क्योंकि वो लार्ज लाइट सोर्स होता है, और जितना बड़ा लाइट सोर्स उतना सॉफ्ट हो जाता है। मैं एक आपको एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा देखिए, बैड वेदर कंडीशन या आउटडोर के लिए बैड वेदर कंडीशन इज गुड फॉर फोटोग्राफी। राइट जो क्लाउड से कवर्ड हो जाता है, तो इतना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स नेचर से अपने को जनरेट होता है कि वो उसके सामने आर्टिफिशियल लाइट भी इतना ये नहीं होता है सर। राइट राइट राइट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ऋतुजा जी है जिन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे लिए किया है कि सचिन सर घर में कुकर चालू है, तो यस अभी समय हो गया है
3 आवर्स से भी ज़्यादा, 3 आवर्स 15 मिनट्स हो चुके हैं सेशन चल रहा है, और कुकर का टाइम हो गया है तो कुकर भी चल रहा है साइड बाय साइड। यस परफेक्ट। सो आगे बढ़ते हम लोग। वाओ वाओ, ये बहुत स्टोरी टेलिंग पिक्चर है। तो ये एक्चुअल में मैं एक जगह से आ रहा था तो भी बेचने वाला बंदा था तो उसको बुला लिया मैंने, और भाई थोड़ा सा फेवर होने के लिए कैसा दिया बोल, क्या दिया तो बोलो भाई ऐसे ऐसे 10 का 15 मिनट ठीक है बोला। फोटो खींचा और उसको 10-15 रुपये दे ही दिया, बोला नहीं चाहिए बोलूँ तो रख लेते हैं बस। तो पिक्चर मेरे को उस टाइप पे मैंने देख के मैंने क्लिक कर दिया सर ऐसे। वाह, और उसने पकड़ा था जिस तरह, इतना बढ़िया लगा सर मेरे को। हाँ वो जो जिस तरीके से, और ऊपर लव 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 सर कर रहे ड्रोल इमेजेस की, सर आपकी फोटोग्राफी देख के ऐसा लगा कि हमारा अभी जन्म भी नहीं हुआ फोटोग्राफी के लिए। ना सर ऐसा मत समझिए, एक्चुअली क्या होता है कि सर, एक्चुअली अब इतना सेशंस मैं भी बार बार कर रहा हूँ ना, कि एक कितना भी अच्छा सब्जेक्ट हम लोग लेके आए और उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करें, कि जहाँ पर आर्टिस्ट का सोच क्या है या फोटोग्राफर का सोच क्या है वो साइड में हो जाता है, वो साइड में रखना पड़ता है, और सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आप बताइए कैमरा कौन सा यूज़ किया, लाइट कौन सा लगाया, मॉडिफायर क्या लगाया, सेटिंग क्या रखी कैमरा की। जब हम लोग फोटोज़ को फोटोग्राफर की सोच से समझने लगे तो शायद मुझे लगता है कि हर कोई बहुत अपने आप खूबसूरत फोटोग्राफी कर सकता है। लेकिन शायद थोड़ा सा ये एक प्रोसेस ऐसा बन गया कि नहीं भाई वाइट बैलेंस क्या रखना चाहिए, नहीं भाई वो ये यही लेंस इसके लिए यूज़ होनी चाहिए। तो आज सर ने यही बताया है कि आप बेझिझक आपके इक्विपमेंट को यूज़ कीजिए, और आपके पास जो भी इक्विपमेंट है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट है, ये समझ के बस शुरू हो जाइए। शाम हो चुकी है, आप छत पर भी जा सकते हैं, घर पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे इमेजेस शेयर कीजिए। फिर से एक बार सेशन करेंगे सर के परमिशन के साथ, आगे मैं आगे जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर अरूप अरूप बोस जी हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि राकेश सर योर कलर थियरी इज आउटस्टैंडिंग, प्लीज डिस्क्राइब हाउ मच टाइम यू डिजर्व इट। पूरा जिंदगी करता हूँ सर और आगे भी करूंगा, बहुत टाइम लगी है सर इसको। क्या बात है, सच में पूरी जिंदगी इसमें रहती है, तो भी नहीं जमेगा सर, ये तो इतना वास्त है कि आदमी खत्म हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं होने वाला सर। क्या बात है ये भी पोर्ट्रेट इतना, मतलब वही सर जो मैं बताया ना आइसक्रीम वाली लड़की। हाँ तो एक आइसक्रीम ने अच्छे इतना बढ़िया काम कर दिया सर, देखिए क्या बात है। और एक एक मजा और दिख रहा समझ में आ रहा है सर मुझे, कि आप एक सादगी में ही इतनी खूबसूरती जो कहते हैं ना हम लोग, वो सब देखने मिल रही है। कोई भाई बहुत महंगा वाला कुछ कपड़ा रख दिया, बहुत कुछ खरीद लिया, ऐसा भी नहीं है। आपके पास क्या अवेलेबल है, आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं और उस किस तरीके से उस इमेज को क्रिएट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट को क्रिएट कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट उसका स्किन टोन, उसकी आंखें, उसके वो हाथ, उससे जो पकड़ा है, इतना खूबसूरती है उसमें। और इसमें आपका पूरा फिनिशिंग के साथ जो वर्क है ये भी बहुत बहुत अमेजिंग है। और बच्चों के साथ ना कहते हैं कि मैं ये कह रहा था सोच बदलो फोटोग्राफी बदल जाएगी सर। अमेजिंग ये भी एक इंटरेस्टिंग। यहाँ पर दशरथ जोशी जी है वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में सृष्टि को अच्छे दृष्टि से देखना रावल सर ने दिखा दिया, धन्यवाद फोटो आर्टियो। धन्यवाद सर आपको भी, रावल सर ने तो आज दृष्टि मतलब दृष्टिकोण बता दिया कि क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, और हर एक कोण से बताया, मतलब कोण मतलब मराठी में कोण कहते हैं तो कॉर्नर कह सकते हैं, हर कॉर्नर से सर ने बताया आज। नहीं ये कॉर्नर बताने का इंटेंशन है ना कि वो फोटोग्राफर सब बाहर आना चाहिए कि भाई लेंस कौन सा है, कैमरा कौन सा है, लाइट कौन सा है, अरे उसके पीछे भी फोटोग्राफी है वो देखनी चाहिए। राइट नहीं सच में आपने बहुत दिल से ये कह रहे हैं सर, इससे सबकी मतलब उम्मीदें भी जाग गई और बहुत आगे तरक्की हम लोग कर पाएंगे अपने आप अगर वो श्रद्धा रखे और डेली अगर एक्सपेरिमेंट करे तो। अदरवाइज नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर अगर कुछ सेशन होगा तब भी यही सवाल रहेंगे और हम है वही के वही रह सकते हैं अगर हम लोग इसके बाद भी कुछ खुद प्रयास नहीं करें तो। हम लोग जानेंगे इस हाइकी को, ये पोस्टर में भी यूज किया पिक्चर है और इसका क्वालिटी मैंने देखा है एक्चुअली।
ये भी इसमें भी थोड़ा सा हमने टेक्सचर ऐड किया हुआ है, जो राइट थोड़ा सा वार्मिश किया हुआ है, थोड़ा सा सटल किया हुआ है, पेस्टल कलर टाइप मैंने किया हुआ है इसको सब। थोड़ा सा मैं चेंजेस करते रहता हूँ सर, वही वही देख के मैं खुद बोर हो जाता हूँ सर। राइट राइट और शायद आर्टिस्ट का तो वही खासियत होता है ना कि वो हर टाइम तो नया ही करने को ही चाहत रखता है, अदरवाइज मशीन वो बन ही नहीं सकता। सेम टाइप अगर हर बार रहेगा तो वो आर्ट वर्क होगा भी नहीं, वो सेम टाइम सेम टाइप। अब यहाँ पे मैंने देखा जितने भी आपके देखे थे अभी तक के हाइकी के पोर्ट्रेट्स, इसमें आपने थोड़ा सा येल्लो स्टोन दिया है, एक टेक्सचर भी दिया है, और इसका स्किन टोन थोड़ा सा और ब्राइट है, जो कि लिपस्टिक भी थोड़ा डाउन है, मतलब हाँ, उसका सेटल कर दिया सेटल उसको मैंने। हाँ कर दिया, एक सेटल उसका कंप्लीट पिक्चर का एक फील टोनल है। पे मेंशन किया है वैसे उसको। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्या करें, इसलिए वो उनका कंप्लीट लुक भी चेंज हो गया, एक फील चेंज हो गया पिक्चर का, ये फील चेंज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्टिंग सर। चेंजेस तो चाहिए मेरा, ये तो मैं अभी कुछ 100 पिक्चर ही मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअल में। ऐसे मेरे पास तैयार के करीबन मोर देन 5,000 के ऊपर पिक्चर है सर। ओ वाह सर, हमारा नसीब है, हमारा ये सौभाग्य है कि आज 100 देख पाए आपके पिक्चर्स, क्योंकि 100 पिक्चर मेरे बहुत। नहीं बराबर कि ये भी मेरे को लग रहा था कि ये इसमें क्या है भाई, क्या दिखाऊं, ये मेरे को लग रहा था सर। मेरे को थोड़ा सा ऐसा नहीं, ऐसा खुद की बड़ेपन नहीं, मेरे को कल निकालो पीछे, मेरे को आज अच्छा नहीं लगता यार इसमें, मजा नहीं क्या इसमें। शायद इसलिए आप बेहतरीन और बेहतरीन और बेहतरीन पोर्ट्रेट बनाते जा रहे हैं, और एक अवार्ड और एक अवार्ड, ऐसे करते करते 280 से भी ज्यादा हो गए। ये अवार्ड कहाँ पे रखते हैं सर आप अरे बहुत सारे ये जगह कौन सी आपके घर की कि जहाँ पे आप सब अवार्ड रख रहे हैं, और वो कभी आप उसका भी एक प्रेजेंटेशन हमें कीजिए, क्योंकि करेंगे उससे हम सर। आप उम्मीदें। सर मेरे अभी रिश्तेदार और घर वाले ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते बोलते अभी कंटाल आ गया अरे मिल गया, और एक मिल गया, यार। चलिए छोड़ दे, अभी कुछ हमको अच्छा नहीं मिली, हमको कुछ अभी स्ट्रेंज नहीं लग रहा है फिर से, तो नहीं नहीं अभी ये तो मैं बहुत बताना बड़ी भी छोड़ दिया सर। बहुत बड़ी बात है कि अपने आप में इतना बेहतरीन परफॉर्म करते रहे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर तब बने जब उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहा, लता दीदी तब बनी जो कि उनका लगातार उस तरीके से परफॉर्मेंस रहा। कोई भी अगर लीजेंड को हम लोग देखें तो ये आप हमारे लिए बहुत बड़े लीजेंड है, और बहुत एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है कि जिनको देख के हम आज, मतलब हम सब जाग गए कि भाई किस तरीके से देखे पिक्चर्स को, किस तरीके से समझे पिक्चर्स को, किस तरीके से पिक्चर्स पर काम करे, किस तरीके से पेशेंस रखे, किस तरीके से फिनिशिंग समझे, छोटे छोटे जगह को भी कितना खूबसूरती से यूज करे, तो ये बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए। और इतना आप दिल से उसको दिया, हमें BTS दिखाया आपने, BTS तो हमें व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं, तो कई साथी हमारे जुड़ेंगे आज व्हाट्सएप पे, उनको भी मैं भेजते रहूंगा, और ठीक आगे बढ़ते हम लोग, क्योंकि 722 हुआ है और आप कंटिन्यू लगातार सेशन कर रहे हैं। वाओ अभी पोर्ट्रेट खाली एक का ही लेने का है, या अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग सा किया हुआ है, पांच उसके जो दो फ्रेंड तीन फ्रेंड है उसके साथ में मेरे पिक्चर खींचा हुआ है सर, कुछ वाओ अलग। नहीं, ये एक क्वेश्चन आया था बीच में थोड़ी देर पहले कि ये तो हो गए सोलो पोर्ट्रेट, लेकिन हाँ वो स्टूडियो के अकॉर्डिंग था कि स्टूडियो में अगर ग्रुप पोर्ट्रेट खींचना है तो वो कैसे खींचे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्टूडियो का तो ठीक है, स्टूडियो भी तो ऐसे ही है। सर ने जिस तरीके से उस पोर्ट्रेट में सोच रखी है, ग्रुप पोर्ट्रेट में देखिए नॉर्मल ग्रुप पोर्ट्रेट एक दूसरे के बाजू में बैठ गए, हर कोई क्लिक करता है, उसमें नयापन कुछ नहीं है। अगर हमें कुछ इंटरेस्ट उसमें लाना है तो अभी शायद इस पिक्चर से सब कुछ दिख रहा है। इसमें कैसा है सर, आपने नेचुरल लाइट पर ये पोर्ट्रेट लिया है या हाँ अरे हाँ, फिर? ये नेचुरल लाइट है, और ये मैंने ना थोड़ा सा कुछ अलग सा करने के लिए सबको कपड़े निकालने के लिए बोल दिया। ओके 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 हाँ, और ये जो है वो चेंबर जो रहता है, वो जो अपना ड्रेनेज रहता है ना, तो उसके ऊपर रहता है देखो, तो सर वो मैं जी, एक जगह से उठा के लेके उसको, मीन्स मैं और मेरा दोस्त उसको ऐसा रोल डाउन करते 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 लेके आए, और ये बच्चों का पिक्चर खींचा। सच कहो तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत फ्रेम बन गई वो ड्रेनेज का, वो ये और वो आपने बना दिया, कलाकार क्या देखता है उसमें और क्या बना देता है, इसके लिए नो वर्ड्स, क्योंकि इतना खूब ये अवार्ड में भेजा है सर आपने? नहीं अभी तक नहीं भेजा, अभी रिसेंटली बनाया पीछे सर। हाँ नहीं, ये तो मतलब ये 6 बच्चे हैं ये कितने अवार्ड लाएंगे ये इसके लिए अलग जगह लगेगी आपको अवार्ड रखने के लिए।
और हमारी सबकी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी मेहनत इतनी है उसमें, हर सोच इतनी है, अमेजिंग अमेजिंग। ये भी ऐसे ही स्टूडियो में पोर्ट्रेट खींचा हुआ सर। राइट राइट, बहुत खूब, बहुत अच्छा, अमेजिंग लाइट कंट्रोल और उसका पूरा वो एक इवननेस, अमेजिंग। थोड़ा उसको भी सेटल कर दिया, उसका फ्लावर्स भी कलर थोड़ा सा मैंने डिसैचुरेट किया हुआ है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत जानदार पोर्ट्रेट है। ओह क्या बात है, क्या बात है, ये भी रिसेंट लॉकडाउन में ही खींचा हुआ पिक्चर सर ये भी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, उनकी आंखें तो मतलब नजर नहीं हटा पा रहे नजर नहीं हटा पा रहे, बहुत कुछ बातें कर रही है। और ये तो हमेशा कैमरा कैरी करने सर क्या सर, ये कॉर्नर पे कर्व का जो यूज किया ना, वो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वहां पे रोल प्ले कर रहा है। ग्रिल है वो, ग्रिल का कर्व बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू सो मच। ये फायदा होता है सर हमेशा कैमरा कैरी करने से, पिक्चर हाँ हाँ ये फायदा हर जगह पे होते, खाली खींचना और सोचने से ही अपने। बहुत बढ़िया सर। ओ वाह, ये भी पानी की टंकी है। हाँ थोड़ा सा वो मेरे को सामने से उसका जो कैप था तो मेरे को थोड़ा सा जो स्पेस हो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, तो थोड़ा सा मैंने वो जो उसमें से मग निकाल के उसके ऊपर रख दिया, उसको भी थोड़ा सा डार्क करके मैंने जो कॉन्सेंट्रेट पूरा सब्जेक्ट के ऊपर हुआ है बैलेंस कर दिया आपने। और कपड़े तो बहुत कुछ बात कर रहे हैं, पीछे लटके हुए कपड़े पूरी जिंदगी बता रहे, उनकी लाइफस्टाइल बता रहे। और ये लाइफस्टाइल बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वहाँ के एम्बियंस का यूज करें, राइट? एम्बियंस सही है सर तो ही मजा है, तो आपको स्टोरी टेलिंग हो जाता है सर पिक्चर हो। स्टोरी टेलिंग पे पोर्ट्रेट अगर लेना है तो एम्बियंस ही नहीं है तो क्या स्टोरी बताएंगे। एम्बियंस का तो स्पेशली वो यूज एक ज्यादा मीनिंगफुल होता है और ज्यादा स्टोरी को बेहतरीन दिखाता है। अमेजिंग अमेजिंग। ओ ये भी मेरा अवार्ड विन पिक्चर है सर। वाओ, ये एंगल भी बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है, थोड़ा टॉप व्यू से। हाँ ये और... बच्चा है ना एक्चुअली, उसको नीचे उतर के मेरे को पिक्चर चाहिए था बट उतर ही ना रहा था, उतर नहीं रहा था, तो उसको मैं बोला कि उसको उतरने के लिए बोल, तो वो जब भी उसको बोलने लगा कि उतर उतर, तभी मैंने पिक्चर खींचा हुआ सर। हाँ हाँ वो दिख रहा है कि उसके हाथ भी नीचे थोड़े छूट रहे हैं। हाँ। और उनको पीठ पे बैक पे दिख रहा है कि वो अभी छूट रहा है नीचे, उसका फ्लो भी दिख रहा है। नहीं ये जो आपके बच्चों के पोर्ट्रेट देखे सर मैंने, उसमें एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी कि कैमरा लुक जो है ये बच्चों का वो बहुत पावरफुल है आपने यूज किया आंखों का। मतलब अगर वो थोड़ा साइड में देखते थे तो शायद उसका वो पावर ही खत्म हो जाता था, तरीके से लेके जा सकता। यहाँ पे वो पावरफुली वो डायरेक्ट व्यूअर्स के आंखों में आंखें डाल के देख रहे। करेक्ट करेक्ट सर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच सर। ओह अच्छा, ये कपड़ा है। हाँ ये स्टूडियो का बैकग्राउंड है, तो उसको खाली ऐसा फ्लो करने के लिए बोल दिया, तो उसी टाइमिंग में क्लिक किया सर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, इसमें लाइटिंग किया हुआ है, राइट? ओके हाँ स्टूडियो लाइट है, स्टूडियो शॉट से वो सेम वही जो मैं बताया था कि बादू मामा का उधर गया था पिक्चर, तो मंथन को थोड़ा बोला बैठ उस पर थोड़ा सा कुछ अलग सा पिक्चर मेरे को लगा, तो क्लिक कर दिया। हल्दी भी लगाए ना, येलो भी ये लगा। हाँ हाँ लगा दिया, वो भंडारा बोलते ना उसको, भंडारा बोलते उसे। राइट राइट राइट, अमेजिंग अमेजिंग। अब तो क्या है, कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर है सर, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, येलो ब्लू का मजा अलग है। और आप हर हर एलिमेंट का जिस तरीके से खूबी से यूज कर रहे हैं वो बहुत कुछ सिखा रहा है। बाकी कुछ बता दीजिए, ऐसा लग रहा है सर मेरे को। हाँ सब कुछ आपके लिए बना है, आप जिस तरीके से देख रहे हैं, वो बोलते ना कि भाई वो हाथ लगाए वैसे क्या सोना बन जाता है, वैसे आप उसको देख के उसको आर्ट में कन्वर्ट कर रहे डायरेक्ट। इंटरेस्टिंग, वाओ ये एक अलग ही मजा है, इसमें अलग डेप्थ है, वो राउंड टेक्सचर के साथ उसकी डेप्थ भी बन गई है। मंथन पर कहां देखने के लिए मिलता है, कैसा सुला दिया मैं। और पहली बात तो बाहर जाएगा तो कोई पूछता नहीं सर कि क्यों खींच रहा है फोटो। अपने पुणे में भाई ये अपने परमिशन है, उनको भी मालूम होता है कि कहां परमिशन मिलता है, ये भी नहीं मालूम होता। हाँ इसलिए मैंने पूछा था क्योंकि कई बार वो ऑब्जेक्शन लेते हैं, भाई परमिशन नहीं है। लेते ही है।
इंटरेस्टिंग है, पूरी दुनिया है इसमें। मतलब लाइफस्टाइल किसी के अगर दिखा नहीं भाई, जो बच्चे ऐसे रहते हैं ऐसे इसमें, तो वो जो लाइंस है सर्कल में, वो लाइंस पूरी उनकी लाइफस्टाइल, पूरी उनकी लाइफ साइकिल बता देती है कि क्या क्या मतलब स्ट्रगल है उनका अलग एक टेक्सचर के साथ। बराबर और मंथन की आंखें भी ऐसे है कि वो थोड़ा ऊपर की तरफ देखे तो वो इतने पावर आ जाती है वो व्हाइट पोर्शन में उसके। हाँ अरे सब करवा के लेना पड़ता है मेरे को उनसे, ऐसा बहुत बहुत रिश्वत देनी पड़ती है उनको ऐसे। लेकिन जब ये मंथन बड़ा हो जाएगा, ये सब देखेगा, क्या एंजॉय करेगा कि भाई मेरा, मैं तो लकी हूँ कि मेरे इतने पोर्ट्रेट बन गए, और वो भी स्टोरी टेलिंग। वाओ, ये कुछ अलग नजारा है सर अभी तो, क्योंकि ये आपने जो ट्रांसफरेंसी के साथ उसको लिया, और उसका ट्रांसफरेंसी का भी आपने वो टेक्सचर को मेंटेन किया है। ये पिक्चर मैंने सातारा में नितिन बर्गे सर उनके स्टूडियो में खींचा था पिक्चर सर। अरे वाह नितिन जी, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या रिदम है, क्या लाइंस का फ्लो है, वो ट्रायंगल जिस तरीके से बनाया है, उसका जो एक कंप्लीट फ्लो वाइज जो है, और लाइट कंट्रोल भी बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। आप थोड़ा बताइए सर। मैं वही था अभी एक्चुअल में मैंने ये ट्रांसपेरेंट साड़ी मैंने इसके लिए ली थी, बट एक्चुअल में इसमें जो ट्रांसपेरेंट वाला जो आता है इसमें दो एक आता है, दो एक मैट आता है ग्लॉसी, मैंने जानबूझ के ग्लॉसी ले लिया ताकि वो साड़ी ट्रांसपेरेंट है वो मालूम पड़े सर, उसका जो रिफ्लेक्शन आने से है ना उसका डायमेंशन मालूम पड़ता है। वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग, ये आ गया पोस्टर पिक्चर। हाँ क्या अभी हम लोग थोड़ा एंड के सेशन तक आ गए क्या? ऑलमोस्ट हाँ, क्योंकि बोलो वैसे। ये जो पिक्चर आ गया ना, पोस्टर वाला पिक्चर, इसमें भी लाइंस का, ट्रायंगल्स का एक अलग ही मजा है ये। ठीक है थोड़ा फास्ट जाते हैं सर। ये जो आपने किया है सर, इसका थोड़ा सा सिर्फ बताइए ना कि क्या है एग्जैक्ट, मतलब ये जगह कौन सी है, जो बिल्डिंग वाली थी आपकी, कराड़ हाँ बिल्डिंग वाला ही में खींचा हुआ है सर। हाँ वाली बिल्डिंग। कराड़ वाला बिल्डिंग में। वाह, ये यहाँ पर आशुतोष जी कह रहे हैं कि धन्यवाद सर, छोटे छोटे गोष्टीतून बेस्ट आउटपुट कसा घ्यावा हे कळले, कल्पना शक्ती जागृत ठेवावी, आणि डोळ्यातून फोटो कसा पहावा व नंतर तो कॅमेराने कसा काढावा हे कळले। थँक्यू सो मच आशुतोष जी, थँक्यू सो मच, आप जुड़े रहे और लगातार 3.5 आवर हो चुके, और लेकिन सेंचुरी बन रही लगातार, सब पार्टिसिपेंट्स हमारे एंजॉय कर रहे, यही यही तो चाहत थी, यही तो सर भी बोले थे कि मैं कोई लिमिट नहीं कर रखूंगा। और देखिए ये बच्चों को देख पा रहे हैं हम लोग, कितना खूबसूरती से उसके हेयर्स को बहुत अच्छे से आपने रिम लाइट यूज कर लिया नहीं, गोल्डन। ये पिक्चर में एक्चुअल में प्री वेडिंग के लिए गया था रन ऑफ कच्छ, हाँ तो उस टाइम में जहाँ वो जो हट रहे थे ना रहने के लिए हाँ उधर आम थे, तो वो बच्चा उधर ही खेल रहा था सुबह इतना जल्दी। देखो वहां पे बाजू में झूला भी था, वो देखो उसका जो स्मोक भी दिखाई दे रहा है बाजू में, तो वो फोटो खींचते से मैं ऊपर देख ही नहीं रहा था सर। हाँ अच्छा, तो उसकी मम्मी आई, देख देख देख, तो कैसा वैसा करके उसका पूरा मुंह फुला के देखा हुआ पिक्चर, मेरे को अच्छा लगा मैंने क्लिक कर दिया। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग। और वो रिम लाइट का जो हम लोग कहते हैं ना कई बार कि रिम लाइट को कैसे यूज करें, तो देखिए ना वो रिम लाइट का जो यहाँ पर इतना परफेक्ट यूज है, उसके शोल्डर पर वो लाइन आ गई, उसके हेयर्स पूरा पे वो बन, बैकग्राउंड से सब्जेक्ट सब्जेक्ट एकदम अलग हो जाता है पूरा सर। पूरा ऊपर के बाहर आ गया रिम लाइट की वजह से, अदरवाइज पूरा फ्लैट इमेज होता था, ये बहुत दूसरा अमेजिंग। वाला, हाँ दूसरा वाला पिक्चर भी देखिए सर, ये भी मैंने हाँ रन ऑफ कच्छ में निकाला हुआ सर। हम लोग एक जगह पे एड्रेस पूछने के लिए गए थे, तो पूछ रहे थे कपल, तभी देखा कि बंदा स्मोक करते हुए बैठा था, मैं उसका खींचा, लेकिन पीछे वाला जो देख रहा था कुछ ना कुछ ऐसा शरारत दिख रहा था, मेरे को वो भी अच्छा लगा, तो दोनों के लेके थोड़ा सा वो एक स्टोरी क्रिएट हुआ है। देखिए मैं एक थोड़ी मतलब एक दिल की बात बता रहा हूँ यहाँ पर, जो मुझे लगा तुरंत ऐसे, मैं कंटिन्यू आपके साथ अभी इतना टाइम से हूँ, और अभी जैसे थंबनेल में हम लोग दोनों दिख रहे, फटाक से आपकी तरफ देखा ना आप लाइट के नज़दीक आ गए, तो मुझे मतलब बहुत दिल से कह रहा हूँ मैं कि मुझे गौतम राजादत्त सर दिखे अरे नहीं सर, ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन। नहीं, मैं जो मुझे दिखा लाइट के इसमें, क्योंकि वो थंबनेल में वो जो आपका जो जिस तरीके से वो फेस का पूरा ये हो रहा है, उस जो लुक आ रहा है वो थंबनेल में, इसलिए मैंने बोलने में भी थोड़ा सा ये किया कि वो डायरेक्ट ऐसा दिखे, क्योंकि मैं सर के जितने फोटोज देखा हूँ
उनका जो जो ये है फेस का, मैं वर्ड्स भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो दिखा मुझे तुरंत, इसलिए मैंने वो शेयर किया बात। ठीक है सर, आगे आगे बढ़ते हम लोग। ओ ये वाह, मेरा अवार्ड पिक्चर है सर, ये मेरे घर में ही निकाला हुआ है, मंथन ही है। मंथन तो यहाँ पे लिखा है कि मंथन एक सुपर आइकॉन हो गया। मंथन अभी पूरे कंट्री को मालूम हो गया आज के इसमें कि अरे दस इसके बजे ऊपर पूरा पूरा सीरीज हो जाएगा सर मेरे पास, इतना पिक्चर है। मंथन मंथन ही नाम रखे रहेगा उसका। एक यहाँ पर एक ये जो हमारे अलर्ट सर कह रहे कि थैंक्स टू राकेश सर एंड सचिन सर, प्लीज मेक वन लाइव ऑन फोटो एडिटिंग बाय राकेश सर। मैं खुद इसको एक एक सिर्फ कहता हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया आज कि राकेश सर का इतना पेशेंस है एडिटिंग में, हम कोई इतना पेशेंस नहीं रख रहे, तो एक इमेज का सेशन के लिए कितना दिन लगेगा कितना पेशेंस रखना पड़ेगा। और वो बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ काम करेंगे, वो मुझे साइड में कॉमेंट्री करनी पड़ेगी लेकिन मैं उनकी सोच को नहीं बता सकता, मैं फोटो से बता सकता हूँ। अब एडिटिंग में इतना डीप सोच रहे सर, ये तो मेरा आज सौभाग्य कि मैं वो प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर फोटोज ये करने में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग यूज है वहाँ पर। वाओ, ये विंडो लाइट है सर, ये भी ये विंडो लाइट है, और कितना आपने उसका जो ये जो फील जो दिया है ना, वो फील बहुत मजा ला रहा है, मतलब सॉफ्टनेस जो होता है ना सॉफ्टनेस, वो फील हाँ। बहुत मजा आ रहा है। ये पिक्चर सर मैंने वेडिंग में निकाला है, गुरुद्वारा में निकाला हुआ पिक्चर है सर ये। अच्छा, इसलिए वो ये भी है वहाँ पे। इंटरेस्टिंग सर, इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। ये तो बात करने वाला है ये। ये पिक्चर तो मैंने देखा, जैसे मैं वो ट्रैवल कर रहा था, मैं बोला ना कि मेरा ऐसा ऑलमोस्ट बहुत सारे पिक्चर्स हुए हैं, तो ये हाँ कर्जत हाँ स्टेशन पे निकाला, तो मेरे को जाते में बंदा दिखा, तो इसमें कुछ अलग सा पिक्चर है। तो मेरे साथ में मेरी वाइफ और मेरे लड़के भी थे, तो उनको बोला है ना अपने को वड़ा पाव लेने का, तो वही आदमी से उनसे ही मांगा हूँ। और मैं पूरा अच्छा पूरा मैं तैयार था मेरा विंडोज को कैच करके, और मैंने उस वाइफ को बोला उसको कि ले ले उससे, और जितने टाइम में उसने वो वड़ा पाव दिया उसी टाइम में पिक्चर निकाला हुआ है सर। ये आपका जो प्लानिंग होता है ना माइंड में पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इससे सब कुछ ट्रिक आप दे रहे हैं कि भाई ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है ये, कोई और वो उतनी स्पीड में ऑब्जर्वेशन, इतने हाँ फटाक उस फेस को पहचानना, उस पर्सनैलिटी को पहचानना, और उसको एक ट्रिक के जैसे आपने बैंगल वाले को घर पे लाया, हाँ डील किया उसके साथ, हर एक के साथ वो ये करते आना चाहिए, तो हम लोग बेहतरीन आउटपुट भी ले सकते हैं उनसे, और वो उतने समय में, मतलब हाँ सेकंड में लेना है तो सेकंड में लेना है। वही मैं बोला, फिर बाद में मिलने वाले ने यही सोच के मैं क्लिक करता हूँ सर। परफेक्ट, हाँ, ये तो देखा था मैंने, ये हाँ ये भी तो मेरा अवार्ड विन पिक्चर है सर। अवार्ड विनिंग पिक्चर है, और ये इसमें तो वर्ड्स ही नहीं, उसमें क्या मजा कर दिए। एक एक तो आपका एंगल इतना बढ़िया है सर, ये मतलब टॉप व्यू का भी टॉप व्यू है ये, सर और ये उसने तो इतना वो दिया है उसका व्यू। अरे तालीम में सर इतना डार्क अंधेरा था ना, थोड़ा सा मैंने लाइटिंग किया है वो, इसको बहुत डिफिकल्ट जा रहा था। तो देखो पीछे से मैंने थोड़ा हाँ सा वो मट्टी भी उड़ाने के लिए कहा, तो मेरे को शटर स्पीड भी फास्ट चाहिए था सारा, थोड़ा सा बहुत तो ये करने के बाद मैंने खींचा हुआ पीछे सर, खत्म क्योंकि थोड़ा भी लाइट अगर थोड़ा और फैलता था तो पूरा डेप्थ ही खत्म कर देता था वो लाइट। बहुत होता। हाँ। ये आपने यहाँ पर फ्लैश लाइट यूज किया है? हाँ इसको फ्लैश यूज किया है मैं, वही तो बोल रहा हूँ सर, लाइट हाँ यूज हाँ किया। इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग, तो जो तालीम में इतना लाइट नहीं रहता है सर, हाँ, राइट राइट राइट, यस सर यस सर, आगे बढ़ते हम लोग। ये कराड़ में खींचा हुआ है मैंने। हाँ, ऑरेंज कलर सब कुछ कह रहा है, उनकी आंखें हाँ आंखों के साथ, वो और ये मैंने मारा एसी स्टैंड पे खींचा हुआ पिक्चर सर मैंने, ये उसका टेक्सचर वो विंडो का, और ये पूरा बहुत मतलब बढ़िया, बहुत बहुत प्यार लगता है सर मेरे को पिक्चर है। बहुत प्यारा पिक्चर है सर। और ये जो कलर्स का जिन्हें अगर मीनिंग मालूम है ना तो वो समझेंगे इसका क्या मीनिंग होता है ये ऑरेंज कलर का। और सेकंड थिंग उनका जो ये हम क्या कहते हैं अपने इधर मराठी में तो घोंगड़ी कहते हैं उसको, हाँ ये उस तरफ के ये लाइफस्टाइल जो है ना, ये वो टर्बन और वो साइड में जो डालते हैं उसको, मैं हिंदी वर्ड मुझे भी नहीं याद आ रहा है, हाँ तो और ये उसका एक अलग टेक्सचर लेना, और नो वर्ड, सच में नो वर्ड्स यहाँ पे टेंस में भी लिखा दिखता है, तो वैसा टेंस में भी दिखता है।
क्या कहे उसको, और मतलब ये ना सर, ये प्रिंट में एक एग्जीबिशन में देखते समय हम लोग रुक सकते मतलब सामने सामने, क्योंकि पूरा उसके बस यही हो जाता, कंसंट्रेट हो जाएगी सर इसे, क्योंकि ये एग्जीबिशन आपका होना जरूरी है उसने थोड़ा लार्ज फॉर्मेट प्रिंट्स में, कि जिसके हम लोग उसका एक्सपीरियंस ले सके, क्योंकि मुझे पता है कि आप प्रिंट भी खुद ही करते हैं और प्रिंट में भी आपको कई रिजल्ट पसंद नहीं आता क्योंकि कलर्स ही नहीं मिलते आपको। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, नो वर्ड्स। अगर ये दोनों पिक्चर को एक के पीछे एक देखा जाए, मतलब आपने ऐसी दुनिया दिखा दिया अभी एक के पीछे एक, कि आपने वहां पे टेक्सचर्स को निकालते हुए तुरंत आपने सॉफ्टनेस पे ला दिया हमें, और उसमें अपीलिंग आंखों आंख और वो रेड कलर का इंटेंसिटी। ये भी इंटरेस्ट अवार्ड विनिंग पिक्चर है मेरा। वाओ, आपका ये सर थोड़ा सा जो टॉप एंगल जो है ना, ये बहुत प्रभावी लग रहा है मुझे, उसका एक अलग ही प्रभाव दिख रहा है एक्चुअली। ये तो बस हम लोग घर में बैठे थे ब्रेकफास्ट के लिए, तभी पिक्चर खींचा, एक मेरा भाई का हाथ है और एक मेरा सामने से हाथ है, उसने पकड़ा हुआ फ्यूजी X100T से पिक्चर खींचा हुआ सर 35 mm। ये तो हर हाथ से मुझे कैरेक्टर दिख रहा है, हर हाथ में कैरेक्टर दिख रहा है अलग। पूरा टेंशन में था, पूरा गुस्से वाला सी फील था। ये तो मतलब इतने आकार दिख रहे हैं उसमें, कि वो हाथों में भी बहुत कुछ, सिर्फ मतलब ह्यूमन कैरेक्टर्स नहीं, तो मुझे एनिमल्स दिख रहे हैं, बहुत कुछ दिख रहा है, अलग अलग ही दिख रहा है हर टाइम। मुझे लगता है कि ये पिक्चर जितने बार देखा जाए, ये मैं फॉर्मेलिटी के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, वो मुझे भी नहीं जमता है, कि जो दिख रहा है वहां पर अगर आंखें थोड़ी सी धुंधली सी करे तो कुछ अलग दिख रहा है, थोड़ा सिर्फ उसके सर पे जो हाथ गया है वो इतना कुछ कह रहा है, अमेजिंग। थैंक यू, क्या बात, थैंक यू तो हमने कहना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात भी मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पर, कि आप इंस्टाग्राम पर राकेश सर को Instagram/Rawal Photos ये सर्च करें और सर को आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर Facebook.com/Rawal Photos ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये फॉलो कीजिए आप, क्योंकि आज अगर हम लोग ये मतलब कुछ समय में 4 hours हो जाएंगे, ये जो बारिश हुई है ना आज ऊपर वाले ने ऐसे दिया है कि जहाँ पर जरूरत थी पानी की, और दिल खुलास बारिश कर दी यहाँ पर। हमने कहा था कि ये महफिल आज होगी, और मैंने महफिल वर्ड वो स्टार्ट में यूज नहीं किया, मतलब ऐसा ऐसा ऐसे रंग भर देंगे आज सर, कि हर एक रंग को यहाँ पर भर दिया है, मुझे लगता है कि हर साइड से आज इतना सर आपने दिल से दिया है, इसके लिए तो ना थैंक यू ना कुछ वर्ड्स भी नहीं है, जो पिक्चर्स आपने हर पिक्चर को यहाँ पर न्याय तो दिया है, लेकिन हमें फोटोग्राफर्स को एक नई ऊर्जा दी है, और यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं राकेश सर का नंबर आपके साथ शेयर करूंगा उनके परमिशन से, कि अगर जरूर जरूर सर, कभी भी कुछ भी फोटोग्राफी के रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो कॉल कीजिए ऑलवेज, राइट। और ये बहुत बहुत अमेजिंग बातें हैं कि सर इतना देना चाहते हैं, और ये सिर्फ एक हम लगातार जो देखे ना इस सेशन को, शायद हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप 10-10 मिनट और बार बार देखे एक एक पिक्चर को, तो वो प्रयास हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ये करते समय अगर आपके फोटोज अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, ये सेशन के बाद में जो आपने बनाए वो स्पेशली राकेश सर का सेशन देखने के बाद, तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, और उस ग्रुप में भी आप आ सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, कि जहाँ पर आपको बेसिकली ये फोटो शेयर करके उस पर हम लोग एक सेशन कर सकते हैं, जैसे राकेश सर का टाइम वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मैं कुछ ये कमेंट ले लूँगा सर यहाँ पर लास्ट में, जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ पर है अनूप जी, वो कह रहे थे कि वेरी सेंसेशन वेबिनार सचिन सर, वी आर प्रे दैट एवरी सेशन इज नंबर वन, थैंक यू सो मच सर। एक यहाँ पर कहा जा रहा है, सदाशिव सर कह रहे कि आज असं जाणवलं है, आजपर्यंत फक्त फोटोग्राफी पाहिली पण फोटोग्राफी शिकायला सुरुवात आताच झाली, थैंक यू सो मच सर, आपके वर्ड्स हमारे लिए बहुत ऊर्जा है,
उल्ला सर कह रहे थैंक यू, वेरी नाइस सेशन सर, थैंक यू सो मच। फुलचंद सर कह रहे यहाँ पर कि खूब सुंदर सेशन सर, थैंक यू वेरी मच सर, आणि हा सेशन पाहून बऱ्याच फोटोग्राफरचे मनोबल वाढले सर, थैंक यू सो मच। ये वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि मनोबल बढ़ना चाहिए, मनोबल बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल निगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है, बिल्कुल निगेटिव नहीं सोचना है। ये प्रयास ही इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि कोई निगेटिव सोच नहीं रखनी, पॉजिटिव सोच रखनी है। दिन आता है जाता है, समय बदलते रहता है, हमारे पास एक कला है, हम रोज उस कला के साथ आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। सो यहाँ पर नितिन जी कह रहे हैं इट रिमाइंड्स मी द फ्रेम्स फ्रॉम तुम्बाड़ मूवी, अमेजिंग। यस यस यस, वो एक वो पिक्चर था, राइट राइट राइट। यू हैव शोन दैट लेस इज मोर, थैंक्स टू बोथ यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू सर आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। और मुझे लगता है कि बहुत ऊर्जा दी है, मैं दशरथ सर का ये एक सेंटेंस लेके यहाँ पे आज रुकना चाहूंगा कि मंथन एक सुपर आइकॉन है, और उसको सुपर आइकॉन को जो बनाने वाले हमारे सुपर फोटो आर्टिस्ट है वो है राकेश सर, और राकेश सर आपने जो भी दिल से दिया है ये इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास, ये बहुत कम दिखाई पड़ता है कि अगर मतलब हम कुछ देना चाहे दिल से तो लेने वाले भी उतने दिल से लेते हैं। लगातार 3.5 आवर 100 फोटोग्राफर्स इसमें शामिल हुए, और आपकी ये जो देने की चाहत है इंडस्ट्री को बहुत कुछ आज देखे गई है, देते रहेगी, और आप सही सलामत रहे, खुश रहे, और हर दिन आपको कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए, आपका फैमिली बहुत ऐसा है हंसता खिलता रहे और इतना सपोर्ट करते, तो मैं आप सभी को पूरे फैमिली को रावल फैमिली को सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ, और ऐसे एंजॉय करते रहिए फोटोग्राफी में, और हो सके जब तो एक 1-to-1 भी बाद में सेशन हो जाएगा जब लॉकडाउन। थैंक यू सो मच, ऐसे आशीर्वाद बना रहे सर आपका, और बस आप खुश रहे, सभी लोग ख्याल रखे, आप व्यूअर्स भी सब लोग अपना अपना ख्याल रखे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, थैंक यू।